नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में राष्ट्र हित में शिक्षा दिस इज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा आज की यह वीडियो आगाज हो चुका है रण में और दोस्तों उम्मीद यह है कि पूरी तरीके से अगर सिद्धत के साथ आपने पढ़ा तो हिंदी में आपको कोई हरा नहीं सकता ऐसे ही सारी वीडियो आपको दो से तीन घंटे की मिल जाएंगी, यानी पूरी वीडियो जो संपूर्ण है इससे बाहर कुछ भी नहीं कहने के लिए बच्चे ताव ताव में वीडियो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन अंत तक उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक उन्हें संतुष्टि मिलती है हम उम्मीद ये करेंगे कि आप अधूरा ज्ञान नहीं लेंगे और एक पेन एक कॉपी उठा लीजिएगा कम समय है तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ वीडियो पूरा वॉच करें हिंदी में जितने चैप्टर बनते हैं उन सभी को फिनिश करेंगे बहुत सुपर फास्ट में याद रखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला चैप्टर आता है जहां से दस नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग हिंदी वर्णमाला से छोटे बड़े दस क्वेश्चन आते हैं हिंदी वर्णमाला से और ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली हेडिंग आपको डालनी है हिंदी एल्फावेट यानी वर्णमाला वर्णमाला से पहली स्लाइड में तीन क्वेश्चन बन जाते हैं एक तो यह बनता है हर बार कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला यानी हिंदी अल्फावेट कहा जाता है दोस्तों याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में अगर टोटल वर्ड पूछे जाए तो बावन होते हैं ऐसे ही इंग्लिश अल्फावेट में टोटल वर्ड ट्वेंटी सिक्स छब्बीस होते हैं वहां पर पांच स्वर होते हैं यहां हिंदी में ग्यारह स्वर होते हैं वहां पर पांच के बाद जितने भी बचते हैं यहां पर व्यंजन तैतीस होते हैं वहां इक्कीस व्यंजन यहां तैंतीस वहां पांच स्वर यहां ग्यारह स्वर ठीक है ना ये कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा तो ये वर्णमाला से तीन क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी स्लाइड से बनेंगे इससे बाहर कुछ नहीं अगर मैं बात करूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आजकल सबसे ज्यादा बन रहा है वो यहां से क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है चार ऑप्शन देकर कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो दोस्तों याद रखिए सबसे छोटी इकाई अगर ऑप्शन में ध्वनि दिया है तो आप ध्वनि मारेंगे ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों क्वेश्चन दो बनेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो ध्वनि ऑप्शन में ढूंढना अगर ध्वनि ना हो तब वर्ण मारेंगे और जब ध्वनि वर्ण दोनों हो तब सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है ध्वनि को ही देनी है नोट में और लिख लीजिएगा कि उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है लेकिन लेखन की दृष्टि से वर्ण है यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लिखित रूप में वर्ण को व्यक्त किया जाता है जबकि उच्चारित रूप में हम ध्वनि को व्यक्त करते हैं दोनों में फर्क है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला की जब भी हम बात करते हैं ना इसको दो भागों में बांटा जाता है यानी पहली बात मैंने बताई ग्यारह स्वर और हम कॉन्सनेंट की बात करें यानी व्यंजन की बात करें तो तैंतीस व्यंजन होते हैं तैंतीस व्यंजन और ग्यारह स्वरों में हमारी पूरी हिंदी समाहित है ठीक है तो ये दूसरी स्लाइड में आपने बहुत कुछ सीख लिया है इससे थोड़ा सा बोझ आपके दिमाग का कम हुआ होगा अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्णों को अगर दो भागों में बांटा जाता है यानी स्वर में बांटा जाता है और व्यंजन में बांटा जाता है तो स्वर के कितने भाग होंगे स्वर दोस्तों ह्रस्व स्वर कहलाएगा स्वर का दूसरा भाग दीर्घ स्वर होता यही है यहीं से क्वेश्चन बनते हैं चार ऑप्शन दे देगा कह देगा कि दीर्घ स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है चार ऑप्शन दे, दे, दे देगा कहेगा प्लुत स्वर कौन सा है कौन सा नहीं है या एक परिभाषा डाल देगा और तीन चार ऑप्शन दे देगा कि कौन सा स्वर है इसी तरीके से व्यंजन में क्या है व्यंजन में आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ना है वेंजन पढ़ना है और ऊष्म व्यंजन पढ़ना है मैं फिर से बताना चाहूंगा संख्या ग्यारह है और संख्या तैतीस है ठीक है तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्वर वर्ण स्वर वर्णों के भेद हमने तीन प्रकार के भेद आपको बताए यानी जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े यह डायरेक्ट परिभाषा हंड्रेड से भी ज्यादा बार पूछी गई है सौ से भी ज्यादा बार पूछी गई है यानी स्वर वर्णों को हम हमेशा स्वतंत्र अवस्था में रखते हैं स्वतंत्र है वही दोस्तों स्वर है जो सहायता नहीं लेते हैं वही दोस्तों स्वर है स्वर के कितने भेद हैं एक है हृष्य स्वर एक है दीर्घ स्वर एक है प्लुत स्वर अब बात कर लेते हैं कि हृष्य स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर को हम अपने एग्जाम में कैसे सॉल्व करें हम अपने एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करें जिससे हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो दोस्तों याद रखिएगा कि हृष्य स्वर दीर्घ स्वर को समझ लेते हैं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही तीन स्वर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्या, क्या क्या बनेगा आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हृष्व स्वर कहा जाता है यानी छोटा आ छोटी ई छोटा ओ और री याद रखिएगा जिनको बोलते समय हमें कम दम लगे कम श्वास लगे और कम समय लगे तो दोस्तों वही हृष्ठ स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या दोस्तों आपको याद रखनी है कि यह संख्या चार होती है दीर्घ स्वर की बात करें नाम से ही पता चल रहा होगा कि हृष्व स्वर छोटा है दीर्घ माने बहुत बड़ा दीर्घ की बात अगर की जाए तो दीर्घ स्वर में क्या होता है कि दीर्घ स्वर में हरिश्व स्वर से दो गुना समय ज्यादा लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है इनकी संख्या चार थी और इनकी संख्या दोस्तों कितनी है सात है याद रखिए बड़ा आ यहां छोटा आ यहां छोटी ई तो यहां बड़ी ई इसी तरीके से बड़ा उ आये आये और ओ आओ ये सभी दीर्घ स्वर में आते हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है ना चलिए स्वर की बात की जाए कि जिन स्वरों के उच्चारण में हृस्व स्वर अब देखिए हृस्व स्वर से दो गुना अगर समय लगा तो वो हो गया दीर्घ स्वर और अगर हृस्व स्वर से तीन गुना अगर मैं ज्यादा अधिक समय लगा दूं तो वहां पर पुलित स्वर होता है जैसे अगर मैं पुलुत स्वर की बात करूं तो जिस स्वर का उच्चारण पुलुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक तीन लिखा जाता है जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ये इस तरीके से तीन लिख दिया भैया ऐसे बोलते चले जा रहे जैसे कोई व्यक्ति है कोई बच्चा है बहुत दूर है उसको बुला बुल, बुलाना है तो बोले कहें बहुत तेज आवाज कहेंगे कि ओ चाचा इस तरीके से हम जब कहेंगे जब तक मेरी सांस खत्म नहीं हो जाती आप स्वयं यह रिलाइज करो कि जब आप ओम बोलते हो तो ओम जब तक बोलते हो जब तक आपकी सांस खत्म नहीं हो जाती यानी जहां पर हम अधिक समय लगाते हैं सबसे अधिक समय वो क्या होगा वो होगा दोस्तों स्वर अब बात करेंगे व्यंजन की व्यंजन क्या है तो व्यंजन क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं व्यंजन में परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण अपना स्थान निभाती है व्यंजन में क्या है कि व्यंजन ये कहता है कि भाई जो स्वर है ना जो आपके स्वर हैं वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं स्वतंत्र होते हैं लेकिन अगर स्वरों की सहायता ले ली जाए स्वरों की सहायता से जो हवा कंठ से निकलकर मुंहस में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहा जाता है और हिंदी में व्यंजनों की संख्या मैंने तीन से चार बार अभी बताई है कि तैतीस होती है अगर मैं पूछूं व्यंजन के भेद कितने होते हैं तो व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं एक है स्पर्श व्यंजन एक है अंतस्थ व्यंजन एक है व्यंजन यहीं पर आप लिख लीजिएगा स्पर्श व्यंजन अगर हिंदी में पूछे कितने हैं पच्चीस अंतस्थ व्यंजन अगर क्वेश्चन में पूछे कितने हैं चार और हिंदी में ऊष्ण व्यंजन कितने हैं चार ये बात आप नोट कर लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक है चलिए अब हम एक एक को जान लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु मूर्धा दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं यह मैंने अभी अभी नोट यानी का से मातक ये भी मैं बताऊंगा का से मातक अब स्पर्श व्यंजन को का से मा तक कहने का क्या मतलब है यानी मैं आपको एक स्लाइड में दिखाता हूं एक स्लाइड में दिखाता हूं दोस्तों एक स्लाइड में यहां से ले लेता हूं जैसे यहां से एक स्लाइड में ले, ले लेता हूं कहां से लू मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा यहां से देखिए का से मा तक का से मा तक का मतलब है कि का वर्ग है तो ये पांच सदस्य हो गए चा वर्ग है तो ये पांच सदस्य हो गए और टा वर्ग है तो ये पांच सदस्य हो गए ता वर्ग है ये पांच सदस्य हो गए और पा वर्ग है ये पांच सदस्य हो गए तो आप जान रहे हो कि पांच लाइन में पांच सदस्य है तो पांच पांच टोटल कितने है? ये हैं ये यही दोस्तों आपके स्पर्श व्यंजन हैं ठीक है ना स्पर्श व्यंजन है इस चीज को आप भूलिए मत अब स्पर्श व्यंजन को मैं आपको बता देता हूं आप फिगर बताया स्पर्श व्यंजन में देखिए का से हमने देखा कि का वर्ग है ये और का वर्ग को दोस्तों क्या कहा जाता है कंठ कहा जाता है याद रखिएगा कंठ कहा जाता है और कंठ दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बताओ कि गा और घा कहां के वर्ग हैं तो ऑप्शन में का वर्ग दे देगा या कंठ वर्ग या तालु वर्ग या मूर्धा तो ये पांचों वर्ग आपको पता होने चाहिए यानी ये पांचों वर्ग आपको रटे होने चाहिए तभी वर्णमाला आप कर पाओगे वर्णता नहीं कर पाओगे तो का वर्ग में पांच होते हैं का खा गा घा इंग्या तो इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है गले से होता है आप ये नोट कर लीजिएगा ये देखिए आप का बोलोगे का खा गा घा इंग्या एक भी आपके जो वर्ड है वो गले से ऊपर नहीं आ रहे सब गले से आप बोल के देखो ना तो ये जितने भी हैं ये गले से आ रहे हैं तो ये कंठ हो जाएंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही चा वर्ग अब जब चा बोलोगे तो थोड़ा सा ऊपर आओगे थोड़ा सा ऊपर आओगे मुंह तो चा बोलोगे चा छा जा, जब आपकी जीवा तालु से संपर्क करती है तो इनका उच्चारण स्थान तालु हो जाता है तो चाचा जाजा वाह थोड़ा सा और आइए आगे तो आप टा बोलोगे जीव के आगे का हिस्सा थोड़ा सक्रिय होगा टा ठा डा ढा ढा यानी इनका स्थान दोस्तों मूर्धा हो जाएगा और दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा और आगे की बात करूं तो ये जीव का आगे वाला हिस्सा दांत से लगेगा आपकी बार देखिए ता अब देखिए ता था दा धा ना स्थान क्या हो जाएगा दांत हो जाएगा क्योंकि बिना दांत में जीव लगे ये हो ही नहीं सकता थोड़ा सा और आगे आ जाइए दांत के आगे क्या है आपके ओठ हैं दोस्तों जैसे ही ओठ पे आए तो ये स्थान ओष्ट हो जाएगा अब ओंठ पे आप अगर पापा बोलोगे बाबा बोलोगे भाई बोलोगे तो बिना ओंठ के नहीं बोल सकते तो पा वर्ग आ जाएगा पा फा बा, भा, भा, बा। तो ये हो गए ना से लेकर हमने मा तक देखा है ये टोटल 25 होते हैं समझ में आया या नहीं आया यहीं से क्वेश्चन ये जो स्लाइड आप देख रहे हो ना यही पांच से ज्यादा नंबर देकर जाएगी आपको यही पांच से ज्यादा नंबर आपको देकर जाएगी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत जबरदस्त है बहुत धांसु है ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन देखिए अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है चार होती है अंत स्था व्यंजन की संख्या चार होती है जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है वही दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या चार होती है या रा ला और व उस व्यंजन की बात करें जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर गर्मी पैदा करती है ऊष्मा पैदा करती है इसीलिए नाम व्यंजन हो गया है दोस्तों और याद रखिएगा कि व्यंजन भी चार होते हैं सा 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 हा सा सा हा होते हैं ये भी चार होते हैं ये भी चार होते हैं और स्पर्श व्यंजन पच्चीस होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ठीक है डायरेक्ट आपसे कह सकता है कि ये बताओ कि वाक ऐसा व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो यावा ऑप्शन दे देगा तो भी आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अयोग वह बच्चों से क्वेश्चन गलत होता है कि अयोग वह क्या है हिंदी में अयोग वह की बात करें तो अयोग वह का अर्थ है आ के योग से बनने वाला शब्द अयोग वह कहलाता है आ के योग से अर्थ का बहन करें वो अयोग वह है किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं वो अयोग वह होते हैं यानी अगर मैं अंगार की बात करूं तो अंगार में आप ये देख रहे हो प्रातः में आप ये विसर्ग देख रहे हो अंधेरा में आप ये आपकी बिंदी जो बिंदी और विसर्ग का मतलब है ना यही अयोग वहां से संबंधित है और क्वेश्चन में जब पूछा जाए कि अयोग कितने होते हैं हिंदी में तो दो होते हैं कौन से एक अंग और एक आ ठीक है चलिए योग वहां के भेद तीन प्रकार के होते हैं एक अनुनासिक है एक विसर्ग है एक अनुनासिक है अनुस्वार है एक अनुनासिक है ठीक है ना उल्टा हो गया अनुस्वार अनुनासिक और विसर्ग अनुस्वार में दोस्तों हमेशा चंद्र बिंदु होता है अनुस्वार में हमेशा चंद्र बिंदु होता है जैसे हंस में ऊपर अंश में ऊपर कंस में ऊपर यह क्या है अगर शब्द में अगर कह दिया जाए शंकर बताइए कौन सा है अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है यह भी याद रख लीजिएगा यहां लिख लीजिएगा नाक से उच्चारित बराबर अनुस्वार अगला विसर्ग नाम से ही पता चलना होगा कि जिसके अंत में विसर्ग आ जाए जैसे प्रातः नमः अतः अंत यह विसर्ग हो जाएगा और अनुनासिक में दोस्तों क्या होता है कि अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं यह लिख लीजिएगा अनुनासिक के बगल में लिख लीजिएगा जो नाक और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक में होता क्या है ये वाला आपकी बात बदल जाएगा जैसे आंख में ये है आपका गांव में ये है की बार ये वाला चंद्र बिंदु हो जाएगा इसलिए आपको बहुत ध्यान से करना है अनुस्वार एक बिंदी विसर्ग पीछे दो बिंदी और अनुनासिक ऊपर बिंदी चंद्रमा वाली ठीक है ना चलिए संयुक्त व्यंजन से दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल चार संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों कौन कौन से होते हैं एक छा होता है एक त्रा होता है एक ग्या होता है और एक श्रा होता है ठीक है ये होते हैं अब याद रखिएगा कि जो छा का मतलब है छा किससे बनता है यही पूछा जाता है यही पूछा जाता है और सभी में हलंत जरूर लगाइए छा जो बनता है वो का प्लस सा से बनता है त्रा जो बनेगा वो ता प्लस रा से ग्या जो बनेगा वो ग्या प्लस यानी जा प्लस रा से यानी से श्रा जो बनेगा वो सा से बनेगा ये चार आपके क्या है ये आपके संयुक्त व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी होती है चार होती है और जो दो दो व्यंजनों से बने होते हैं योग होता है दो व्यंजन का और एक संयुक्त व्यंजन आपस में एक रिजल्ट दे देते हैं ठीक है ना तो संख्या आपको याद हो गई अयोग वाह की संख्या दो अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार स्पर्श व्यंजन की संख्या ट्वेंटी फाइव और अगर मैं उस व्यंजन की बात करूं तो चार और अगर संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो चार अब बात करेंगे अल्प प्राण और घोष और सघोष अघोष अल्प प्राण व्यंजन को सही से पढ़िए महाप्राण अल्प प्राण कौन से हैं सघोष अघोष कौन से हैं यह भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा देखिएगा उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है ये सबसे पहली हेडिंग हेडिंग हेडि जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है और वो कौन कौन से हैं एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण अल्प प्राण कौन से होते हैं महाप्राण कौन से होते हैं ये हम पूरी तरीके से ट्रिक में आपको फिगर सही समझा देंगे ठीक है ना ट्रिक में आपको फिगर सही समझा देंगे चलिएगा जान लेते हैं क्या है इनका माजरा ठीक है चलिए तो सबसे पहले प्राण को समझ लेते हैं कि जो अल्प प्राण और महाप्राण में प्राण शब्द है वो क्या है हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है हवा को संस्कृत में प्राण कहा जाता है जिस तरीके से हम शब्दों को बोलते हैं जो हमें शब्द दिखते नहीं है वो क्या है हमारे वायु है या प्राण है इसी आधार पर कम हवा से उच्चारित ध्वनि को अल्प प्राण और अधिक हवा से उत्पन्न ध्वनि को महाप्राण कहा जाता है महा का महान इससे ज्यादा ध्वनि लगेगी और अल्प से कम यानी कम ध्वनि लगेगी तो याद रखिएगा कि अल्प में कम होता है और अधिक में क्या होता है महा होता है यानी महाप्राण होता है इसलिए ज्यादा ध्वनि ज्यादा दम महाप्राण में लगती है कम ध्वनि कम दम अल्प प्राण में लगती है समझ लेते हैं एक एक चीज को हमने अभी ऊपर आपको का वर्ग पढ़ाया अभी स्वर आपको और पढ़ने हैं जैसे बिब्रत सम्रत ये भी पढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले यहां पर तुरंत मैं आपको यह पढ़ा दूं जिससे आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए का वर्ग चावर्ग टावर्ग तावर्ग पावर्ग मैंने आपको भी बताया तो अल्प प्राण व्यंजन और अघोष और सघोष इसी पूरे पूरे फिगर पर आधारित है और वो पूरा फिगर क्या है देखिए एक आपको एक एक अगर छोड़ देते हो तो ये क्या है एक एक अगर आपको छोड़ देना है जिस पर मैं एक छोड़कर एक गोला लगा रहा हूं वही दोस्तों क्या है वही दोस्तों आपके अल्प प्राण हो जाएंगे और जो छोड़ रहा हूं वो महाप्राण यानी कह सकता हूं एक नंबर ये दो हो जाएगा तो ये तीन ये चार तो ये पांच पहले तीसरे पांचवें वर्ग में जितने भी सदस्य हैं वो अल्प प्राण तो क्वेश्चन कैसे बनेगा निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण है आपको रटा होगा ये पच्चीसों का चाटा, तापा, तो सिंपल सी बात है ये आप कर लोगे और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में क्या आता है तो द्वितीय और चतुर्थ में आएगा महाप्राण खैर अभी ये नहीं समझना है तो खैर अभी यहां पर ये ये एक छोड़कर ये तो ये सभी क्या है अल्प प्राण है बोले सर कैसे समझिए ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है इनकी संख्या 20 होती है ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संख्या अगर पूछ ली जाए तो 20 होती है मैंने अभी बताया कि एक छोड़ दो का के बाद खाता है, छोड़ दिया गा गा के बाद घाता है छोड़ दिया इंग्या इसी तरीके से का गा इंग्या चा जा वा, डा, डा, ये हो जाएगा टाठा 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 जो है टाठा छूट जाएगा था तो छूट जाएगा और फिर ये क्या बचेगा ये बचेगा देखिए टा ठा छूट गया ये छूट गया फिर ये इसी तरीके से ये छूट गया खत्म बात ये छूट गया फिर यह खत्म बात ये ये आ जाएगा तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये और ये 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 समझ गए ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये बीस जो होते हैं उसमें से का वर्ग से तीन चा वर्ग से तीन यहां से तीन ठीक है ना इसमें से एक ज्यादा आ गया कोई बात नहीं वर्ग से तीन और यहां से तीन ये आपको हो जाएंगे ठीक है तो यहां से आपको लेना है टा और डा और ये ठीक है टा डा और ये डा। ये वाला यहां पर गलती से ये वाला यहां से आ गया तावर्ग में देखिए ये तीन आ गए और पावर्ग में ये आ गए तो मैं ये कह सकता हूं कि ये चारों अंता व्यंजन भी किसमें आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंता व्यंजन भी किसमें आते हैं वो भी आपके आते हैं अल्प प्राण में संख्या बीस होती है आपको पता चल रहा होगा यानी हम कह सकते हैं कि अल्प प्राण में कोई भी समस्या अब नहीं है महाप्राण में क्या था अब महाप्राण में बचे थे ये वाले और ये वाले यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग तो अब तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है और साथ में ऊष्ण व्यंजन और बचा है साथ में उष्म व्यंजन और बचा है दोस्तों तो समझिएगा कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक दम अधिक प्रयत्न करना पड़े बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण महाप्राण याद आया ना महाप्राण कहा जाता है याद रखिएगा और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि का वर्ग में अगर मैं बात करूं कि का वर्ग में कौन सा आएगा तो का वर्ग में एक छोड़ के ये लिया था इसमें से ये आ जाएंगे दो इसमें से ये दो आ जाएंगे इसमें से ये दो आ जाएंगे इसमें से ये दो आ जाएंगे तो दूसरे और चौथे सदस्य के हर सदस्य क्या कहलाता है महाप्राण कहलाता है और साथ ही साथ में आपको एक और चीज याद रखनी है कि सा 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 हाँ, आपको ले लेना है और एक उत्क्षिप्त व्यंजन भी ले लेना है ठीक है ना उत्क्षिप्त व्यंजन भी ले लेना है जो आपके महाप्राण होते हैं अब मुझे ये उम्मीद है कि आप महाप्राण से कोई समस्या या अल्प प्राण से कोई समस्या नहीं आएगी अब इसी के चलते मैं तुरंत आपको इसी फिगर से घोष अघोष समझा देता हूं जिससे आप परेशानी में नहीं आएंगे घोष अघोष भी कुछ इसी तरीके का है बिल्कुल आप मिक्सअप मत कर लेना माइंड में अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन क्या है देखो कंपन के आधार पर जब पूछे कि कितने होते हैं तो कंपन के आधार पर व्यंजन होते हैं दो प्रकार के एक होता है अघोष और एक होता है घोष। चार्ट आपका सेम रहेगा इसी चार्ट का काम है दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अघोष कौन से होंगे तो आप जो आप ये फिगर देख रहे हो ना ये दो ये दो हैं तो ये दो स्टार्टिंग के दो सदस्य हर क्या हो जाएगा ये हर दो सदस्य क्या हो जाएंगे हर वर्ग के अघोष हो जाएंगे और साथ में उस व्यंजन के तीन सदस्य क्या हो जाएंगे हा को छोड़ देंगे यही तो क्वेश्चन बनता है कि हा किस में आता है घोष में आता है अघोष में आता है तो हा दोस्तों छोड़ दिया जाता है और यहां पर इसके दो ले लिए 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 यानी पहला और दूसरा अघोष रहता है तीसरा और चौथा पांचवा ये घोष रहता है यही दोस्तों है और कुछ है ही नहीं इसमें समझ लो अब अघोष में अगर देखा जाए तो क्या है अघोष की परिभाषा देख लो कि जिन वर्णों के उच्चारण में नांद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है वह अघोष कहलाते हैं और इनकी संख्या दोस्तों तेरह होती है कैसे कि देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह बारह तेरह है ना सा 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 हा नहीं लेना है इनकी संख्या तेरह होती है हर वर्ग के दो सदस्य स्टार्टिंग वाले दोस्तों क्या हो जाएंगे वही हो जाएंगे ठीक है चलिए क्या बात है ठीक है चलो अब घोष जान लेते हैं घोष देखिएगा क्या है घोष देखिएगा कि घोष में क्या होता है कि गा घा और इंग्या गा घा और इंग्या ये क्या है अब लास्ट वाले तीन तीन सदस्य इसके तीन इसके तीन इसके तीन इसके तीन इसके तीन और लास्ट में आपको यह भी पता है कि हा और हा और यारा लावा लेना चाहिए था हा और यारा लावा लेना चाहिए था सिंपल सी बात है कि हम कहीं ना कहीं अंतस्ता व्यंजन लेंगे और एक हमारा उष्म आ ही जाएगा ठीक है ना हा जो छूटा था घोष को लिख लीजिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नांद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है संख्या दोस्तों लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इकतीस होती है यानी हर तीन वर्ग हर तीन वर्ण उठा लेने हैं और चार ये था और ये था ठीक है ना मेरी बात याद रखिएगा साथ ही साथ आपको होगा कि सर इकतीस कौन से भाई तीन पक्षे यहां पर देखिए तीन तीन 6 तीन नौ तीन बारह तीन पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस बीस ये हो गए और बीस के बाद ग्यारह आपको स्वर यानी सभी स्वर भी आपको लेने हैं वो भी किसमें घोष अगर क्वेश्चन में कल को बन जाए कि ये बताओ कि सभी जो है स्वर किसमें आते हैं सभी स्वर किसमें आते हैं ठीक है तो इकतीस हो जाएगा तो वो घोष में आ जाएगा मेरी बात समझ गए ना चलिए थोड़ा सा स्वर वाला पार्ट और बचा है फिर हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर स्वर वर्ण में दो चीजें बहुत पूछी जाती हैं एक जीव के प्रयोग के आधार पर बांटे गए स्वर और एक मुख द्वार खुलने के आधार पर विब्रत, विब्रत कह देता है कि इनमें से कौन सा विव्रत है कौन सा अग्र स्वर है कौन सा मध्य स्वर है कौन सा पश्च स्वर है तो जीव के आधार पर तीन भाग के स्वर होते हैं एक अग्र स्वर एक मध्य या केंद्रीय स्वर और एक होता है पश्च स्वर ऐसे ही मुख के द्वार खुलने के आधार पर विब्रत अर्धविब्रत समृत और अर्धसमृत एक बार स्क्रीन ले लीजिएगा काम आ जाएगा दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वर वर्णों को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है पूरा व्यंजन बहुत अच्छे से पढ़ा है जान लेते हैं कि अग्र स्वर क्या कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के आगे का हिस्सा उठता है वह अग्र स्वर कहलाता है आगे का हिस्सा जीव के आगे ई ई ए ए ये आगे का हिस्सा है दोस्तों संख्या चार होती है जीव के आगे का हिस्सा बराबर अग्र स्वर चार होते हैं ए ए ए, ए, -ए मध्य स्वर में क्या है केवल यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है केवल एक ही चीज इसमें है छोटा आ मध्य स्वर एक ही है ये जिन स्वरों में जीव के बीच का हिस्सा सक्रिय रहता है वो दोस्तों हो जाएगा ठीक है ना वो दोस्तों हो जाएगा इसलिए केंद्रीय स्वर कहलाता है इनकी संख्या एक छोटा आ पश्च स्वर की अगर मैं बात करूं पश्च स्वर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हम ये कह सकता कह सकते हैं कि इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाता है नाम से ही पता चल रहा होगा पश्च स्वर यानी पश्च है तो पांच संख्या भी पांच बड़ा आ छोटा ओ बड़ा ओ बड़ा ओ या छोटा ओ जीव के पीछे का हिस्सा पश्च स्वर मध्य का हिस्सा मध्य स्वर और आगे का हिस्सा अग्र स्वर आगे चार हैं, बीच में एक है और पीछे पीछे पांच पीछे पांच तो ऐसे पश्च से पांच आपको याद कर लेने, ठीक है चलिए स्वरवर्ण में हमने कहा मुख द्वार खुलने के आधार पर विब्रत, अर्ध अर्धविव्रत सम और अर्धसमृत बताइए चार हो गए अब जान लेते हैं कि बिब्रत अर्धविब्रत समृत और अर्ध, समृत कैसे हम इन चीजों को मिनिमम सेकेंड में एग्जाम हाल में सॉल्व कर लें। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है बिब्रत स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या एक होती जैसे बड़ा आ डब्बा ऐसा अर्ध अर्धविव्रत नाम से ही पता चल रहा होगा कि जिन स्वरों में मुख द्वार बिब्रत की तुलना में कम खुलता है आधा खुलता है तो संख्या चार अर्ध बिब्रत कहलाते हैं यानी आपको याद रखना है ठीक है ना याद रखना है पूछा नहीं जाता बस इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं इनकी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं कि बिब्रत में सबसे अधिक खुलता है तो समृत में कैसा खुलेगा समृत जान लेते हैं समृत को याद करने के लिए सिला हुआ सबसे कम खुलता है तो समृत और बिब्रत का मतलब ज्यादा खुलता बड़ा बासे बड़ा तो बिब्रत खुल गया सा तो कम खुला संख्या चार होती है छोटा ई बड़ा ई छोटा बड़ा उ। अर्ध में मुखद्वार समृत की तुलना में अधिक खुल जाता है यानी यह सबसे कम तो यह थोड़ा सा ज्यादा इनकी संख्या दो होती है एक ए और एक औ होती है यह बात दिमाग में फीड होनी चाहिए ठीक है ना तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो और एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लो चले आगे अगले चैप्टर पर एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों रचना के आधार पर जब तीन क्वेश्चन तीन तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो मात्र दो मिनट के अंदर वो तीन क्वेश्चन तीन नंबर आपके पक्के करवा देते हैं और फिर एक नए चैप्टर पे फिर से चलेंगे देखिएगा रचना के आधार पर तीन शब्द होते हैं यानी रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं एक है रूढ़ शब्द दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द अब इनकी एक सिंपल सी मैं ट्रिक बताऊंगा आप एग्जाम हॉल में देखते ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे बोले सर कैसे तो चलिए आइए जानते हैं तो पहला क्वेश्चन यही से बन जाता है कि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो इस तरीके के ऑप्शन दिए होते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन नंबर ए मारना पड़ेगा तो चलिए यहां पर जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द की ट्रिक क्या है देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं तो आपको जो नाम से छोटा लग रहा है यानी जितना छोटा शब्द है ये उतना ही छोटा ऑप्शन आपको ढूंढना है अपने एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चन में ऐसा बोले सर क्यों अगर नहीं है आपको ट्रिक पच रही है तो वो दूसरी भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूं वो भी बहुत सिंपल है पहले जान लेते हैं कि जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले रूढ़ कहलाते हैं दोस्तों याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है या कोई शब्द दे दिया बोला कि भैया ये बताओ कि घोड़ा में कौन सा शब्द है तो घोड़ा में जो शब्द है दोस्तों वो कौन सा होगा तो रूढ़ हो जाएगा क्यों हो जाएगा उसका मतलब यह है कि आप इसके कोई खंड नहीं कर सकते मतलब रूढ़ शब्द की क्या पहचान जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता दोस्तों वही आपका आंसर है जैसे अगर मैं आपको घोड़ा का संधि विच्छेद करता हूं तो घो धनगड़ा तो इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है मैंने आपको करके दिखाया लेकिन क्या इसका अर्थ निकल रहा अरे घोड़ा का भी क्या संधि विच्छेद होता अगर चलो मैंने जबरदस्ती कर भी दिया तो ये बताओ घो माने क्या होता है अड़ा माने क्या होता है आपको कि सर कुछ भी नहीं होता जबकि संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है संधि विच्छेद ये कहता है कि भाई अगर टूटेंगे दो शब्द तो वह क्या बनेंगे उनके अलग अलग अर्थ होंगे मेरी बात याद रखिएगा। जैसे अगर मैं पाठशाला को पाठ धनशाला तो ये क्या है भाई किसकी शाला पाठशाला विद्यालय में विद्याधन आलय विद्या एक तरफ एक शब्द है एक विद्याधन आलय आलय का मतलब घर जो विद्या का घर है सिंपल सी बात है यानी विद्या का आलय जहां पर विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे शब्दों का अगर रूल शब्द से क्वेश्चन आए तो वहां पर आपको छोटे मिलेंगे शब्द घोड़ा मुख पास कान नाक आग इस तरीके के दो अक्षर वाले तीन अक्षर वाले जो शब्द है ना ये दोस्तों आपके हमेशा रूढ़ शब्द ते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता यौगिक क्या है रूढ़ से बिल्कुल उल्टा बिल्कुल विपरीत दोस्तों यौगिक है जो शब्द यानी वहां पर आप देखते होंगे कि भाई यहां पर संधि विच्छेद ना हो वो आपका क्या हो जाएगा रूढ़ शब्द और यहाँ पर उल्टा तो मतलब संधि विच्छेद हो जाएगा सिंपल सी बात है जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों मतलब योग से बनेंगे दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तभी बनेंगे जैसे विद्या को मिला दो आलय को मिला दो विद्यालय बन गया पाठ को मिला दो शाला को मिला दो पाठशाला बन गया है ना इस तरीके के सभी सब शब्द दोस्तों हमारे यौगिक कहलाते हैं मतलब यौगिक का हमेशा संधि विच्छेद हो जाएगा ये बात याद रखिएगा जिनका संधि विच्छेद हो जाए दोस्तों यही ट्रिक आपको लगानी है कि भाई जिनका संधि विच्छेद हो जाता है वो यौगिक कहलाते हैं अगर मैं बात करूं कि जैसे श्रम शब्द में श्रम शब्दों में अगर श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ दिया जाए जैसे परिश्रम में देखिए परिधन श्रम को परिश्रम कर दिया श्रमधन एक श्रमिक कर दिया श्रम धनशील श्रमशील कर दिया इसी तरीके से मैं अगर बात करूं विद्यालय में तो विद्याधन आलय पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय और राजपुत्र में राजा धन पुत्र मेरी बात समझ में आई तो दोस्तों यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यौगिक शब्द वो शब्द हैं जिनका संधि विच्छेद आप कर सकते हो दो भागों में आपस में उन्हें बांटा जा सकता है ठीक है ना तो चलिए अब जान लेते हैं तीसरे शब्द यानी योग रूढ़ शब्द को योग रूढ़ शब्द क्या है योग रूढ़ शब्द वे शब्द हैं यानी ऐसे शब्द जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने हैं परंतु सामान्य अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं ट्रिक क्या है सभी बहुब्री समास वाले जितने भी शब्द होते हैं वो दोस्तों योग रूढ़ होते हैं ये बहुत अच्छी ट्रिक है हमने रूढ़ की हमने यौगिक की हमने आपस में ट्रिक जान ली अब हम आपको बताते हैं कि यहां पर जो चारों छयों जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसमें क्या ट्रिक है लंबोदर समास बहुबरी तो शब्द भी योग रूढ़ गजानन अर्थात गणेश समास बहुबरी तो शब्द भी योग चंद्रशेखर शिखर पर चंद्रमा धारण समास बहुबरी तो आंसर योग भी हो जाएगा इसी तरीके से बारह सिंघा बारह सिंगों वाला एकमात्र प्राणी समास बहुबरी तो योग नीला है कंठ महाकाल समास बहुब्री तो योग चतुरानन चार मुख है जिसके समास बहुबरी तो योग कोई समस्या कोई डाउट कोई डाउट नहीं होना चाहिए तो हमने ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से ख़त्म कर लिया अब चलिएगा तीन क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनते हैं वाच्य से देखिए कितनी अच्छी श्रृंखला में हम यहाँ पर आसान भाषा में बड़े शिद्दत के साथ पढ़ते जा रहे हैं और अपने पूरे होशो हवासों के साथ ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों वाच्य क्या है वाच्य कितने प्रकार के हैं वाच्य से कैसे प्रश्न आते हैं वाच्य को कैसे परिवर्तित किया जाता है ये जान लेते हैं क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म भाव यानी कर्ता कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है अगर वह कर्ता की प्रधानता है तो वो कृतवाच्य अगर वह कर्म की प्रधानता है तो वहाँ कर्मवाच्य और अगर वह भाव की प्रधानता है तो वहां पर भाववाच्य। अब बात यहां पर नहीं फंसती है क्वेश्चन में एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यह बताओ वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों वहां पर हमें क्या लगाना होता है वहां पर हमें तीन लगाना होता है याद रखिए एक कर्ता के आधार पर कृतवाच्य एक कर्म के आधार पर कर्मवाच्य और एक भाव के आधार पर भाववाच्य मेरी बात क्लियर है कॉन्सेप्ट क्लियर है कृतवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य यही क्या है वाच्य के भेद ठीक है ना तो अब हम एक एक को अगर हम देख लेते हैं तो हम आसानी से कह सकते हैं कि कृतवाच्य को हम किस तरीके से पढ़ेंगे और एग्जाम हाल में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे हम लगाएंगे ठीक है चलिए तो हेडिंग डालेगा कृतवाच्य क्या है देखिए बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कृतवाच्य है क्या कृतवाच्य यानी कर्ता प्रधान जो भी होगा वो करता होगा और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना एक वाक्य दे देगा उसको देख के आपको बताना है कि इसमें कौन सा वाच्य है या आपसे कह देगा कि कौन सा कृतवाच्य है ढूंढना है तो उसमें आपको कर्तावाच्य ढूंढना है क्रिया के उस रूपांतर को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है यानी मोहन केला खाता है तो यह बताओ कौन केला खा रहा है मोहन खा रहा है अजय पुस्तक पढ़ रहा है अजय पुस्तक पढ़ता है यहां पर, पर इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है दोस्तों कर्ता यानी सब्जेक्ट मोहन केला खाता है तो मोहन इंपॉर्टेंट है अजय पुस्तक पढ़ता है तो अजय इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर दिमाग कहां पर लगना चाहिए कि कर्ता अगर आवश्यक है तो वहां पर कृतवाच्य होगा अरे भैया ये वही चीज आप पढ़ रहे हो जो ऐसे इंग्लिश में आप एक्टिव और पैसिव पढ़ा करते थे एक्टिव पैसिव को ही कृतवाच्य और कर्मवाच्य कहा जाता है कितना आसान है अब जैसे आप जिस तरीके से एक्टिव को पैसे में बदलते थे ना उसी तरीके से आप कृतवाच्य से कर्मवाच्य देखिए तो कर्मवाच्य क्या होता है पहले ये जान लेते हैं तो कर्म से पता चल रहा है कि जहां पर कर्ता होगा तो वो कृतवाच्य और जहां पर कर्म होगा वो कर्मवाच्य ठीक है दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर कि क्रिया के उस रूपांतर यानी क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वी आई एम पी पॉइंट अगर कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषा से ही पूछा जा रहा है आजकल तीन सालों से कि अगर कर्म की प्रधानता है तो वो निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन कौन सा वाच्य होगा तो वहां पर कर्मवाच्य जैसे तीन एग्जाम्पल लेता हूं कि कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई रोगी को दवा दी गई किसी के द्वारा दी गई होगी उसके उससे पुस्तक पढ़ी गई उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी गई ऐसे भी कह सकते हो तो जब भी आपके कर्म इंपॉर्टेंट हो जाए तो वहां पर कर्म वाच्य हो जाएगा ये दिमाग में फीड कर लेना है मेरे लाल ठीक है ना चलिए भाववाच्य कर्ता वाच्य कर्म वाच्य और भाववाच्य में अगर सबसे ज्यादा जो चीजें पूछी जाती हैं वो लास्ट वाले यानी भाववाच्य में ही पूछी जाती हैं कह देता है हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता मुझसे खाया नहीं जाता ऐसा एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा निम्नलिखित में कौन सा वाच्य होगा तो क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है यानी भाव जरूरी है तो भाववाच्य हो जाएगा उदाहरण के लिए श्याम से टहला भी नहीं जाता मुझसे उठा नहीं जाता धूप में चला नहीं जाता मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर इतना है कि इन वाक्यों में दोस्तों नहीं आ रहा है तो ट्रिक लिख लीजिएगा कि अगर किसी वाक्य में नहीं आता है यानी नॉट का मेंशन होना आवश्यक है यानी अगर किसी वाक्य में नहीं आ जाए तो वहाँ पर हमारा डायरेक्ट हंड्रेड परसेंट आँख बंद करके हमें क्या लगा देना है भाववाच्य लगा देना है ठीक है अब देखिए यहां पर जब क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ पूछता है तो वहां पर परिवर्तन के लिए दे देता है कह देता है कि सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे इसमें बताओ कि कर्म वाच्य क्या होगा यानी एक कृतवाच्य दे देगा दे और कह देगा कर्म वाच्य क्या होगा तो वो दो चार पॉइंट आपको हम बताते हैं कि देखिएगा आपको पता होगा कि कर्म वाच्य में कर्म इंपॉर्टेंट है जहां पर द्वारा लगभग लगभग छुपा होता है या आता है और कृतवाच्य देखिए द्वारा तो हमेशा ही आता है कर्म वाच्य में और कृतवाच्य में हमेशा इंपॉर्टेंट है क्या करता है जो भी काम करेगा वो हमेशा कोई सब्जेक्ट काम करेगा यानी इंपॉर्टेंट क्या होगा आगे वाला जैसे सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे तो सचिन इम्पोर्टेंट है कौन जा रहा सचिन जा रहे हैं दोस्तों इसलिए कृतवाच्य हो जाएगा सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कर्म है इसीलिए जाया जा रहा है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या कौन पुस्तक पढ़ रहा है दोस्तों तो राकेश पुस्तक पढ़ रहा है लेकिन राकेश के द्वारा क्या पढ़ी जा रही है तो वहां पर पुस्तक पढ़ी जा रही है इसलिए कर्म वाच्य हो जाएगा मित्र विपत्ति में मदद करते हैं तो मित्र भाई कौन विपत्ति में मदद करते हैं मित्र करते हैं और मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जा रही है तो दोस्तों वहां पर आप याद रखें कि किसके द्वारा की जा रही है मित्रों के द्वारा लेकिन क्या की जा रही है मदद की जा रही है किस कहां पर विपत्ति में ठीक है ना तो ये चीजें याद रखिए तो हमने ये पूरा चैप्टर सिद्धत के साथ पढ़ लिया अब सिद्धत के साथ पढ़ेंगे वाक्य जहाँ से आपके तीन से चार क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछे जाते हैं मिनिमम आपके दो क्वेश्चन आते ही आते हैं तो ये आठ वाक्य होते हैं और डायरेक्ट दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं यही पूछा जा रहा है इसके अंदर तो छोड़ो और इसके अंदर तो एक क्वेश्चन हमेशा ही बनता है पहला तो क्वेश्चन यही से बन जाता है कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं तो वाक्य के दोस्तों आठ प्रकार होते हैं आठ भाई होते हैं ये आपको नोट कर लेना है वाक्य के कितने भाई होते हैं दोस्तों आठ भाई होते हैं ये आपको नोट कर लेना है इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है अब बात आती है कि वो आठ भाई अगर हैं तो उनको हम किस तरीके से पढ़ें जिससे हम ट्रिकी वे में अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए ट्रिकी वे में जैसे वाक्य के प्रकार में पहला है विधानवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य है दूसरा है निषेधवाचक वाक्य तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य चौथा है संदेहवाचक वाक्य पांचवा है संकेत वाचक छठा है इच्छावाचक सातवा आज्ञावाचक आठवां विस्मयादिवाचक अब इनको बहुत तरीके से अगर देखा जाए जिसमें इच्छावाचक एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और जिसमें जो है आपका एक कहा गया है संकेतवाचक ये दो तो बहुत धूम आजकल मचाए हुए इंपॉर्टेंट है आज्ञा तो सबको पता चल जाता है प्रश्नवाचक देखकर प्रश्न आपको पता चल जाता है कोई चीज मना की जाती है तो वहां देखकर मना मनाही वाला आ जाता है जहां संदेह होगा वहां संदेहवाचक लेकिन आपको ये दो वाले और ये बिस्म्यादि वोचक ये तीन ही इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो सबसे पहले विधानवाचक वाक्य देख लो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है जब भी किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का या किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है ठीक है जैसे रमा खेल रही है भारत की राजधानी दिल्ली है तो ये बताया जा रहा है कि रमा क्या कर रही है या भारत की राजधानी क्या है या राम अयोध्या के राजा थे राम कहां के राजा थे अयोध्या के राजा थे तो किसी के काम होने या करने का बोध होता है वहां पर विधानवाचक एक सिंपल सेंटेंस होता है जो एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है पूछा तो ये जाता है क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि बाहर जाना मना है बताओ कौन सा वाक्य होगा चार ऑप्शन दे देगा तो बाहर जाना मना है दोस्तों तो यहां पर जब किसी कार्य को निषेधात्मक रूप से देखा जाए निषेधात्मक रूप से देखा जाए जब किसी कार्य में निषेध होता है मना ही होती है वहां पर निगेटिव सेंटेंस होता है निषेधवाचक वाक्य होता है जिस वाक्य में क्रिया ना करने या ना होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं बाहर जाना मना है राम आज स्कूल नहीं जाएगा बिजली कल तक नहीं आएगी निगेटिव, निगेटिव 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 सिंपल सी बात समझ रहे ना तो यह है निषेधवाचक नेक्स्ट वन कह रहा है कि प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंटोरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा बस इतना जरूर पूछा जाएगा कि एक वाक्य दे देगा और डायरेक्ट कहेगा कि भाई इसमें प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है तो समझिएगा कि जिस वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं तुम क्या कर रहे हो तुम कहां रहते हो इसकी ट्रिक क्या है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो वहां पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है लगाना पड़ेगा तुम कौन से स्कूल में यानी कौन कब क्या कैसे जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो वहां पर आपको प्रश्नवाचक वाक्य लगाना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट है संदेहवाचक और संकेतवाचक यानी संकेतवाचक वाचक और, संकेत संकेत और इच्छावाचक इसके पहले हम संदेहवाचक और जान लेते हैं यानी स्केप्टिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या होता है जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है अब मैं आपको बताऊं कि जैसे शायद आज वर्षा होगी या शायद आज बारिश होगी शायद मैं कल जाऊंगा शायद वह सुधर चुका हो मतलब जब हम संभावना करते हैं लेकिन कोई क्लियर नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई बारिश हो सकती है शायद आज जो है मौसम अच्छा रहे शायद वह कल चला जाए शायद वह कल आ जाए शायद वह रास्ते में मिल जाए तो मतलब क्या है कि जहां पर आपकी संभावना या संदेह का बोध होता है वहां पर संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है संकेतवाचक वाक्य और जो आपका संकेतवाचक के बाद इच्छावाचक है ये पांच और छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बच्चे को जानना चाहिए हर स्टूडेंट को जानना चाहिए दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत दे तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती तो एक क्रिया दूसरी पर आधारित है यानी अगर बारिश अगर हो जाती तभी पानी की कमी ना होती यदि वर्षा हुई होती तभी कपड़े ना भीगते या तो कपड़े भीग जाते या यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे भाई एक काम जब हो या ना हो उसी पर दूसरा निर्भर रहेगा समय पर अगर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती सिंपल सी बात है कि भाई समय से पहुंचते तभी तो ट्रेन मिलती वरना ट्रेन छूट जाती यार और ट्रेन छूट गई तो मतलब समय से नहीं पहुंचे तो यहां पर यह चीज समझाने वाली बात है कि कपड़े भीग रहे हैं तो वर्षा अगर होगी अगर वर्षा होती तो पानी की कमी ना होती अगर समय पर पहुंचते तो ट्रेन ना मिलती या ट्रेन मिल जाती तो मतलब कहने का यह है दोस्तों कि अगर कोई क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरीके से निर्भर हो वहां संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा दोस्तों जहां पर आपको ऐसा सेंटेंस मिलेगा ही मिलेगा इंपॉर्टेंट है इसलिए नोट कर लें ये सभी सेंटेंसेस ये सभी क्या हो सकता है इनमें से ना पूछे लेकिन आपसे कह दिया कह दिया जाए कि यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते अगर तुम समय पर आ जाते तो इस टीचर आपको नहीं मारता तो मतलब क्या है कि आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि संदेह संकेतवाचक और इच्छावाचक इच्छावाचक में क्या है इच्छावाचक बहुत सिंपल है बहुत शानदार ट्रिक है कि अगर आपको कोई भी आशीर्वाद देता है कोई भी आपको प्रेम से कहता है कि भाई तुम्हें शुभकामनाएं तुमको बधाई देता है तुमको यहाँ पर जैसे आप यात्रा करने जाते हो और यात्रा करने के लिए आप कहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो ठीक है ना यह भी आपसे कहा जाता है आपसे कहता है नब्बर्स की शुभकामनाएं आपसे कहता है कि ईद की मुबारक दीपावली की मुबारक दीपावली की जो है मुबारकबाद और होली की मुबारकबाद तो इस तरीके से अगर हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम वहाँ पर कहते हैं कि इच्छावाचक मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है ये इच्छा है तो ये इच्छा से हो गया आपकी यात्रा सुखद रहे हम कहते हैं शुभकामनाएं हैं आपके साथ आशीर्वाद है ईश्वर करे हमेशा आप खुश रहें आप अपने कार्य में सफल हों ये उम्मीद है और ये हमारा आशीर्वाद है नव वर्ष की शुभकामनाएं जब शुभकामनाएं देते हैं है, है ना तो ये चीज़ें आपको इच्छावाचक में आज्ञावाचक वाक्य यानी इम्पेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में आज्ञा उपदेश आदेश अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है तुम बाहर जाओ आज्ञा का भाव है इसलिए तुम बाहर जाओ कृपया शोर ना करें आज्ञा दी गई है कि शोर भैया नहीं होना चाहिए एक ग्लास दूध ले आओ एक गिलास पानी ले आओ चुपचाप बैठो इस तरीके के सभी सेंटेंसेस जो मैं बोल रहा हूं ये सभी आज्ञावाचक हैं आज्ञावाचक वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं जहां पर आज्ञा उपदेश आदेश अनुमति या प्रार्थना जैसे भाव प्रकट होते हैं दोस्तों और लास्ट है वाक्यों में फिर हम अगले चैप्टर पर चलेंगे बेहतरीन तरीके से जिसमें कह रहा हूं विस्म्याधि वाक्य या सिर्फ विस्म्याधि वाचक वाक्य एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बहुत आसान है दोस्तों जहां पर एक ट्रिक आपको लिख लेनी है एक ट्रिक लिख लेनी है सिंपल सी कि आपको यहां पर इस तरीके का सिंबल मिलेगा कि जिस वाक्य में विस्मय हर्ष क्रोध घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे विस्म्यादि बोधक वाक्य कहा जाता है अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो ये विस्मय है आश्चर्य है वाह कितना मनोरम दृश्य है उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है अरे ये कैसा उफ कितना गंदा है इस तरीके से अरे आप कब आ गए जहां पर आश्चर्य होता है चिन्ह आपको नहीं बोलना है ये चिन्ह आपको हमेशा याद रखने हैं ठीक है चलिए तो आप देखिएगा यहां पर अगले चैप्टर पर आते हैं जो दो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं दो क्वेश्चन आपके दो मिनट में तैयार करवा देते हैं दो क्वेश्चन दो मिनट में, में आपके दो दो नंबर छुपे हुए हैं रचना के आधार पर अगर पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार के होते हैं तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य होते हैं दो प्रकार के यानी आपको बताए लेकिन यहां पर देखिए यहां पर वाक्य के अगर भेद की बात की जाए तो रचना के आधार पर वाक्य जो है यहां पर तीन कर लीजिएगा तीन प्रकार के होते हैं एक है सरल वाक्य एक है संयुक्त वाक्य और एक है मिश्र वाक्य सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य फटाफट लिख लीजिएगा दो क्वेश्चन बनेंगे भी बहुत आसान, आसान ट्रिक है तो चलिए एक एक को जान लेते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं वाक्य के भेद दोस्तों तीन होते हैं एक सरल वाक्य है एक मिश्र वाक्य है और एक आपका संयुक्त वाक्य है कोई समस्या कोई दिक्कत कोई डाउट नो डाउट

Osionfish. जैसे रमेश स्कूल जाता है तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होगा हर वाक्य चाहे आप कोई भी वाक्य आप दिमाग में बैठा लो उस वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा उन्हें साधारण वाक्य सरल वाक्य कहा जाता है इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं यह बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा जैसे रमेश बाजार जाता है कई बार पूछ लिया जाता है कि रमेश बाजार जाता है बाजार जाता है तो बताओ इसमें उद्देश्य क्या है तो उद्देश्य हमेशा हमको लगता है कि बाजार जाना नहीं उद्देश्य हमेशा हिंदी में सब्जेक्ट यानी करता ही होता है और बाजार जाना हमेशा विधेय होता है चलिए सरल वाक्य में देखिएगा राधा नाचती गाती है सरल वाक्य मोहन हंसकर बोला संयुक्त वाक्य तुम बढ़कर और सरल वाक्य तुम पढ़कर सो जाना और सरल वाक्य अंकित की कलम गिर गई मतलब जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय हो जहां पर एक क्रिया और एक क्या हो करता हो वहां पर सरल वाक्य होगा अब यह तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन संयुक्त वाक्य हर बार पूछा जाता है एग्जाम में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य संयुक्त से आपको पता रहा होगा कि संयुक्त माने दो या दो से अधिक वाक्य जुड़े होंगे और इनकी ट्रिक क्या है कि अगर कोई वाक्य और से जुड़ा है एवं से जुड़ा है तथा से जुड़ा है या से जुड़ा है अथवा से जुड़ा है इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन तो दोस्तों याद रखिएगा यहां से जो इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट आपके इतने हैं ये और किंतु परंतु इंपॉर्टेंट हैं ये और लेकिन भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में अगर बीच में ये सभी शब्द आ जाएं तो वहां पर आपको आंख बंद करके संयुक्त वाक्य लगा देना है आपको मैं यहां पर थोड़ा सा दिखा भी देता हूं वह सुबह गया और शाम को लौटा बताओ वाक्य कौन सा है तो आपने देखा और आया है तो तुरंत संयुक्त वाक्य मार दिया उसने बहुत दो दो एग्जाम्पल लिख लो केवल उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली किंतु आया है तो तुरंत लॉक कर दो बादल घिरे और मोर नाचने लगा तुरंत लॉक कर दो सूरज निकला और फूल खिल उठे तुरंत दोस्तों लॉक कर दीजिएगा ठीक है बहुत अच्छे मिश्र वाक्य में क्या है जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले किंतु एक वाक्य उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो मिश्र वाक्य कहलाता है दोस्तों मुझे परिभाषा नहीं याद होती है तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में यहां से नहीं बनता क्वेश्चन तो डायरेक्ट यह बनता है कि अगर एक एग्जाम्पल दे देगा कहेगा कि ज्यों ही सौमिता ने खाना खाया वह चली गई सफल वही होता है जो परिश्रम करता है दोस्तों बहुत आसान सी ट्रिक है अगर आपके वाक्य के बीच में की आता है जो आता है क्योंकि आता है जितना आता है उतना जैसा वैसा जब तब जहां वहां जिधर उधर अगर यदि तो यद्यपि तथापि आदि से मिश्रित हैं तो मिश्रित वाक्य कैसे याद करोगे आपको तो बहुत सारे हैं देखो जहां वहां एक साथ में अगर जहां आएगा तो वहां उसी वाक्य में वहां भी आएगा अगर उसी वाक्य में जिधर आया तो उसी वाक्य में उधर भी आएगा जैसा वैसा जैसा करोगे वैसा भरोगे अगर तुम मिल जाते तो मजा ही आ जाता यद्यपि आएगा तो तथापि आएगा जब आएगा तो तब आएगा और इंपॉर्टेंट क्या है अगर कोई वाक्य की से जुड़ा हो क्योंकि से जुड़ा हो अगर किसी वाक्य में कौमा बीच में लगा हो तो दोस्तों मिश्र वाक्य होता है जैसे मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा की से जुड़ा है आंसर मिश्र वाक्य हो जाएगा सफल वही होता है वही होता है जो जो परिश्रम करता है आंसर मिश्र ही, त्यों ही यहां त्यों ही, क्योंकि यहां पर कामा त्यों ही का काम कर रहा है अगर कामा लगा है तो भी मैंने बताया कि कामा लगा है तो आपका मिश्र वाक्य वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है मेरी बात समझ रहे ना तो हम यहां पर ये यह देखिए यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है इस क्वेश्चन को मैं काट देता हूं इस क्वेश्चन को मैं काट देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज है तो मिस्र वाक्य लेकिन आप कंफ्यूज जाओगे जैसे क्वेश्चन में ले लेता हूं ज्यो ही वह गया वह गया त्यों ही ट्रेन छूट गई जैसा करनी जैसी करनी वैसी भरनी सेंटेंस दे दे और पूछ दे भाई वाक्य क्या होगा तो दोस्तों वहां पर मिस्र वाक्य हो जाएगा अब एक क्वेश्चन और बनता है फिर उसके बाद अपन चलेंगे क्या फिर उसके बाद समाज पर चलेंगे तीन स्लाइड में और चीजें आप देख लीजिएगा मजा आ जाएगा कि जो रचना के आधार पर वाक्य को बदला जाता है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में यानी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में कैसे बदले सरल वाक्य को सरल वाक्य और मिश्र वाक्य में कैसे बदले मिश्र वाक्य को सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में कैसे बदले ये लिखना नहीं है आपको समझना है देखिए यहां से समझिए अगर सरल वाक्य दिया जाए क्वेश्चन में कहे, राधा नाचती गाती है तो यह बताओ संयुक्त वाक्य क्या होगा तो आपको पता है कि संयुक्त वाक्य में और आता है तो ऑप्शन में बस और ढूंढना संयुक्त वाक्य अगर छांटने को पूछे तो और तथा किंतु परंतु इसलिए ऐसे वाक्य ढूंढना तो राधा नाचती और गाती है हो गया सरल वाक्य में अगर पूछा जाए मोहन हंसकर बोला और यह बताओ कि इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा तो मोहन हंसा और बोला दो वाक्य और से जुड़ गए संयुक्त हो गया सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे और दोस्तों ये इसमें पूछा गया है कि यहां पर संयुक्त वाक्य आपको बताना है संयुक्त कर लीजिएगा सूरज निकला और फूल खिल उठे सिंपल सी बात है मजा आया ना चलिए अब हमने संयुक्त सीख लिया अब संयुक्त से सरल देख लेते हैं सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है अगर मैं आपसे कुछ भी ना इसमें चेंज करने को बोलूं मैं आपसे इतना ही कह दूं कि सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है इसमें बताओ कौन सा वाक्य होगा तो आप यही कहोगे कि इसमें लेकिन आया है ना तो इसलिए यह संयुक्त हो जाएगा अच्छा इसको मैं सरल कर दूं तो तो सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है इतना कठिन पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए निधि रात भर पढ़ती रही या पढ़ती है ताकी ताकी वाले सभी संयुक्त में निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है क्योंकि जब एक क्रिया और एक करता हो तो वहां पर सरल होगा अभिलाषा ने रोना शुरू किया और और से जुड़ने वाला हमेशा संयुक्त होता है बेहोश हो गई सरल को चेंज करोगे तो अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई बात खत्म और लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों ये फिर समाज पर चलते हैं कि मिश्र वाक्य है तो उसको सरल वाक्य में कैसे जोड़ेंगे मिश्र वाक्य क्यों मैंने ये आपको बताया देखिए मिश्र वाक्य को चेंज ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो सेंटेंस है यह कैसा है जैसे सेंटेंस को चेक करते हैं जब भी मैं विकास के घर गया कौमा लग गया तो तुरंत आपका दिमाग जाएगा कि कॉमा वाला मिश्र वाक्य होता है विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ लो सरल में चेंज हो गया विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है कौमा लग गया वह नया है तुरंत आप कहोगे कि इसमें क्या है मिश्र वाक्य है विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है लो ना तो और आए ना तथा आए ना कामा आए ना किंतु परंतु तो वह तो सरल हो ही जाएगा तो चलिए समाज को देख लेते हैं कि समाज किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है समाज किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है कि समाज का मतलब क्या है समाज के भेद कितने हैं समाज को कैसे ट्रिक से हम पहचाने ये हम जान लेते हैं समाज संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि समाज का हिंदी अर्थ क्या होता है तो समाज का हिंदी अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करण यानी संक्षेप कहा जाए संक्षेप और समाज का जो विलोम होता है वो ब्यास होता है समाज का जो विलोम होता है वो ब्यास होता है दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहा जाता है याद रखिएगा जो दो या दो से अधिक शब्दों शब्दों इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि वर्णों से मिलकर क्या बनती हैं तो वो संधि बनती हैं जब शब्दों की बात आती है तो वो समास बनता है ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है बच्चे नजरअंदाज करते हैं बच्चों को लगता है कि नहीं दशानन में समास पूछा जाएगा ऐसा नहीं है समाज से तीन चार चीजें पूछी जाती हैं उसके बिल्कुल जड़ से कि समाज का अर्थ क्या है संक्षिप्तीकरण है समाज का विलोम क्या है व्यास है और समाज किसे कहते हैं तो शब्दों के परस्पर मेल से बनने वाले शब्दों को समाज कहा जाता है और नेक्स्ट पॉइंट है कि समाज कितने प्रकार के होते हैं तो छह प्रकार के होते हैं ठीक है समाज छह प्रकार के होते हैं एक होता है द्वंद समाज एक होता है दिगु समाज एक होता है तत्पुरुष समाज एक कर्मदार है एक अभ्ययी भाव एक बहुबरी ये छह प्रकार के समाज आपको भूलने नहीं है द्वंद्व दिगु तत्पुरुष कर्म अव्ययी बहुब्री ठीक है तो अब ट्रिक से हम एक एक समास को पढ़ लेते हैं हम ट्रिक से एक एक समास को पढ़ लेते हैं जिसमें पहला है आपका द्वंद समास द्वंद समास ये कहता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं वह दोस्तों द्वंद समास होता है कुल मिलाकर द्वंद को दोनों से याद रखो कि दोनों पद द्वंद कहलाता है दोनों पद द्वंद दोनों द्वंद दोनों पद अगर प्रधान है तो वह द्वंद कहलाएगा ट्रिक में क्या है कि द्वंद समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है द्वंद समास में अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भैया द्वंद्व समास में अधिकतम जो है योजक चिन्ह का लोप होता है किसका योजक चिन्ह का लोप होता है योजक चिन्ह में देखे जाए अधिकतम का मतलब है सभी में नहीं निन्यानवे परसेंट में योजक चिन्ह लेकिन उसके साथ साथ आप द्वंद्व समास में विभक्ति और का लोप होता है जैसे रात और दिन तो रात और दिन के लिए हम और निकालेंगे और फिर दिन लिखेंगे याद रखिएगा एक और नीचे लिख लीजिएगा नोट में द्वंद समास में हमेशा आपस में शब्द विपरीत होने चाहिए यानी शब्द विलोम होने चाहिए यह लिख लीजिएगा क्योंकि अगर रात है तो उधर दिन होना चाहिए तभी वो विलोम होगा फिर योजक चिन्ह हो या ना हो जैसे माता का विलोम पिता होता है तो अगर विलोम होगा तभी वह तो द्वंद होगा माता और पिता राम और कृष्ण विलोम है राम और कृष्ण द्वंद भाई और बहन विलोम भी है और भी आ रहा द्वंद पाप और पुण्य पाप भी है और पुण्य भी है विलोम भी, भी है और भी आ रहा विभक्ति में तो द्वंद सुख और दुख द्वंद भी है यानी विलोम भी है और क्या है योजक भी आ रहा और भी विभक्ति है तो द्वंद हो जाएगा ये मैं क्यों बता रहा हूं विपरीत होना चाहिए जिससे आपको भाव समाज भी समझ में आ जाए क्योंकि उसमें भी योजक चिन्ह कहीं कहीं पर भी लगा होता है तो बिलोम होना बहुत जरूरी है दिगु समाज क्या है दिगु समाज कहता है कि जिस समास में संख्यावाची पद प्रधान होता है प्रथम पद संख्यावाची हो दिगु कहलाता है दिगु समास में संख्या की प्रधानता होती है दोस्तों संख्या इंपॉर्टेंट है एक दो तीन चार पांच छ ये संख्या इंपॉर्टेंट है रिवाज समझ गए ना संख्या बहुत जरूरी है देखो समाज की बात की जाए तो नौ रत्न यानी नौ रत्नों का समूह बराबर नवरत्न होते हैं दीप सात दीपों का समूह बराबर दीप त्रिभुवन तीन भवनों का समूह बराबर त्रिभुवन सत मंजिल सात मंजिल का समूह बराबर सात मंजिल तो नौ सात तीन सात ये क्या है ये दिगु समास है दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कर्मधारे देखिएगा कर्मधारय देखिएगा यहां पर देखिए पीतांबर कभी कभी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर पीतांबर बहुबरी है कर्मधारय है तो पीतांबर दोनों समास है अब प्रायोरिटी के हिसाब से ऑप्शन में लगाना होता है कि कर्मधारे दिया है तो कर्मधारे लगाइए बहुबरी दिया है तो बहुबरी मारिए और कर्मधारे बहुबरी दोनों दिया है पीताम्बर में तो आप बहुबरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो इसलिए समझ लीजिएगा जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है तो कर्मधारे समास कहलाता है यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है मतलब अगर विशेषण विशेष की बात की जाए तो दिमाग में कर्मधारे आना ही आना है तो जब भी विशेषण और विशेष की बात करी जाए तो वहां पर कर्मधारे आएगा विशेषता बताने वाले समाज को कर्मधारे समाज कहा जाता है यानी विशेषता अगर बताई जाएगी तो कर्मधारे समाज होगा जैसे काली मिर्च काली है जो मिर्च मिर्च कैसी ये? काली है नील कमल कमल कैसा है काला है पीतांबर पीत है जो अंबर सिंपल सी बात या अगर मैं कह दूं कि भगवान कृष्ण की बात करेंगे तो बोबरी हो जाएगा लेकिन पीला है जो अंबर तो तुरंत कर्मधारे हो जाएगा चंद्रमुखी मुख कैसा है चंद्र के समान नील कमल नील गाय नीलांबुज तो इस तरीके के सभी समास कैसे हैं कर्मधारे समास होते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखने हैं अबेई भाव देखिए जिस समास में पूर्व पद अबे अब हो अबेई भाव कहलाता है क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है अगर प्रथम पद प्रधान होगा तो वह समास दोस्तों कौन सा होगा वह समास हो जाएगा आपका अब भाव समास वह समास कौन सा हो जाएगा वह समास आपका, भाव समास हो जाएगा यह चीज आपको याद रखनी है प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अब भाव कहलाता है यह इसकी ट्रिक है यानी दुनिया का कोई भी आपसे पूछा जाए तो अगर उसमें उपसर्ग है उस शब्द को देखो और शब्द को समास करने से पहले एक बार हमेशा एक बात मेरी गांठ बांध लेना याद रख लेना कि उस शब्द को तोड़ लो दो भागों में अगर उस शब्द को तोड़ लिया और उसमें आ रहा है उपसर्ग तो दोस्तों वो हो जाएगा अब अगर उस शब्द में कोई संख्या आ रही तो वो हो जाएगा दिगू अगर उ, 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 उसके उपसर्ग शब्द में अगर बीच में डैश लगा हो और विभक्ति आ रही तो द्वंद हो जाएगा समझ रहे ना तो यथा स्थान स्थान के आगे यथा लगा है तो ये उपसर्ग आ रहा है तो आंसर अभ्यय भाव जीवन के आगे आ लगा है जीवन भर अव्यय भाव दिन के आगे प्रति लगा है तो आंसर अव्यय भाव समय के आगे यथा लगा है उपसर्ग अव्यय भाव और दोस्तों यहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी द्वंद वाली तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था वहां पर कि योजक चिन्ह वाला हर समास 99% तो द्वंद हो सकता है लेकिन 100% नहीं हो सकता वहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि रात 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 दिन होगा तो आपका हो जाएगा द्वंद लेकिन आपस में सेम सेम वर्ड अगर आते हैं तो सेम सेम अगर होंगे तो वो हो जाएंगे अब्बे भाव अगर विलोम होंगे तो वो हो जाएगा आपका द्वंद छठा है आपका बहुबरी समाज क्या कह रहा है छठा आपका क्या कह रहा है बहुबरी समाज दोस्तों आपसे कह रहा है ध्यान दीजिएगा हमने क्या करा है हाँ जी बहुत बढ़िया क्या बात है द्वंद हो गया दिगु हो गया कर्मधारे अब्बे भाव छठा यहां पर अच्छा पांचवा होना चाहिए था यहां पांचवा तभी कहें गया बहुबरी समाज में देखिएगा जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है मतलब कोई भी पद अगर प्रधान नहीं है किसी में तो वो है बहुबरी समास है दोस्तों और बहुबरी समास कहलाएगा तब जब कोई भी पद प्रधान नहीं होगा दसानंद जैसे दस मुख हैं जिसके अर्थात रावण कोई पद प्रधान नहीं है किसी तीसरे अर्थ की तरफ जा रहा है नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव जी तीसरे अर्थ की तरफ जा रहा है बहुब्री समास लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश जी लंबोदर बहुबरी समास है गिरिधर है गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है हाथ पर रख लिया था गिरि को तो हम ही कह सकते हैं ये बहुबरी समाज है तो दोस्तों ये पांचवा हमारा खत्म हुआ और तत्पुरुष समाज से दोस्तों आपके बनते हैं छह से सात क्वेश्चन तत्पुरुष समास में आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताओ तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो उत्तर पद प्रधान होता है नहीं ऑप्शन में है तो द्वितीय पद प्रधान होता है, है ये बात याद रखिएगा तो द्वितीय पद प्रधान वाला तत्पुरुष समास होता है या उत्तर पद प्रधान वाला तत्पुरुष समास होता है तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं तो आपको याद रखना है कि कितने भेद होते हैं छ भेद होते हैं यह आपको याद रखना है पहला है कर्म तत्पुरुष दूसरा है करण तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष एक चीज आपको यहां पर आसानी से हम बता देना चाहते हैं कि अगर टोटल समास तो प्रकार के अगर टोटल जो है तत्पुरुष समास तो वो भी छह प्रकार के कितना आसान है दोनों को एक साथ में याद कर लिया भूलेंगे क्या कभी नहीं तो चलिए हम जान लेते हैं छह तत्पुरुष में अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो फिर हम किस तरीके से जवाब दें देखिए दोस्तों तत्पुरुष में पहला आता है कर्म तो कर्म की विभक्ति को होती है तो इसमें हमेशा ट्रिक में को का लोप होगा लोप होगा मतदाता मत को देने वाला तो कर्म तत्पुरुष गिरह कट गिरह को काटने वाला कर्म तत्पुरुष करण तत्पुरुष में क्या है कि जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो तो करण में क्या होता है से आता है साधन के लिए जन्मजात जन्म से उत्पन्न मैं कारक पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से मुंह मांगा मुंह से मांगा तो जहां पर से आएगा तो वहां करण तत्पुरुष हो जाएगा गुणहीन गुड़ गुड़ो से हीन क्वेश्चन में कह देगा गुणहीन में बताओ समाज तत्पुरुष वाला कौन सा है तो आप तोड़ोगे गुणहीन गुण से हीन तब करण तत्पुरुष मुंह मांगा बोल देगा मुंह मांगा में कौन सा समाज है आपको पता है तत्पुरुष लेकिन ऑप्शन में है नहीं ऑप्शन में कहेगा अधिकरण तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष तब क्या मारोगे तो पता तो होना चाहिए मुंह मांगा तत्पुरुष तो सब जानते हैं लेकिन मुंह से मांगा अब बता पाओगे कि हाँ, करण तत्पुरुष है इसी तरीके से संप्रदान तत्पुरुष अपादान देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष में सभी बच्चे जानते हैं कि के के लिए लिए आता है है संप्रदान तत्पुरुष में जहां पर के लिए का लोप होता है, जैसे हथकड़ी है बताओ समाज कौन सा है तो हर आदमी जानता है तत्पुरुष लेकिन कौन सा तो आप तोड़ेंगे इसको हाथ के लिए कड़ी तो संप्रदान हो जाएगा सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह संप्रदान युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि संप्रदान इसी तरीके से अपादान जो अलगाव की बात करता है जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप हो अपादान कारक में क्या होता है से में अलगाव आता है जैसे धनहीन जैसे अभी यहां पर देखिएगा गुणहीन था तो गुणों से हीन था अब कह रहा है धनहीन तो ये अलगाव की बात करता है दोस्तों यहां पर अपादान हो जाता है इसके पास धन तो है ही नहीं भय जर्म से भीत जन्मा जन्म से अंधा पहले से ही अंधा है अपादान तो ये चीजें आपको याद रखनी है और एक चो, और एक चीज और पूछी जाती है कि तत्पुरुष में कौन सा भेद नहीं होता है तो संबंध तत्पुरुष का भेद नहीं होता है क्या जल्दी से बताओ कौन सा नहीं होता है संबंध तो सामने दिख रहा है जल्दी से बताओ कौन सा भेद नहीं होता है? संबोधन तत्पुरुष का भेद नहीं होता यह बात आपको और याद रखनी है संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष की बात कर लेते हैं जहां संबंध कारक संबंध कारक को पता होगा ना चिन्ह कैसे होते हैं का की के संबंध कारक वाले चिन्ह होते हैं ना नी ने ना नी ने और यहां पर रारी रे प्रेम सागर प्रेम का सागर काकी के दिनचर्या काकी के दिन की चर्या भारत रत्न भारत का रत्न काकी के तो ये संबंध कारक की बात हो रही है अधिकरण कारक अधिकरण तत्पुरुष जहां अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं वहां अधिकरण तत्पुरुष होगा अधिकरण तत्पुरुष में दो ही जो है विभक्ति के लोप होते हैं मे और पर नीति में निपुण बराबर नीति निपुण आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास बराबर आत्मा पर विश्वास गुण सवार घोड़े पर सवार बराबर सवार यानी घोड़े पर सवार तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएंगे हमें शब्द को तोड़ के देखना है अब दोस्तों हम कुछ रचनाओं को जान लेते हैं अच्छे अच्छे से तरीके से हम कुछ रचनाएं जानेंगे साहित्य का पोर्शन लेंगे और फिर हम चलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर पर ठीक है ना चलिए सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रामधारी सिंह दिनकर बहुत प्रमुख रचनाएं हैं जो हम चार चार पांच पांच रचनाएं बताने वाले हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे और दोस्तों दोस्तों इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है देखिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई उर्वर्षी किसकी रचना है हुंकार किसकी है रेणुका किसकी है कुरुक्षेत्र किसकी है जैसा जैसा आपको लिखा दिख रहा है तुरंत स्क्रीन शॉट ले लें या फिर आपको ऐसा ही क्या कर लेना है लिख लेना है दिनकर को लिखना है क्या फोटो नहीं बनानी है नहीं तो आप यही करते रहो दिनकर को लिखना है उधर एरो मारना है उर्वरसी लिख लेना है हुंकार लिख लेना है रेणुका लिख लेना है कुरुक्षेत्र पांच से सात या चार से पांच इतनी रचना बताऊंगा रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सी रचनाएं पूछी जाती हैं जिसमें हमने सात से आठ रचनाएं ली हैं जिसमें उर्वरसी हर बच्चे को पता है होंणुका कुरुक्षेत्र आपको याद करनी है इसके साथ ही साथ चार रचनाएं और हैं जो हर बार पूछी जा रही हैं या तो संस्कृत के चार अध्याय दे देगा परशुराम की प्रतिज्ञा रेती के फूल रश्मि रथी ये चार रचनाएं एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो दोस्तों ये भी आपको दिनकर साहब ही ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा ठीक है ना कर साहब को कहा जाता है हिंदी का द्वितीय राष्ट्रकवि याद रखिएगा द्वितीय राष्ट्रकवि जो सेकेंड राष्ट्रकवि हैं वो दिनकर साहब हैं ठीक है संस्कृत के चार अध्याय परशुराम की प्रतिज्ञा रेती के फूल रश्मि रथी यह है आपको उर्वरसी होंकार रेणुका कुरुक्षेत्र ठीक है ना इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा सुमित्र नंदन पंत से क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है और सुमित्रा नंदन पंथ से क्वेश्चन बनेगा कि कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है चिदंबरा किसकी रचना है युगांत किसकी रचना है स्वर्ण धोली किसकी रचना है अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि यह बताओ कि छायावाद के जनक किसे कहा जाता है या आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा जाता है तो छायावाद का जनक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद है जयशंकर प्रसाद ने कुछ रचनाओं रचनाओं को लिखा है विस्तारित किया है जिसमें कामायनी महाकाव्य आप सभी को पता होगा जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली और कंकाल जो एक साथ में लिख निकली अगर तितली पूछे अगर कंकाल पूछे प्रसाद जी की रचना है स्कंद गुप्त की मैं बात करूं तो स्कंद गुप्त किसकी रचना है प्रसाद की रचना है अजात शत्रु किसकी रचना है तो अजात शत्रु जो है प्रसाद की रचना है चित्राधार बहुत आजकल ट्रेंडिंग में है अजात शत्रु यहां पर प्रसाद जी की रचना है एक और आपको लिख लेने है कामायनी आपको पता ही है इरावती और आपको लिख लेने है इरावती किसकी रचना है तो इरावती हो गई और कामायनी क्या हो गया कामायनी महाकाव्य हो गया दोस्तों यह भी किसका है यह भी जयशंकर प्रसाद का है इससे ज्यादा प्रसाद आएंगे ही नहीं जल्दी जल्दी से पेन चलाएंगे रामचंद्र शुक्ल रामचंद्र शुक्लों को क्या कहा जाता है मुनी मार्ग के हिमायती के नाम से जाने जाते हैं शुक्ल साहब मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाने जाते हैं शुक्ल साहब ये बात याद रखनी है इनकी तीन से चार रचनाएं मैं आपको बता देता हूं रस मीमांसा यहां पर मीमांसा लिख लीजिए रस मीमांसा हो गया त्रिवेणी हो गया जायसी ग्रंथावली और एक और आपको मैं बता दूं चिंतामणि चिंतामणि किसकी रचना है वो भी रामचंद्र शुक्ल की है याद रखिएगा शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती के नाम से जाना जाता है और रस मीमांसा चिंतामणि जायसी ग्रंथावली त्रिवेणी जैसी रचनाओं को लिखा है जयशंकर प्रसाद की यहां पर कुछ रचनाएं छूट गई थी मैंने आपको बताया कि कामायनी आंसू चंद्रगुप्त और झरना ये लिख लीजिएगा फटाफट यहां पर मैंने आपको बताया था जयशंकर प्रसाद से कि तितली कंकाल स्कंद गुप्त अजात शत्रु चित्राधार और इसके बगल में ही आपको लिख लेना है कामायनी जो मैंने लिखा दी है आंसू चंद्रगुप्त और झरना चंद्रगुप्त के साथ एक और चीज आपको याद कर लेना है स्कंद गुप्त ठीक है ना स्कंद गुप्त भी आपको यानी गुप्त से जितनी रचनाएं हैं वो प्रसाद जी की रचनाएं हैं ठीक है ना चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दो नाम से जानते हैं एक हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है और हिंदी का हिंदी का महाप्राण किसे कहा जाता है और दोस्तों हिंदी का जो है क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है इस चीज पर भी आप गौर करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यहां पर नए पत्ते के रचनाकार के रूप में जाना जाता है आराधना किसने लिखा निराला ने जूही की कली निराला ने सरोज स्मृति निराला ने नए पत्ते बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए यहां पर आपको नए पत्ते आराधना जूही की कली सरोज स्मृति जिसमें आपकी ये तीन रचनाएं इंपॉर्टेंट है ऊपर वाली और कौन सी इंपॉर्टेंट है अनामिका परिमल कुकुरमुत्ता राम की शक्ति पूजा इसमें परिमल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरे नंबर पर कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी निराला को महाप्राण कहा जाता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अनामिका पूछे परिमल पूछे मुत्ता पूछे राम की शक्ति पूजा यह भी दोस्तों किसने लिखी है महाप्राण कहे जाने वाले हिंदी के क्रांतिकारी कवि का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो एक बार स्क्रीन ले लिया जाए इसका ले लिया जाए और इसका ले लिया जाए ठीक है चलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा नोट कर लेना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या बनेगा कि भारत की दुर्दशा किसने लिखी अंधेर नगरी किसने लिखी प्रेम माधुरी किसने लिखी गीत गोविंद किसने लिखी या गीत गोविंदानंद किसने लिखी तो सबके आंसर हरिश्चंद्र इसके साथ ही साथ दोस्तों बताना चाहेंगे कि हरिश्चंद्र को कहा जाता है हिंदी का अग्रदूत या हिंदी को नई चाल में ढालने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बेहतरीन लेखक और कवि कहलाए भारती हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है और आधुनिक हिंदी का अग्रदूत भी कहा जाता है जब अग्रदूत जनक इस तरीके की बात की जाए या फिर ऐसे पूछा जाए कि हिंदी को नई दिशा किसने प्रदान करी है तो वो भी आपको हरिश्चंद्र नाम याद रखना है ठीक है चलिए धर्मवीर भारती की अगर मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती से क्वेश्चन दो तीन बनते हैं हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों धर्मवीर भारती से क्वेश्चन बहुत फेमस है सूरज का सातवा घोड़ा गुनाहों का देवता अंधा युग ठेले पर हिमालय सूरज पर सूरज का सातवा घोड़ा गुनाहों का देवता अंधा युग ठेले पर हिमालय तो ये क्या है ये दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे यही हो जाएंगे आपके चार रचनाओं में से एक बेहतरीन रचनाकार धर्मवीर भारती का लेखा जोखा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जिसमें आपकी ये दो रचनाएं बहुत चलिए इंपॉर्टेंट है, है क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है तो दोस्तों आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है इन्होंने नीरजा को लिखा है रश्मि को लिखा है मेरा परिवार को लिखा है यामा को लिखा है मैं और अभी बताऊंगा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नीरजा रश्मि मेरा परिवार जिसमें इंपॉर्टेंट स्टार लगा दूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं इसके अलावा गीत सांदगी अतीत के चलचित्र ठीक है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों निहार निहार अतीत के चलचित्र दीप शखा और साधगीत एक और क्वेश्चन में पूछ सकता है कि गिल्लू किसकी रचना है गिल्लू किसकी रचना है तो दोस्तों निर्जा रश्मि मेरा परिवार या माँ सांदीत दीप शखा अतीत के चलचित्र और निहार ये कि किसकी है ये है दोस्तों महादेवी वर्मा की रचनाएं महादेवी वर्मा की रचनाएं ठीक है चलिए प्रेमचंद्र की बात कर लेते हैं प्रेमचंद्र की बात अगर करें हम तो प्रेमचंद्र की बात में देखिएगा यहां पर उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं प्रेमचंद्र प्रेमचंद उपन्यासों के जनक कहे जाते हैं रंगभूमि जिसमें रंगभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है मानसरोवर प्रतिज्ञा नमक का दरोगा बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रेमचंद्र को उपन्यासों का जनक माना जाता है अग्रदूत माना जाता है यह कौन नहीं जानता होगा गोदान और गवन निर्मला कफन निर्मला के साथ मिलता जुलता करवला और लिख लो करवला सेवा सदन मंगल सूत्र इनका क्या है मंगल सूत्र दोस्तों इनका अधूरा उपन्यास है इसलिए आपको याद रखना है नीचे लिख लीजिएगा मंगल सूत्र किसने लिखा है और क्या है मंगल सूत्र इनका अधूरा उपन्यास है सेवा सदन दोस्तों कफन निर्मला गोदान और दोस्तों याद रखिएगा करवला गवन ये भी आपको याद रखना है ठीक है सारी चीजें रसखान से जान लेते हैं रसखान की दो रचनाएं बहुत ज्यादा तांडव मचाती एग्जाम में एक प्रेम बाटिका और एक सुजान रसखान रसखान से ये तो आप लगा दोगे लेकिन इसको ना भूलना प्रेम बाटिका किसकी है तो ये भी आपकी किसकी है रसखान की है प्रेम बाटिका किसकी है यह है रसखान की है ठीक है चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है इंपॉर्टेंट है नोट कर लीजिएगा दो तीन रचनाएं हैं जो ज्यादा ही पूछी जा रही हैं एक तो ये वाली रचना बिखरे मोती और एक तो ये वाली रचना और एक तो ये वाली रचना झांसी की रानी मुकुल त्रिधारा और बिखरे मोती झांसी की रानी मुकुल त्रिधारा और बिखरे मोती यह रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं अयोध्या सिंह हरिओत एक बेहतरीन नाम दो क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि हरिओत किसे कहा जाता है तो आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय कभी सम्राट किसे कहा जाता है दोस्तों तो कभी सम्राट भी अयोध्या सिंह हरियो को कहा जाता है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये दो रचनाएं बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं बनवास और प्रिय प्रवास लेकिन आपको चार रचनाएं मैं बताता हूं कि अधिकिला फूल प्रिय प्रवास रस कलश और वैदेही वनवास ये चार रचनाएं ये और दो नाम ये यानी ये वाला कभी सम्राट तो भूलना मत कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है ठीक है ना तो कभी सम्राट किसे कहा जाता है हरिद किसे कहा जाता है तो यह अयोध्या सिंह हरिओत को कहा जाता है अधखिला फूल किसका है प्रिय प्रवास किसकी रचना है रस कलश किसकी रचना है वैदेही वनवास किसकी रचना है तो दोस्तों यह आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय की श्रेणी में चला जाएगा ठीक है चलिए बहुत अच्छे मलिक मोहम्मद जायसी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी मलिक मोहम्मद जायसी से आपको चार से पांच रचनाएं याद करनी है मलिक मोहम्मद जायसी से चार से पांच आपको यहां पर रचनाओं को देखना है जिसमें यहां पर देखिए पद्मावत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्मावत क्या है पद्मावत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अखरावट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहरनामा और आखिरी कलाम पदमावत कई बार एग्जाम में देखने को मिला है अखरावट कई एक बार एग्जाम में देखने को मिला है इसी के साथ साथ कहरनामा और आखिरी कलाम एग्जाम में देखने को मिला है यानी ये क्या है ये मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। इनमें से आपको सभी याद रखनी है वन टू थ्री फोर क्लियर है चलिए नेक्स्ट सूरदास से तीन से चार क्वेश्चन जब एग्जाम में बनते हैं तो वो हम ये कहते हैं कि भाई ये क्या है यानी ये किसका नाम है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है यानी क्वेश्चन में पूछा जाए कि भाई वात्सल्य रस का सम्राट हिंदी में किसे कहा जाता है तो वो कहा जाता है सूरदास को अष्ट छाप का जहाज भाव अधिपति ये बहुत पूछा जाता है जहां पर मैंने गोला लगाया अष्ट छाप का जहाज किसे कहा जाता है तो वो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है तो वो सूरदास को याद रखिएगा इसमें सूर सागर सूर पच्चीसी सूर सारावली साहित्य लहरी चार चीजें हैं आपको यहां पर सामने दिख रही हैं जहां पर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है सभी में सूर सूर लगा है तो याद करने की आवश्यकता नहीं है साहित्य लहरी भी आप से याद कर सकते हो जिसमें आप सूरदास को रट नहीं लेकिन दिमाग में फेट कर सकते हो यहां पर ये दो नाम मत भूलना एक बात्सल्य रस का सम्राट या क्वेश्चन में पूछा जाए सूरदास ने अपने अपनी कविताओं में किसका वर्णन किया है अपनी रचनाओं में किस रस का वर्णन किया है तो वात्सल्यता का वर्णन किया है हरिवंश राय बच्चन की मैं बात करूं तो हरिवंश राय बच्चन से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हालावादी कवि किसे कहा जाता है हालावादी सम्राट किसे कहा जाता है हिंदी में तो हालावादी सम्राट कहा जाता है हरिवंश राय बच्चन को हरिवंश राय बच्चन क्या है हालावादी कवि है मधुशाला किसकी है बच्चन साहब की है मधुकलस बच्चन साहब की है निशा निमंत्रण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो तीन और क्या भूलू क्या याद करूं स्टार लगा लो क्या भूलू क्या याद करूं निशा निमंत्रण मधु मधुकलस मधुशाला ये बच्चन साहब की रचनाएं हैं दोस्तों जो हालावादी के जनक हैं अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था मैथिली शरण गुप्त की बात अगर की जाए तो हिंदी का अगर प्रथम राष्ट्र कवि है जो जाना जाता है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त के नाम से बहुत एक बेहतरीन नाम और हिंदी साहित्य में उमदा नाम राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाने वाला यह नाम मैथिली शरण गुप्त कहलाता है और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो भारत भारती रचना है साकेत है जयद्रथ है यशोधरा है याद रखिएगा दोस्तों कि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती को लिखा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं साकेत को लिखा जल्दी से नोट करें जयद्रथ जयद्रद्ध और यशोधरा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यह गुप्त साहब को क्या कहा जाता है हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है कई बार बच्चों से एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार बच्चों से पूछा भी गया है एग्जाम में यह बात याद रख लीजिएगा यह बात याद रख लीजिएगा दोस्तों क्या बात है चलिए बहुत अच्छे तुलसीदास की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तुलसीदास से बिना पत्रिका दोहावली कवितावली जानकी मंगल पार्वती मंगल नोट कर लीजिए मैंने आपको रटाया है जितनी मंगल वाली आए जितनी बलि वाली आए कविता कवितावली पार्वती मंगल जानकी मंगल हनुमान बाहोक विनय पत्रिका और सबको पता है रामचरित मानस रामचरित मानस किसकी है वो भी तुलसीदास की है कवि शिरोमणि के नाम से कौन जाना जाता है लोकनायक के नाम से कौन जाना जाता है हिंदी का जातीय कवि के नाम से मानस का हंस किसे कहा जाता है एक ही नाम है तुलसीदास एक बार स्क्रीनशॉट लो मजा ही आ जाएगा दोस्तों क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है ये स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है ठीक है चले आगे और दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं फिर हम चलेंगे चैप्टर पर क्रिया को देखेंगे सकर्मक अकर्मक क्रिया क्या है हम लास्ट देख लेते हैं कालिदास माल किसकी है कालिदास की है मेघदूत किसकी है कालिदास की है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है दोस्तों कालिदास की है रघुवंशम किसकी है दोस्तों कालिदास की है कुमार संभव किसकी है कालिदास की है आप बता सकते हो कि अगर कोई भी क्वेश्चन यहां से इन रचनाओं से पांच से सात नंबर रचनाओं से जब बनते हैं ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि रचनाओं से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या लगाएं रचनाओं से जब क्वेश्चन बनते हैं तो हम क्या लगाएं वो वहां पर आपको कालिदास लगाना पड़ेगा दिनकर लगाना पड़ेगा बच्चन लगाना पड़ेगा मैथिली सण गुप्त लगाना पड़ेगा तो सारी रचनाओं को यहां से आप भूल नहीं पाएंगे इससे बाहर अगर आपने पढ़ लिया दस मिनट तो मैंने रचनाओं में दिया होगा ठीक है ना तो आप जान सकते हो कि किस तरीके से मैंने रचनाओं को खत्म किया तो डाल लीजिए हेडिंग क्रिया क्या है क्रिया के कितने भेद हैं और कैसे दो नंबर एग्जाम में क्रिया से पूछे जाते हैं क्रिया की परिभाषा से पहले हम आप सभी को बता दें कि क्रिया से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से पूछे जाएंगे शब्द जाए समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है जैसे सीता नाच रही है बच्चा दूध पी रहा है याद रखिएगा कि क्रिया की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है जैसे मैंने आपको बताया सीता नाच रही है बच्चा दूध पी रहा है यानी यहां पर कोई कार्य अगर हो रहा है तो नाचना और पीना यहां पर क्रिया है कर्म के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि कर्म के आधार पर क्रिया कितने भागों में है तो ऑप्शन में होता है दो होता है तीन होता है चार होता है तो वहां पर आपको दो मारना होता है तो कर्म के आधार पर याद रखिएगा कर्म इंपॉर्टेंट है कर्म के आधार पर पहला है अकर्मक जहां पर कर्म का अभाव होता है याद रखिएगा कर्म में कर्म नहीं होता है और सकर्मक में क्या होता है कर्म होता है कर्म नहीं होता है वो अकर्मक और सकर्मक में कर्म नहीं यहां पर होता है यार याद रखिएगा आ माने नहीं कर्म माने कर्म जहां पर कर्म ना हो सा माने सहित कर्म माने कर्म जहां पर कर्म हो एक एक जान लेते हैं अकर्मक क्रिया क्या है कि बे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है सिंपल सी बात है आ माने नहीं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है वही अकर्मक क्रिया है हमने आपको बताया आ माने नहीं कर्म माने कर्म बराबर अकर्मक क्रिया जैसे कोई बच्चा सो रहा है तो वो एक अकर्मक है जो कोई काम है ही नहीं चिड़िया उड़ रही है कोई कार्य हो ही नहीं रहा परिवार समझ में आई कि गीता सो रही है सोना हमेशा एग्जाम में एक सोना ही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई सो रहा है तो समझ लो कोई कार्य हो ही नहीं रहा बच्चा जाग रहा है सोना हंसना खेलना दौड़ना रोना उड़ना ये सभी क्या है ये सभी दोस्तों आपके अकर्मक में होते हैं ये कोई बैठे बैठे हंसना बैठे बैठे रोना लेटे लेटे सोना दौड़ना टहलना चलना ये कोई कर्म थोड़ी ना है दोस्तों रोना कोई कर्म है क्या चिड़िया उड़ रही है कोई कर्म है नहीं जब तक किसी प्राणी के द्वारा कर्म ना किया जाए तब तक बोस सकर्मक नहीं होगी यानी अकर्मक नहीं होगी और हम ये कह सकते हैं कि जब तक कोई कार्य अगर कर्म के आधार पर किया जाता है वही सकर्मक है जो आगे बताने वाला हूं अब देखिए वहां माने आ माने था नहीं और यहां है सा माने सहित कर्म माने हैं कर्म जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है यानी सकर्मक का मतलब होता है कि कर्म जहां पर कर्म होता है और याद रखिए कर्ता को छोड़कर कर्म अब याद रखो कि कर्म इंपॉर्टेंट है दो चीजें और एग्जाम में पूछी जाती हैं। कहता है कि कर्म कहां पर जरूरी है तो वो सकर्मक क्रिया में और कर्ता कहां पर जरूरी है दोस्तों यह भी पॉइंट लिख लीजिएगा अकर्मक क्रिया में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कर्ता कहां पर जरूरी होता है कर्ता कहां पर प्रमुख होता है वो अकर्मक होता है कर्म कहां पर होता है वो सकर्मक होता है सा माने सहित कर्म माने कर्म मतलब सकर्मक क्रिया अब कैसे एग्जाम्पल लेंगे मोहन फल खा रहा है डायरेक्ट आपको रेड वाले जितने दिख रहे हैं वो सभी क्या है कर्म हो रहा है तो यहां पर सकर्मक हो जाएगा छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल खेल रहे हैं छात्र राधा गाना गा रही है तो गाना गाया जा रहा है कुछ काम हो जरूर रहा है चाहे वो खाने वाला ही क्यों ना हो जैसे मोहन सेव खा रहा है तो सेव खा रहा है तो कर्म हो रहा है मैंने एक पुस्तक लिखी तो कर्म हो रहा है मैं अपना कार्य कर रहा हूं कर्म हो रहा है कृष्ण बांसुरी बजा रहा है या बजा रहे हैं है। कर्म हो रहा है राधा गाना गा रही है क्या गा रही है आंसर आएगा गाना क्या खेल रहे हैं आंसर आएगा फुटबॉल क्या लिख रहे हैं आंसर आएगा पुस्तक क्या बजा रहे हैं आंसर आएगा बांसुरी क्या खा रहे हैं आंसर आएगा फल सेव केला तो समझ गए ना तो ये चीजें आपको याद रखनी है सकर्मक क्रिया के भेद अगर देखा जाए तो सकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, एक कर्मक क्या है? नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहां पर एक कर्म होता है वहां एक कर्मक क्रिया कहलाती है जैसे ऊषा फोल फूल, फूल तोड़ रही है माली माला गूथ रहा है एक ही कर्म हो रहा है एक कर्म एक कर्म क्रिया जहां पर जिन सकर्मक क्रियाओं में एक कर्म होता है वहां पर एक कर्मक होता है एक कर्मक्रिया होती है ऊसा फूल तोड़ रही है माली माला गूथ रहा है मेरी बात समझ गए? तो एक कर्म होगा ही होगा द्विकर्मक कर्मक में क्या होता है जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी शिक्षक ने क्या दी विद्यार्थी को दी क्या दी पुस्तक दी पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई देखिए हमारे ऊपर पिताजी जब कर रहे हैं तो दो तरीके पर प्रभाव पड़ता है एक तो हमारे और उस आइसक्रीम शिक्षक ने उस विद्यार्थी और उस पुस्तक याद रखिएगा जहां पर दो चीजों पर प्रभाव पड़ता है वहां पर दोस्तों द्वि क्रिया कहलाई जाती है और जहां पर केवल एक क्रिया की बात की जाए कि फूल तोड़े जा रहे हैं माला गूथा जा रहा है तो केवल एक कर्म क्रिया होगी मेरी बात क्लियर है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं सारी क्रियाओं को जान लेते हैं प्रयोग के आधार पर अगर क्रियाओं की बात की जाए तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं एक सामान्य क्रिया एक संयुक्त क्रिया एक नाम धातु जो इंपॉर्टेंट है उस पर जहां से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे ये तीनों क्रियाएं बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं इसके साथ ही साथ दोस्तों आपसे पूछी जाती है क्या नाम ये सजाती क्रिया आई एम पी चार क्रियाओं पर आपको बिल्कुल नजर कढ़ा लेना है तो सामान्य क्रिया क्या है संयुक्त क्रिया क्या है नाम धातु क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया तात्कालिक क्रिया कृदंत क्रिया यौगिक क्रिया सहायक क्रिया सजाती क्रिया और विधि क्रिया एक एक को जानेंगे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक साबित हो सकता है सामान्य क्रिया क्या है कि जिस क्रिया से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे सामान्य क्रिया कहा जाता है क्रिया के पीछे ना लगा जरूर रहता है जैसे रोना धोना खाना पीना कूदना पढ़ना नहाना चलना आदि जिस क्रिया में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वहां पर सामान्य क्रिया होती है और इस क्रिया के पीछे ना जरूर लगा रहता है रोना धोना खाना पीना कूदना पढ़ना नहाना और चलना इत्यादि ये क्या है यह सामान्य क्रिया के भेद होते हैं यह सामान्य क्रिया के भेद होते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है ठीक है ना लगा रहेगा तो सामान्य क्रिया जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया कैसी है संयुक्त है तुम घर चले जाओ मोनू स्कूल चली गई तुम घर चले जाओ मोहन यानी मोनू स्कूल चली गई तो दोस्तों कैसे होंगे यह संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे संयुक्त क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे क्योंकि तुम घर चले और जाओ चली और गई दो क्रियाओं का बोध हो वहां पर संयुक्त क्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम धातु अनुकरणात्मक प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक ये तो कभी नहीं छोड़ना है क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं यानी संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से मिलकर जो क्रिया बनती है वो संयुक्त क्रिया नाम धातु कहलाती है यह धातुओं के नाम से बनी होती है इसलिए यह नाम धातु कहलाती धातु के नाम से जो बनी है वो नाम धातु जिसमें किनका सम्मिलन होता है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण हाथ से हथियाना याना लास्ट में जरूर आता है बात से अगर बतियाना है तो यह क्या है नाम धातु 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 तो नाम धातु की क्या पहचान अगर याना आएगा लास्ट में तो आपको यहां पर तुरंत लगा देना है धातु से बनी होगी हाथ से हथियाना लाठी से लठियाना बात से बतियाना पानी से पनियाना अनुकरणात्मक क्रिया में क्या है थप 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 थपाना थर 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 थराना कप 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 कपाना मोहन दरवाजा खटखटा रहा है मधुमक्खी भिन्न भिन्न कर रही है मतलब क्या है ट्रिक आपको नोट कर लेना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में अनुकरणात्मक क्रिया बताइए निम्नलिखित में आपको नाम धातु क्रिया बताइए निम्नलिखित में आपको पूर्वकालिक क्रिया बताइए तो ट्रिक आपको लिख लेना है कि अनुकरणात्मक में क्या होता कि जब आपके शब्दों की पुनरावृत्ति होती है अव्यय भाव समाज की तरह तो वहां पर आपको अनुकरणात्मक क्रिया देखने को मिलेगी ठीक है चलिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या है जहां कार्य कर का कर, जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करे जैसे आप हो अपना कार्य स्वयं ना करो और आप बैठ के किसी दूसरे से ऑर्डर कर, करके करवाओ अपना काम आप कहो कि अरे सुनो ये काम करो करे लाना अरे ओए इधर आओ ये मेरा काम किए लाना इस तरीके के वर्ड हमेशा याद रखो मैं ट्रिकी भाषा में देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं कि जहां कर्ता कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है जैसे माता जी नौकर से साफ सफाई करवाती हैं वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता खुद नहीं पढ़ा रहा मैंने राधा से पत्र लिखा है, मैं तो बैठा हूं माता जी बैठी है साफ सफाई वह खुद ही खुद नहीं कर रहा अध्यापक से बेटी को पढ़वा रहा है मैंने नहीं किया राधा ने पत्र लिखा है मैं अपना कार्य अपनी बीवी से करवाता हूं मैं अपना कार्य पुष्पा से करवाता हूं रमेश अपना कार्य मोहित से करवाता है रमेश अपने कपड़े पत्नी से धुलवाता है खुद नहीं कोई कार्य करो किसी दूसरे से करवाओ तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी एक वाक्य दे देगा और कह देगा कौन सी क्रिया है तो भी मार दोगे आप पूर्वकालिक क्रिया में क्या है पूर्वकालिक क्रिया का अर्थ होता है कि पहले से हुआ जब कर्ता एक काम को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाए तो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक कहते हैं दोस्तों याद रखो कि दो वाक्य आपको एग्जाम में दिए होंगे नहीं कि एक पूरी तरीके से सेंटेंस दिया होगा और आपसे सेंटेंस में कहेगा कि बताओ कौन सी क्रिया है तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया की क्या पहचान है कि एक कार्य खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए लेकिन कंडीशन क्या है कि तुरंत स्टार्ट होना चाहिए आप कहोगे सर कैसे देखो पुजारी ने नहाकर पूजा की नहाया इसमें कर आता है ट्रिक हमेशा याद रखिए कि इसमें लास्ट में कर जरूर आता है पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या जो है करके लगाकर बनाया जाता है जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की पहले नहाया तुरंत पूजा की या चोर कर लिया चोर सामान चुरा कर भाग गया पहले सामान चुराया और फिर भाग गया विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर पहले देखा फिर उत्तर दिया वह खाकर सो गया पिताजी ने नहाकर पूजा की पिताजी पिताजी ऑफिस से आकर सो सो गए गए पहले आए फिर, फिर तुरंत नहाकर पूजा करने चले गए पिताजी नहाकर मस्जिद चले गए पिताजी नहाकर मंदिर चले गए पिताजी नहाकर चर्च गुरुद्वारा चले गए तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि तुरंत एक काम खत्म हो दूसरा स्टार्ट हो जाए पूर्वकालिक क्रिया का सबसे जबरदस्त पॉइंट है सबसे जबरदस्त उदाहरण है मेरी बात समझ में आई तो यह चीज आपको याद रखनी है तात्कालिक क्रिया डालिएगा उदाहरण में और तात्कालिक क्रिया नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह क्रिया भी पूर्वकालिक क्रिया की तरह ही है मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर क्रम का अंतर होता है उसे तात्कालिक क्रिया कहा जाता है जैसे वह आते ही सो गया इसमें ट्रिक लिख लेना कि इसमें ही आता है वह आते ही सो गया उसमें करके होता था इसमें आते ही शेर देखते ही वह बेहोश हो गए शेर को देखते ही बेहोश हो गए वह आते ही बच्चे को पीटने लगे वह आते ही खाना खाने लगे तो इस तरीके से मतलब अगर ही आता है तो तात्कालिक अगर करके आता है नहाकर आता है चुरा कर आता है देख कर आता है तो वहां पर पूर्वकालिक फर्क है ना बहुत अच्छे <laughs> कृदंत क्रिया की अगर बात की जाए तो कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम कृदंत क्रिया कहते हैं ध्यान दीजिएगा कृत प्रत्यय अगर जुड़ेंगे तो क्रिया जो बनेगी उसे कृदंत क्रिया कहा जाएगा याद रखा जाए कि प्रत्यय क्या होते हैं वो आगे पढ़ाएंगे कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं ठीक है ना शब्दांश के पीछे यानी सफिक्स जुड़ता है वही प्रत्यय कहलाता है जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है जैसे चल को चलता भागने को भागता दौड़ने को दौड़ता हंसने को हंसता यानी अपनी क्रियाओं में जो पीछे हुए परिवर्तन को देखा जाए वह दोस्तों कृदंत क्रिया होती है यौगिक क्रिया क्या है जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों मिलाकर मुख्य क्रिया का काम करती हैं उसे यौगिक क्रिया यौगिक से नाम से ही पता चल रहा होगा कि योग यानी दो या दो से अधिक क्रियाएं जब मिलती हैं तो वो यौगिक क्रियाएं होती हैं इसकी पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसने पत्र लिख डाला पहले लिखा भैया डाला बच्चों ने काम कर डाला उससे जाने दो तो दोस्तों ये कैसी हैं ये यौगिक क्रियाएं हैं उसे जाने दो काम कर दिया लिख डाला इस तरीके से आप यहां पर लॉजिक लगा सकते हो सहायक क्रिया क्या है जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की सहायता से बनती हैं भाई जो सहायता करे वही सहायक होगी उन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो जरूरत होती है जिनकी उसे ही हमें सहायक क्रिया कहा जाता है हम कहते हैं ना कि हमारा कोई पद अगर है तो अगर हमसे कोई नीचे वाला काम करने वाला होगा कर्मचारी तो वो हो जाएगा सहायक कर्मचारी ध्यान दीजिएगा प्रधानाचार्य जैसे होता है तो प्रधानाचार्य के नीचे कौन करता है सहायक अध्यापक जैसे आप टीचर अगर बनोगे तो आप सहायक अध्यापक कहलाओगे क्योंकि सहायता कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि वो सहायता आप करोगे बच्चों की और प्रधानाचार्य की सजातीय क्रिया क्या है जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहा जाता है यानी जब कुछ अकर्मक और सकर्मक जब बात अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं तक पहुंच जाए तो उनके साथ जो भाववाचक संज्ञा बनती हैं, उनको सजातीय क्रिया कहा जाता है जैसे अच्छा खेल खेल, खेल रहे हो अच्छा खेल खेल रहे हो वह अच्छी लिखाई लिख रहा है खेल खेल रहे लिखाई लिख रहा ऐसे same word, same wording, ये सजाती क्रिया होती है दोस्तों ठीक है ना तो अब हम बात करने वाले हैं कारक पर बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि कारक को हम किस तरीके से पढ़ें जिससे हम एग्जाम में बेहतरीन नंबर को ला सकें कारक क्या होता है ध्यान दीजिए कारक का अर्थ क्या है कि किसी कार्य को करने वाला यहां से आपके चार क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में किसी कार्य को करने वाला जो क्रिया की भूमिका को निभाता है वही कारक कहलाता है जो क्रिया की भूमिका को निभाएगा वह कारक कहलाएगा याद रखिएगा दोस्तों क्लियर है चलिए कारक के उदाहरण देख लेते हैं जैसे मैं अभी तो पूरा पढ़ाऊंगा यहां से देखिएगा वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है वह पहाड़ों के बीच में है नरेश खाता है सूरज किताब पढ़ता है इस तरीके से आपको लिखना नहीं है लेकिन हमें क्या है जब हम एक एक कारक को पढ़ेंगे तो उसमें आपको देख लेना है ठीक है चलिए तो कारक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे चार से पांच क्वेश्चन या दो से तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देखिएगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर कारक होते हैं आठ प्रकार के पहला क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि कारक के प्रकार कितने होते हैं तो कारक के जो भाई होते हैं वो तो पूरे कितने होते हैं वो होते हैं आठ ठीक है ना दूसरा दूसरा ये होता है कि भाई लिए कारक कौन कौन से हैं इनकी विभक्ति क्या है तो कर्ता कारक हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से कर्म कारक पढ़ने वाले हैं कारक संप्रदान कारक संबंध कारक अपादान अधिकरण और संबोधन एक बार स्क्रीन लिया जाए फिर हम चले इस पूरे वीडियो को सिद्धत के साथ पढ़ेंगे जिससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन हमारा छूटे ना कर्ता कारक को सबसे पहले पढ़ेंगे यानी कर्ता कारक हेडिंग हमारी पड़ेगी कर्ता कर्ता कारक करता कारक से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं एक तो एग्जाम्पल देके पूछ लेगा या रेखांकित वाक्य करके पूछ लेगा या फिर कारक की विभक्ति यानी तीन तरीके के क्वेश्चन ही कारक से बनेंगे तो वो तीन तीन तरीके के क्वेश्चन हमें आठ तिया चौबीस क्वेश्चन हमें अच्छी तरीके से पढ़ लेने की चौबीस टाइप बुक क्या होंगे देखिए यानी आठ कारक है ना कर्ता कारक हेडिंग है जो वाक्य में कार्य को करता है यानी जो वाक्य में कार्य को करता है जो किसी भी सब्जेक्ट की बात करे यानी कुल मिलाकर कह रहा है कि जो यह सब्जेक्ट है वही दोस्तों सब कुछ है वही आंसर है वह कर्ता कहलाता है या वह कारक कहलाता है कार्य वाक्य का वह रूप है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ने होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ने क्या है कर्ता कारक की विभक्ति है ठीक है चलिए अब उदाहरण कौन से हैं <coughs> देखिए कारक के उदाहरण दोस्तों जैसे मेरे मित्र ने आज यह खाया था मेरे मित्र ने आज यह खाया था तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सा कारक है तो ने आया है रामू ने आज गाड़ी चलाई थी तो कौन सा आया है ने आया है दो दो एग्जाम्पल लिख लेने आपको ज्यादा नहीं टीचर ने आज मुझे पीटा तो कर्ता की क्या बात है जहाँ पर ने आता है किसने तो दोस्तों ये कर्ता ही इंपॉर्टेंट है टीचर है रामू है मेरा मित्र है दीपक है सुरेश है यहाँ पर सभी में क्या आ रहा है ने ने आ रहा है इसलिए आपको ये दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग के लिख लेने हैं बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे जहां पर आपको इस तरीके से लगा दे अंडरलाइन तो उसमें अगर ने ना दिया हो और अंडरलाइन लगा दिया तो फिर भी आपको कर्ता कारक क्योंकि अंडरलाइन कर्ता को यहां पर इंगित करता है इंडिकेट करता है तो आंसर कर्ता कारक ही होगा दूसरा कर्म कारक कर्म कारक का मतलब है जहां पर कर्म की प्रधानता हो जैसे वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा कारक है जहां पर क्रिया का प्रभाव कार्य पर पड़ता है यानी कार्य जो किया जाता है उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट है वो क्रिया पर यानी बर्व पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टार बना के दो बार आ चुका है कर्म कारक की विभक्ति क्या है तो दोस्तों कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को होती है याद कर लीजिएगा क्या है को होती है कर्ता ने कर्म को याद रखना है क्या मैंने बताया कर्ता ने और कर्म को हो जाएगा अब कर्म कारक के दो उदाहरण आपको ऊपर वाले लिख लेने हैं राम ने रावण को मारा बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर मैं यहीं पर कर दूं कि राम ने रावण को बाण से मारा क्या है बाण से मारा तो यह कारक बदल जाएगा हमेशा याद रखो कि हमेशा मुझे लास्ट वाला विभक्ति लेना है जो लास्ट में है अगर यहां पर लिखा होता बाण से मारा तो यहां पर को आता से आता तो मुझे को और से में से लेना पड़ता मैं आगे अभी बताऊंगा समझ में आ जाएगा राम ने रावण को बाण से मारा कर्म इंपॉर्टेंट है कर्म में को आता है रमेश ने राधिका को मारा कर्म इंपॉर्टेंट है क्या मारा राधिका को तमाचा मारा को आ रहा है बच्चे को क्या पिलाया दूध पिलाया कर्म हो रहा है दोस्त को काट लिया क्या है को आ रहा है घोड़े को पानी क्या पिलाया घोड़े को पानी पिलाया को आ रहा है ठीक <kles Brew> है ना चलिए नेक्स्ट है करण कारक क्या है करण कारक है दोस्तों जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो जिस रूप से क्रिया के करने या साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहा जाता है यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से डायरेक्ट पूछा जाता है यही वाली परिभाषा ये जो आपको साधन लिखा है ना ये साधन लिखा है यही पूछा जाता है और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन में क्या कहता है कि ऐसा कौन सा कारक है यानी ऐसा क्रिया का कौन सा रूप है जिसमें साधन का बोध होता है वह कारक बताइए तो वहां पर करण कारक होता है करण कारक में क्या याद रखना है केवल साधन याद रखना है बाद बाकी आपको कुछ भी याद रहे या ना रहे और इसकी विभक्ति याद रखना है कि इसकी दो विभक्ति है एक से है और एक के द्वारा जब से है तो ये साधन के लिए होगी और दोस्तों अपादान में भी से आता है वहां पर मैं आगे कि करण कारक के उदाहरण में आपको क्या करना है जैसे मैंने अभी आपको यहां पर एग्जाम्पल एक एक बताया था कि कर्म कारक में राम ने रावण को मारा अब मैं करण कारक पढ़ रहा हूं तो राम ने रावण को मारा तो ठीक था लेकिन अब कह रहा है राम ने रावण को बाण से मारा तो अब इसका आंसर बदल चुका है अब यह है, कर्म ना होकर कर्ण कारक हो गया है लेटर को पेन से लिखा मुझे न, मैंने कहा मैंने कहा यहां देखिए कर्ता आप कर्ता भी मार सकते थे क्योंकि कर्ता की विभक्ति है आप कर्म भी मार सकते थे हमेशा याद रखो कि लास्ट वाली विभक्ति लास्ट वाले जो शब्द है लास्ट वाली विभक्ति है उसके हिसाब से ही आंसर आपको लगाना है कर्ण हो जाएगा लेटर को अगर मैं लगाता तो इसके हिसाब से कर्म हो जाता लेकिन नहीं मुझे लास्ट वाला देखना है से, से आता है साधन के रूप में पेन क्या है लेटर को पेन से लिखा जा रहा तो पेन से लिखने के लिए हम पेन यूज कर रहे हैं साधन तो यानी याद रखिएगा कि पेन से लिखा जा रहा है तो साधन राधा ने रोहन से काम करवाया तो रोहन से काम करवाए इसलिए यहां पर क्या है से हो गया आपका करण राहुल सारा ज्ञान न्यूज पेपर से लेता है आंसर करण हो गया राधिका ने प्रियंका को डंडे से मारा डंडे से मारा तो डंडा क्या है साधन है तो इसलिए से न्यूज पेपर क्या है राहुल के ज्ञान का एक साधन है है ना तो सिंपल सी बात है संप्रदान कारक देखिए संप्रदान का अर्थ मैंने आज इस वीडियो में जो हम टेस्ट कराते हैं रात के आठ बजे रोजाना वो हमेशा टेस्ट रहता है देखिए मैंने पूरे वीडियो में आपसे नहीं कहा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें पूरी वीडियो आपने एंजॉय करी होगी दो घंटे लगभग होने वाले हैं तो आपने ये सुना कि मैंने कोई भी ऐसी बात आपसे कही हो कि वीडियो करो शेयर वीडियो में सब्सक्राइब करो ये करो फलाना कोई भी जो है प्रचार की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट में जो है अपनी तरफ़ से यूट्यूब के एडवर्टाइजमेंट आपकी वीडियोस में ज़रूर ऊपर आए होंगे लेकिन मैंने किसी का ना तो प्रमोशन किया है ना ही कुछ मैं कोई भी चीज़ें फ़ालतू की बात क्योंकि मैं मुझे पता है कि आपका इंपॉर्टेंट टाइम बहुत है सब्सक्रिप्शंस नहीं सलेक्शन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लाखों मिलियंस बच्चे हैं आप अगर सिलेक्शन देकर चले जाते हो और कुछ भी नहीं देकर जाते हो तो भी हमें बहुत कुछ मिल जाएगा ठीक है ना संप्रदान का अर्थ होता है दोस्तों देना इसलिए आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी जा चुका है एक बार कि संप्रदान का हिंदी में अर्थ क्या होता है तो देना ठीक है ना संप्रदान में जब भी आप कोई चीज देते हो किसी को तो वो संप्रदान याद रखना कि संप्रदान कारक होगा चाहे उसमें के आ जाए से आ जाए को आ जाए फिर कोई भी मायने नहीं रखता है ठीक है ना याद रखिएगा अब मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ कि संप्रदान कार अर्थ क्या है तो आप डायरेक्ट मार दोगे ना देना जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है के लिए ये पूरा एक साथ में है के लिए या को याद रखिएगा कैसे हम इस चीज को देखते हैं समझिए संप्रदान कारक में पहली बात तो आपको देना तो जरूर याद रखना है जब भी किसी चीज़ को देते हो भेंट देते हो या फिर आप भीख देते हो कुछ भी दे रहे हो मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ विभक्ति के साथ है तो तो आप लगा ही दोगे के लिए क्योंकि के लिए आती है भाई विभक्ति आती है के ये क्या है के लिए ठीक है ना और दूसरा है पापा राधा के लिए नई गाड़ी लाओ बताओ कौन सा कारक है तो आप तुरंत मार दोगे के लिए राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ तुरंत मार दोगे अब बात आती है कि के लिए तो चलो ठीक है आप जान जाते हो लेकिन ने राधा को गिफ्ट दिया तो अब आप फंस गए कि आप तो आप कहोगे कि भाई कर्म में मार दूंगा क्योंकि सर ने बताया था कि लास्ट वाला देखो आंसर कर दो जी नहीं मुझे यह देखना है कि कर्म है तो ठीक है लेकिन क्या कोई चीज दी तो नहीं जा रही और अगर कर्म है या कर्ण है या करता है दी जा रही है चीज तो फिर कर्म करता करण सब कुछ भूल जाओ फिर संप्रदान लगता है जब कोई चीज किसी चीज को, को, को कोई किसी ऑब्जेक्ट को दी जाती है चाहे आप भिखारी को कंबल दो चाहे राजा भिकारी को चावल दे चाहे राम अपनी पत्नी को साड़ी दे या कुछ भी आप दे रहे हैं तो फिर उसमें कुछ भी आ जाए तो संप्रदान कारक होता है फाइव सेक्शन कहता है अपादान कारक क्या कहता है अपादान कारक दोस्तों कह रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कह रहा है कारक पूछ रहा है अब ध्यान दीजिएगा देखिएगा यहां पर अगर बात करें यहां पर अगर हम बात करें कि अपादान कारक से कुछ, कितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कितने क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कनेक्शन ठीक है कोई दिक्कत नहीं कितने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो दो क्वेश्चन अपादान से भी पिछली बार पूछे गए थे तो मैं तो ये सोचता हूं कि भाई दो मिनिमम पूरे कारक से पूछ लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है या तीन पूछ ले तो और अच्छी बात है ठीक है चलिए देखिए अपादान कारक होता है जब संज्ञा या सर्वनाम किसी रूप से अलग होने का बोध होता है अपादान अलगाव से अलग से अपादान तो अलगाव होगा तो अपादान होगा अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है लेकिन से किसके अंतर्गत आता है याद रखिएगा कि जो है करण कारक में भी से आता है वहां पर करण कारक में साधन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है से चिन्ह करण कारक में भी होता है लेकिन वहां साधन के रूप में से कारक होता है अपादान कारक में वहां कैसे होता है अलग होने के रूप में ठीक है ना यहां से का मतलब है चीजों को अलग दिखाने के लिए किया जाता है जैसे एग्जाम्पल में राम बिल्डिंग से गिर गया यहां पर राम खड़ा था अब वो नीचे गिर गया है दोस्तों तो यहां पर हो गया अलगाव तो ये हो जाएगा अपादान कारक चूहा बिल से बाहर निकला उसका बिल था चूहा बाहर आ गया अब ये अलगाव हो चुका है अपादान कारक हो गया है ये लिख लीजिएगा चंद्रमा सूर्य से दूर है चंद्रमा और सूर्य की बात करें तो दूर है दोस्तों अपादान कारक बिजली के तार खम्बे से नीचे गिर गए हैं तो बिजली के तार पहले दोस्तों खम्बे में थे अब आगे क्या हो गया एक टूट के नीचे गिर गया तो अलग हो गया राधा राधा के हाथ से रोटी गिर गई तो रोटी भैया गिरना हाथ से मोबाइल गिरना जब चीज आपस में अलगाव हो जाए जब चीज एक दूसरे से छूट जाए विरह हो जाए अलगाव बाद सेपरेशन तो वहां पर अपादान कारक होता है संप्रदान कारक क्या कहता है वो संबंध कारक क्या कहता है संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जब हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में संबंध का बोध कराते हैं वहां पर कारक होता है जब दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन जैसे वह मेरी बेटी है वह मेरा भाई है यह है मेरी कार है ठीक है ना तो वहां पर आपको विभक्ति मिले या ना मिले लेकिन फिर भी आपको क्या देखना है कि संबंध कारक में क्या आता है काकी के रारी रे नानी ने इस तरीके के वर्ड जो है विभक्तियाँ आती हैं मेरी बात समझ गए मेरी बात समझ गए क्लियर है कोई समस्या कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब देखिए संबंध कारक की अगर मैं बात करूं कि यह बाइक पूजा की है चलो ठीक है की आ गया वह राम की बेटी है राधा ने मोबाइल फेंक दिया यहाँ पर ने आ रहा ना उसका रिलेशन नानी ने काकी के बच्चे का सिर दर्द कर रहा दो दो एग्जाम्पल लिख लेने वह सुनील की गाड़ी है रोहन का घर गांव में है तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप यही कहोगे ना कि भैया बहुत सिंपल सी चीज़ है बहुत चीज़ें आसान हैं आपकी और जब आसान चीज़ें हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकती है ना चलिए बहुत अच्छे क्या बात है अधिकरण कारक देखेंगे और फिर लास्ट देखेंगे क्या संबोधन कारक अधिकरण कारक बहुत इंपॉर्टेंट है संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2017 में देखिएगा संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार कैसे याद आध करोगे अधिकरण में आधार निकल रहा ठीक है ना इसीलिए आधार अधिकरण आधार अधिकरण आधार, आधार ऐसे याद आध कर लो अधिकरण में क्या होगा आधार होगा साधन में करण होगा करण में क्या होगा साधन होगा ठीक है ना इसकी विभक्ति में, में आता है और पर आता है भीतर अंदर ऊपर बीच आदि का जब प्रयोग होता है तो अधिकरण कारक का प्रयोग होता है जैसे राम कमरे में है राम कार्यालय में है तो वो तो अंदर ही तो होगा है ना तो सिंपल सी बात है तो भीतर आएगा या ऊपर आएगा या पर आएगा या में आएगा, आएगा तो वहां पर आपको चीजें बिल्कुल सटीक मिलेंगी अधिकरण कारक होगा जैसे मछलियां पानी में रहती हैं अंदर ही तो रहती में आ गया घर के अंदर दीपक जल रहा है अंदर अंदर आ गया ना तो यहां पर हो जाएगा राम ने क्लास बीच में छोड़ दी राधा के घर के अंदर चोर था मेरे मेरा दोस्त कमरे के अंदर है तो दोस्तों जब अंदर भीतर ऊपर बीच में आ नीचे आ जाए जाए नीचे तो अधिकरण कारक हो जाएगा और लास्ट अधिकरण लास्ट जो है कारक का हम पाठ पढ़ रहे हैं संबोधन कारक संबोधन कारक क्या कह रहा है संज्ञा या वर्तमान संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने संबोधित करने है ना संबोधन जिससे जिससे किसी को बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है तो वह संबोधन कारक कहलाता है संबोधन कारक में अरे हे अजी आदि विभक्ति चिन्ह होता है इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है याद रखिएगा क्या होता है इसका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है ये बात इंपॉर्टेंट है जहां पर आपको इस तरीके से संबोधन मिलेंगे या इस तरीके से चिन्ह भी इसका मिलेगा जैसे अरे आ जाए तो संबोधन अरे आ जाए तो संबोधन हे भगवान अरे अरे वाह इस तरीके के जितने भी संबोधन है तो आप संबोधन कारक में चले जाएंगे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ठीक है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में और टफ क्या सब कुछ तो पढ़ा ही दिया यार कारक में सब कुछ तो पढ़ा ही दिया है तो चलिए अलंकार को बहुत अच्छे तरीके से पांच मिनट में खत्म करते हैं अलंकार के बाद तुरंत रस को खत्म करेंगे जहां से तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यानी अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ना है और रस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है ना तो चलिए देखिएगा अगर मैं बात करूं अलंकार में दो क्वेश्चन स्टार्टिंग से बनते हैं कि अलम धनकार बराबर अलंकार होता है यानी अलंकार किसे कहते हैं तो अलम धनकार बराबर अलंकार यानी आभूषण या गहना अलंकार को आभूषण या गहना कहा जाता है क्यों क्योंकि अलंकार में व्यंजन संधि है जिसमें अलम और कार में ये दो भागों में बटा शब्द इस अलम का मतलब होता है आभूषण या गहना क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इसको नोट कर लीजिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है तो ऑप्शन दे देता है रस ऑप्शन छंद ऑप्शन कारक ऑप्शन अलंकार तो दोस्तों वहां पर हमें काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं तब तो यह बात दिमाग में फीड होनी चाहिए ठीक है ना फीड होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं अलंकार के अर्थ को अलंकार के जो हमें पढ़ने हैं पार्ट उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं अनुप्रास पढ़ना है यमक पढ़ना है श्लेष पढ़ना है इसके साथ उपमा रूपक उत्प्रेक्षा मानवीकरण संदेह विरोधाभास अतिशयोक्ति ये चीजें हमें पढ़नी है यहीं से क्वेश्चन आते हैं इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा ठीक है ना चलिए अलंकार कितने भेद होते हैं ये आपको नोट कर लेना है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो अलंकार एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार शब्दालंकार अलंकार में क्या होता है शब्द के आधार पर वर्गीकरण और अर्थक अलंकार में क्या होता है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण अर्थालंकार में चलिए हम पढ़ लेते हैं कि अर्थालंकार भाई देखिए यहां पर मैंने आपको बताया ना शब्दालंकार अर्थालंकार तो अर्थालंकार में जो दो तीन इंपॉर्टेंट है उनको पहले पढ़ लेते हैं बहुत ट्रिकी माध्यम से बिल्कुल ट्रिक से पढ़ेंगे एग्जाम हाल में देखोगे और तुरंत आंसर लगा दोगे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको ट्रिक में बताऊंगा देखिए उपमा अलंकार सबसे पहली हेडिंग आपकी आनी चाहिए उपमा अलंकार एग्जाम में हर साल छह साल से लगातार आ रहा है कैसे पढ़ोगे आप कि जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए ये योजक चिन्ह है ये आ जाए और शब्द सी आ रहा है सा आ रहा है से आ रहा है सरिस आ है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा यही पहचानने की ट्रिक है जो आपको यहां पर रेड रेड दिख रहा है यह आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है यानी मुख चंद्रमा सा अगर आपको इस डैश के साथ सा आए और सी आए यानी डेस के साथ कंडीशन यह है कि अगर सा आ रहा है सी आ रहा है से आ रहा है सम आ रहा है सरिस आ रहा है तो वहां पर क्या होगा आंसर उपमा अलंकार हो जाएगा कर कमल सा कोमल है कर कमल सा कोमल है तो सा आ रहा है दोस्तों तो हमें कह सकते हैं कि उपमा अलंकार हो जाएगा नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार <खँँग> उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है कि इसकी ट्रिक देखो ट्रिक नोट करो फटाफट यदि पंक्ति में मनु आता है मनहु आता है मानो आता है जानो आता है जनु आता है तो वहां पर जो अलंकार होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है उत्प्रेक्षा अलंकार कहां पर होता है जहां पर जनु जानो मनु मानो आए समझ लो आंसर आपका हो गया वहां पर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ना चलिए देख लेते हैं जनु बरसा तो हमने कहा तुरंत आंसर मेरा टिक होना हो जाना चाहिए कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई पहला एक एग्जाम्पल हो गया दूसरा नेत्र मानो कमल है मैंने क्या बताया मानव तो मानव क्या है कमल है यहां पर जनु और लिख लीजिएगा जनु जानहु जानहु और मनहु लिख लीजिएगा मनो तो लिखाइए जनु जानहु मनु मानहु ठीक है ना तो जनु जानहु मनु मानहु कैसे हैं यह है, ये है। तुरंत तुरंत देखो तुरंत आंसर पर लग जाएगा उत्प्रेक्षा तो तुरंत आप अर्थ मत निकालने लग जाना अर्थ निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा अर्थ नहीं निकालना है जिससे दिक्कत हो जाए आपको तुरंत आपको अपनी ट्रिक लगानी है ठीक है चलिए अतिशयोक्ति अलंकार डालिए हेडिंग जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर यानी तिल का ताड़ बना देना जहां पर किसी वस्तु को या किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा दिया जाए कि भाई बिल्कुल एकदम से पेट में पचे ही ना तो समझ लो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है जैसे आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार क्या ऐसा संभव है नहीं राणा ने सोचा इस एकदम से और सोचने से पहले घोड़ा उतर हो गया ऐसा संभव नहीं है ठीक है ना हाँ चेतक बहुत ज्यादा क्या था बहुत ज्यादा जो है प्रिय घोड़ा था लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं जैसे हम कहते हैं ना कि आ, मैंने हर बार एग्जाम्पल आपको दिया है कि आ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग सिगरी लंका जल गई है ना तो मैं कह सकता हूं कि भाई लगन न पाई आग तो भाई पूछ में आग भी ना लगी और पूरी लंका भी जल गई कुछ भी हुआ भी नहीं ऐसा नहीं जब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है मानवीकरण में क्या होता है जहां पर जो निर्जीव वस्तु है ना वो मनुष्य की तरह भांति कार्य करे मनुष्य की तरह कार्य करे कि जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है जैसे फूल हंसे कदिया मुस्काएं क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या फूल कभी मुस्का सकते हैं नहीं अगर मुस्का सकते हैं तो मानवी होगा क्योंकि मनुष्यों की तरह बात सागर के उपार नाच नाच कर करती हैं लहरें मधुर गान क्या लहरें कभी भी सागर के तट पर नाच सकती हैं जी नहीं अगर नाचती हैं तो तुरंत मानवीकरण लगा दो जब भी कोई भी प्राकृतिक वस्तु सजीव भांति कार्य करे मनुष्य की तरह कार्य करे मानवीय भावना उसमें हो तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा ही होगा शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं शब्दालंकार के तीन भेद मुख्यता होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं एक अनुप्रास एक यमक और एक स्लेस देखिए अनुप्रास अलंकार हर बच्चे को पता होगा कि जहां पर वर्ण बार बार आए और यही लगभग लगभग यमक अलंकार में भी होता है लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है जहां पर वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास होता है चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में चा 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 वर्ण है चा मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का मा 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 मेरी बात समझ रहे ना जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों अपने दोस्तों को इतना शेयर कर देना यह वीडियो की सिलेक्शन उनके कदम चूम ले याद रखिए दोस्तों कुछ नहीं चाहिए आपसे बस अपने दोस्तों में दस दोस्तों में पांच दोस्तों में हर बहन हर भाई हर गहड़ी इतना जरूर कर देना कि आपके घर में अगर होगा तो उनके भी घर में उनके भी परिवार जगमगाएंगे ज्ञान बांटने से बढ़ता है यह हर व्यक्ति कहता है हर हमारा महापुरुष कहता है ठीक है ना यमक अलंकार की मैं बात करूं तो एक शब्द बार बार आए वहां पर वर्ण बार बार आए यहां पर एक ही शब्द अधिक बार यमक और श्लेष में यही फर्क मिलेगा आपको एक ही शब्द एक से अधिक बार आए जैसे कनक कनक ते सौ गुनी कनक कनक यहां पर मध यहां पर क्या है यहां पर धतूरा और सोना तो इसलिए मुझे कभी भी अर्थ नहीं निकालना है मुझे बस तो देखना है कि आंसर क्या है तुरंत हो जाएगा कि अगर शब्द बार-बार वही आ रहा है तो दोस्तों एक शब्द बार-बार है तो यमक हो जाएगा काली घटा का घमंड घटा यहां घटा दोस्तों और यहां घटा मेरी बात समझ गए समझ गए क्लियर ना तो चीजें बिल्कुल आसान है अगर आप उन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो ठीक है चलिए श्लेष अलंकार देखिए श्लेष <clears throat> अलंकार क्या कह रहा है अलंकार यह कह रहा है कि एक शब्द के अनेक अर्थों शब्द तो एक बार ही यूज होगा और वहां क्या था एक शब्द अनेक बार यूज हो रहा था यहां फर्क है रहीमन पानी यही आता ही है हर बार यही पूछा जाता है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उपरे मा, मोती मानुष चून पानी का पहला अर्थ दोस्तों यहां पर पानी से हम बहुत सारे अर्थ निकालते हैं इसलिए एक शब्द के लिए अनेक अर्थ आते हैं तो वो श्लेष है श्लेष का क्वेश्चन क्वेश्चन में एक और पूछता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना क्या होता है चिपका हुआ होना होता है इस चीज को भी आप हमेशा याद रखें चिपका हुआ होना क्या है श्लेष का अर्थ होता है ये कमेंट में बच्चे बता रहे हैं सही बात है ठीक <coughs> है तो यहां पर पानी के बहुत सारे अर्थ हैं जिसमें पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में जिसका मतलब विनम्रता दूसरा है आपका क्या है बताइएगा तेज या चमक है ठीक है ना तो इस तरीके से हम सारी चीजों को देख रहे हैं अब हम चैप्टर पर चलते हैं रस रस को बहुत आनंद के तरीके से पढ़ेंगे बहुत आनंद में पढ़ेंगे रसों को बहुत अच्छी से पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम से पढ़ने में जिसमें आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है इसी तरीके से हम रस को पढ़ेंगे भाई वास्तविकता है ये कि देखिए काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद या रसभूति या अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है तो मैंने तो यही कहा कि रसों को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ूंगा यानी आपको पढ़ाऊंगा ठीक है तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आनंद होता है जबकि अलंकार का क्या अर्थ होता है वहां पर आभूषण होता है रस को श्री धातु से उत्पत्ति यानी जो रस की उत्पत्ति है वो श्री धातु से हुई है ऐसा माना गया है जिसका अर्थ होता है जो बहता है अर्थात जिस भाव के रूप में हृदय से बहता है उसे रस कहा जाता है याद रखिएगा जो बहता है हृदय में कहते ना जो बहता है हृदय में वही क्या है रस है ठीक है चलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पर मैंने आपको अलंकार में बताया था काव्य की क्या बताया था वहां पे जल्दी से बताओ अलंकार में क्या बताया था जल्दी से बताइए अभी इतना समय नहीं लगना चाहिए मैंने आपको नोट्स में लिखाया था कि अलंकार काव्य का क्या है अलंकार काव्य का क्या है? की आत्मा जो है किसे कहा जाता है रस को कहा जाता है और रस उत्पत्ति का सबसे पहले परिभाषित यानी रस को जो है देने वाले कौन है यानि भरत मुनि है यानी भरत मुनि को कहा जाता है रसों का जनक नाट्य शास्त्र किसकी रचना है भरत मुनि की है तो इसीलिए यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा है भरत मुनि ने उन्होंने अपने नाट्यशास्त्र में रसराज रा, को यानी जो रसराज है जो रस है वो कितने भागों में बांटे हैं इन्होंने आठ बांटे हैं अगर तुलसीदास ने पूछे तो ग्यारह बांटे हैं तो क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी में भरत मुनि ने रसों को कितना बताया है तो आठ बताया है यह आप याद रखिए ध्यान दीजिएगा रसों के प्रकार रस नौ प्रकार के होते हैं ध्यान दीजिए रस नौ प्रकार के होते हैं भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के आठ प्रकार के होते हैं शांत को रस नहीं माना है किसने शांत को नौमा रस कहा जाता है लेकिन भरत मुनि ने रस शांत को नहीं माना है क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी गया है चार से पांच बार कि ऐसा कौन सा रस है जो भरत मुनि ने नहीं माना है तो शांत रस उसमें आपकी आंखें ढूंढनी चाहिए ऑप्शन में सूरदास के अनुसार ग्यारह रस है और आजकल अगर पूछा जाए वर्तमान में टोटल रस कितने हैं तो ग्यारह ही मारना नौमा रस शांत रस है दसवा वात्सल्य है ग्यारहवा भक्ति है ये भी आपको याद रहना चाहिए ठीक है चले चलिए रस की बात अगर की जाए तो रसों में अगर देखा जाए तो हमें इनके स्थाई भाव पता होना चाहिए इनके अंग पता होना चाहिए तो चलिए जान लेते हैं कि जो रस होते हैं वो श्रृंगार है तो इसका स्थाई भाव रति है हास्य है इसका हास है मैं आके बताऊंगा करुण है इसका शोक है वीर है उत्साह है अभी लिखो मत अद्भुत है इसका आश्चर्य है भयानक है भय है रौद्र है क्रोध है विभत्स है है शांत निर्वेद रति और भक्ति अनुराग इतने रस हैं और दोस्तों इनको एक एक तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं बहुत बेधड़क बे तरीके से रसों के अंग में दो चीजें बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं कि रसों में स्थाई भाव की संख्या कितनी होती है नोट कर लीजिए ग्यारह होती है और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है तैतीस होती है ठीक है ये दो चीजें आपको नहीं भूलनी है चलिए देखिएगा स्थाई भाव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जितने ग्यारह रस हैं हमारे इनके स्थाई भाव तो आपको रटे होने चाहिए इनके स्थाई भाव तो आपको रटे ही होने चाहिए बोले सर कैसे श्रृंग <coughs> सॉरी वर्तमान में जो रस हैं इनका श्रृंगार रस की बात अगर की जाए तो श्रृंगार रस का स्थाई भाव क्या है रति है हास्य रस का स्थाई भाव अच्छा श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है हास्य रस का क्या है हास है करुण रस का क्या है शोक है रौद्र रस का क्या है क्रोध है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा रस का क्या है जुगुप्सा है भयानक रस का क्या है भय है अद्भुत रस का क्या है विस्मय है वीर रस का क्या है उत्साह है शांत रस का क्या है निर्वेद है वात्सल्य रस का क्या है वात्सल्य है भक्ति रस का स्थाई भाव क्या है भगवत अनुराग या विषय ठीक है ना तो ये हमने पढ़ लिए ये पढ़ लिए अब चलिए देखिएगा यहां पर अगर मैं बात करता हूं संचारी भाव संचारी भाव वो होते हैं जो भाव हमारे हृदय में ज्यादा देर तक ना रुके संख्या इनकी तैतीस मानी गई है हर्ष चिंता गर्भ शंका निर्वेद मोक्ष रोम आदि ये आपको लिखने नहीं है लेकिन इनकी संख्या तैतीस है ऐसे भाव जो ज्यादा देर तक हृदय में ना रुके वो संचारी हैं और ऐसे भाव जो ज्यादा देर तक रुके वो है स्थाई उनकी संख्या है स्थाई भाव यानी संख्या है ग्यारह ठीक है ना अब चलिए एक एक रस को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं <स्थ> पहला है श्रृंगार रस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई तो ये देखिए गिरधो गिरधर गोपाल को अपना बनाने के लिए कितना प्रेम है गोपियों और कृष्ण के बीच में अगर मैं पूछ पूछ दूं कि कोई प्रेम है या माता और कृष्ण के बीच में तो बोले कि बहुत सारा प्रेम है जहां पर प्रेम होगा वहां श्रृंगार होगा और इसे रसराज कहा जाता है क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रसपति किसे कहा जाता है श्रृंगार को और इसका स्थायी भाव क्या है रति है एक जंगल है तेरी आंखों में मैं जहां रास्ता या राह भूल जाता हूं तो दोस्तों ये तो प्रेम ही तो है कहीं दुख झलक रहा है नहीं तो इस तरीके से अगर आए तो वहां पर टिक मार दीजिए बीर रस देखिए <coughs> खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा त, तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं देखिए युद्ध की बात है तो बीर है और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी तो बीर ऐसे कैसे हैं ऐसे हमेशा रस वीर तो ही होंगे आंसर तुरंत बीर हो जाएगा करुण रस देखिए जिस बच्ची ने कुछ नहीं पाया था क्रूर हाथी ने उसे भी रुलाया था तो ये कह सकते हैं करुणा है ए, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ये करुणा है जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी वो करुणा है सिंपल सी बात है पहचानने की आवश्यकता यही है कि लॉजिक तुरंत लगना चाहिए तुरंत माइंड हमारा सिग्नल दे कि आंसर ये होगा ठीक है हा सिरस देखिए हाथी जैसी देह गेड़े जैसी खाल तरबूजे जैसी खोपड़ी खरबूजे जैसे गाल तो दोस्तों आप समझ रहे हो ना हंसी आ जाएगी तो हास्य हो गया रौद्र देखिए खून उसका उबल रहा था मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था खून उसका उबल रहा था मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था तो हम कह सकते हैं दोस्तों यह रौद्रस हो जाएगा रौद्रता आ जाएगी भयानक में देखिए सुनसान सड़क पर सन्नाटा था भयानक भय लग रहा था दूर से भी लग रहा था डर डर भयंक भयानक है ना भय है तो हम ये कह सकते हैं ना थोड़ कुछ वर्ड ऐसे पकड़ने होते हैं हमें हिंदी में जो तो तुरंत आंसर जो है मजबूर हो जाते हैं हम लोग कि हमारा आंसर यही होगा विभस् में क्या है गिद्ध और चील मंडरा रहे थे तो दोस्तों विभत्स हो गया और चूहे को तड़पा रहे थे तो ये क्या है जुगुप्सा स्थायी भाव होता है इसका विभस् हो जाएगा अद्भुत देखिए अद्भुत में क्या है अभी मैंने आपको बताया था कि जब चीजें बढ़ा चढ़ा कर बोली जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है इसी तरीके से देखिए मछली चलकर जमीन पर आई क्या ऐसा हो सकता है पानी में रहने वाली वस्तु क्या एकदम से आश्चर्य आपको आश्चर्य हो जाएगा तो अद्भुत रस हो गया अचंबा देख ये साहिल भाई ये एक ही चीज का है आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा उतरे कैसे पार ये मैंने आपको अतिशयोक्ति अलंकार में तो यहां पर अगर पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है तो अतिशयोक्ति और यहां पर रस पूछा जाए तो अद्भुत हो जाएगा आश्चर्यचकित कर देने वाली चीजें अद्भुत ही तो होती हैं ये चीजें आपको पता होनी चाहिए शांत रस का क्या होता है निर्वेद होता है स्थायी भाव ये नौमा रस माना जाता है हिंदी में ठीक है ना ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, ठीक है ना ऐ मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बंदी से टले ये क्या है शांति बिल्कुल एकदम से मदमस्त जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी है मैं ना ही सब अंधियारा मिट गया कोई दिक्कत नहीं सब शांति है जब दीपक देखा माही क्या है शांति है भक्ति रस देखिए रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम क्या है भक्ति है ना वात्सल्य देखिए मैया मो, मोरी मैं माखन खायो जब मैया के बीच में एक बच्चे का प्रेम होता है तो वात्सल्य रस होता है तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हमने चीजों को यहां पर रसों में देखा है तो एक बार इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार इसका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर अगले चैप्टर पर चले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार इसका लीजिएगा एक बार इसका लीजिएगा, एक बार इसका, एक का ले लीजिए तो चीजें देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चीजों को हमने पढ़ाया है ठीक है ना अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर हम उसको देखते हैं लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले आइकन को प्रेस कर ले गुरु जी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लें हम अगले चैप्टर पर सात से आठ नंबर और कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है ना तो चलिए यहां पर हम अगले या ये बताओ रस कैसा लगा आपको बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई छंद में यति क्या है गति क्या है तुक क्या है और इसके इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कहता है किन में किन में मात्राएं होती हैं तो सबसे पहले छंद को जानने से पहले छंद है क्या छंद दोस्तों चद धातु से बना हुआ है जिसका मतलब होता है खुश करना आह्लादित करना छत के भेद आपके एग्जाम में नहीं आते हैं रियल में अगर देखा जाए तो छद के तीन भेद होते हैं या चार भेद होते हैं ये मैटर नहीं करता लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो छत के मात्रिक छंद और वार्डिक छंद केवल दो ही होते हैं मुक्तक छंद एक और हमें पढ़ना पड़ता है लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो कहा जाता है कि केवल मात्रिक छंद से क्वेश्चन आता है तो मात्रिक छंद पर ये जो विशेष की वीडियो है ट्रिकी वीडियो वो अच्छी तरीके से अब आपको लिखना है छंद की बात करें तो दोस्तों छंद के अंग कितने होते हैं सबसे पहले याद रखनी है कि छंद के जो अंग होते हैं वो छ अंग के रूप में हम मानते हैं होते तो कहे जाते हैं आठ लेकिन छ मुख्य रूप से मानते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर थ्री फोर फाइव पहला क्या है सर चरण या पाद होते हैं जब भी हम छंद में पढ़ते हैं तो उसमें पहला चरण दूसरा चरण वो होता है वर्ण और मात्रा हम कोई भी शब्द को लिखते हैं वो वर्ण से लिखा जाता है और उस पर हम मात्रा का यूज करते हैं तो हम कहते हैं सर मात्रिक छंद यति क्या होता है गति क्या होता है तुक क्या होता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको को यहां पर नजरअंदाज नहीं करना है यही तो पूछा जाता है गड़ क्या है इससे भी आते हैं ठीक है ठीके? लेकिन अब हम पहले बात कर लेते हैं सर यति का प्रयोग हम केवल इनमें से तीन चीजें देखेंगे यति गति फिर हम चलेंगे सोरठा दोहा कुंडलिया सब कुछ देख लेंगे इस वीडियो में तो यार सुनिए पहले अगर हम बात करते हैं यति तो यति को समझने से पहले आपको यति गति और तुक के बारे में आपको फैक्ट समझना है कि जब भी हम चलते हैं जब भी हम किसी भी जगह जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई थक गए हैं रुक जाएं थोड़ी देर विश्राम कर लें तो हम कहते हैं सर विश्राम करने के लिए हमारी थकावट थोड़ी सी कम हो जाएगी यानी कि कहीं जाने पर हम विश्राम करते हैं तो वो भी रुकना होता है और जब हम लिखते हैं तो हम कहते हैं विराम चिन्ह का यूज करते हैं लिखने के समय जब हम रुकते हैं तो हम कहते हैं अल्प विराम विराम लेकिन जब हम बोलते हैं छंद के रूप में जब हम छंद के रूप में हम लयबद्ध तरीके से बोलते हैं तो हम रुकते हैं तो उसको हम यति कहते हैं कैसे कि जैसे हम कोई दोहा पढ़ रहे हैं तो हम उसके बीच में हम सांस लेते हैं अब सांस कैसे लोगे जैसे मैं आपको यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं पवन तनय संकट हरण अब हम कहेंगे मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसै सुरभूप जहां पर हम कौ कौम की बात करते हैं जहां पर सांस लेने की बात करते हैं वहीं दोस्तों हम यति कहलाती है यानी रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं पवन तनय संकट हरन रुक गए मूरत रूप राम लखन सीता सहित रुक गए हृदय वसैय सुरभूप कंफर्म हो गया सांस लेने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं सर यति कहते हैं अब बात आती है गति क्या है लय या प्रवाह को हम गति कहते हैं नहीं तो आप यति को ही लय मार दो तो ऑप्शंस में आपको बड़ा ही सही तरीके से चुनाव करना है कि यति विराम है और गति लय है वाणिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है तो हम मात्रिक पढ़ रहे हैं जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता हृदय हम थोड़ा सा लय में आपको बताए हैं और थोड़ा सा और अगर हम आपको बताए पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय वय सुरभूप अगर मैंने इस लय में आपको बताया तो कंफर्म पक्का हो गया होगा कि आप समझ गए होंगे आप समझाने की कोई जरूरत नहीं छंद को पढ़ते समय जब हम लयवध की चीज की बात करते हैं तो वो होता है हमारा गति क्लियर अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट तुक की तुक क्या है चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं जैसे ऊपर एग्जाम्पल में आपको लिख रहा है पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप रूप और राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरभूप जो ऊपर वाला रूप है और नीचे वाला भूप है ये क्या होते हैं ये तुक होते हैं याद रखिएगा लास्ट वर्ड के दोनों लाइन में रूप और भूप है ना बिल्कुल सेम सेम निकल रहे हैं तो ये होता है तुक होता है इसमें क्या होता है चरणों के अंत में एक जैसे वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं संस्कृत में तुक का महत्व तो नहीं है लेकिन तुक ही छंद का प्राण है यह भी याद रखना तो क्वेश्चन में आए कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्राण है किसका छंद प्राण है डॉट डॉट तो वो हो जाएगा, हो जाएगा जाएगा या बात आती है है दोस्तों आपके एग्जाम में केवल ये पूछता है कि कितने होते हैं ज्यादा नहीं आता है लेकिन अभी मैं बात करूंगा भाई मात्रिक और अर्ध छंद से जो क्वेश्चन बनते हैं यहां से ठीक है अब बात आती है गढ़ क्या है गढ़ दोस्तों संख्या क्या है आठ होती है तीन मात्रिक वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं गणों की संख्या आठ होती है इनके नाम और तीनों वर्णों के आदि मध्य और अंत में कहाँ लघु और कहाँ दीर्घ होगा इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र का स्मरण रखें गण की संख्या कितनी होती है आठ या माता राज भान भानस लगा अब मतलब यगड़ या से मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ ये क्या है सर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये क्या होते हैं सर ये होते हैं गढ़ होते हैं आपको केवल संख्या याद रखनी है टेंशन नहीं लेने का हम बात कर रहे हैं छंद की तो छंद में सबसे पहले आपको लघु मात्रा और गुरु मात्रा गिनना आना चाहिए गिनना आना चाहिए तो भैया हमें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है पूरा ज्ञान लेना है पूरी वीडियोस में हम कहते हैं सर लघु क्या है लघु दोस्तों होती है इसको हम कहते हैं है। क्या सर हसो भी कहते हैं छोटी मात्रा जिसमें होती है वो लघु होता है या छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री गुरु क्या होता है गुरु इस तरीके का सिंबल होता है और बड़ा आ ई ए, ए ए ओ औ ऊ और अनुस्वार मतलब जितने भी अंग आह की बात करते हैं ठीक है यह आपको कंफर्म हो गया यह मैंने क्यों बताया क्योंकि अभी मैं जब आपको एग्जांपल दूंगा तो मात्राएं गिननी पड़ेंगी क्यों क्योंकि भाई जब आपसे एक एग्जाम्पल पूछ लेता है एग्जाम में कहता है निम्नलिखित में से कौन दोहा है कौन सोरठा है तो भैया ये काम आता है ठीक है तो याद रखना है तो ए ओ औ में दो मात्राएं है होती हैं और इनमें सभी में कितने होते हैं चार अक्षर में केवल एक मात्रा होती है अभी बताऊंगा टेंशन मत लो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मातृिक छंद मात्रिक छंद जो होता है मैं यही पढ़ने वाला हूं अब अब मैं लय पे आया हूं अभी तक पूरा हमने आपको सिस्टमेटिक बताया कि यति गति और तुक से क्या क्वेश्चन होते हैं वो पूरा क्लियर हो गया गढ़ क्लियर हो गया बात करते हैं सम मात्रिक छंद अर्ध सम छंद विषम मात्रिक छंद तीन प्रकार के मातृिक छंद होते हैं जिसमें सम मात्रिक छंद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जिसकी ट्रिक है चारो गीत हर का। सम मात्रिक छंद सबसे पहले पढ़ते हैं फिर उसके बाद में अर्ध सममात्रिक छंद पढ़ेंगे तो सबसे पहले यार याद रखो कि चारो गीत हर गीतिका का मतलब क्या है तो मात्रिक छंद में पहला पार्ट है सम मात्रिक छंद सम मात्रिक छंद हम देखते हैं कि चारों गीत हरिगीतिका में मतलब यह है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सब मात्रिक छंद है और कौन सा नहीं है तो बस ये ट्रिक आपको वहां पर काम आएगी आपको पता रहेगा कि चारों गीत हर गीतका जो है सब मात्रिक छंद होते हैं तो कोई रोक नहीं सकता क्वेश्चन सही करने से अगर चारों गीत यानी चौपाई चारों से चौपाई रो से रोला गीत से गीतका और हर गीतका तो है अगर चारों गीत हर गीत गीतका हमारे दिमाग में है कि यह सब मात्रिक छंद है तो हमें कोई नहीं रोक सकता कि क्वेश्चन सही ना हो तो सिंपल सी बात है कि यह आपको याद रखनी होगी अब बात आती है चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं पहली बार हमेशा यही क्वेश्चन आता है हमेशा ही क्वेश्चन आया है पिछली बार भी आया रोला में कितनी मात्राएं होती हैं चौबीस होती हैं चौपाई में सोलह होती हैं गीतिका में होती हैं छब्बीस और हर गीतिका में होती हैं अट्ठाईस मात्राएं ये आपको लिख लेना है बहुत अच्छी तरीके से अब मैं आपको बताता हूँ कि मात्राओं को गिनते कैसे हैं चौपाई में क्या होता है ठीक है तो सम मात्रिक छंद में कौन कौन से आते हैं चौपाई आता है रोला आता है गीतिका यानी हरिगीतिका तो ये चीज़ें आपको याद हैं अब बात करते हैं सबसे पहले चौपाई की चौपाई की बात करते हैं हमने कहा मात्रिक समछंद है अगर आपसे पूछे कि चौपाई निम्नलिखित में से कैसा है तो आप कहोगे सर कैसा है सम मात्रिक छंद या मात्रिक समछंद हमने याद कैसे किया था चारों गीत हर गीत का यानी चौपाई रोला है पूछे रोला कैसा है सम मात्रिक हर गीत का गीत का पूछे कैसा है मात्रिक तो सबसे पहले चौपाई में चार चरण होते हैं प्रत्येक चरण की बात अगर हम करें तो सोलह सोलह लेकिन अगर हम बात करें चरण की बात छोड़ो हर लाइन में आपको सोलह सोलह मात्राएं गिन लेनी है मात्राएं गिनते हैं देखिएगा सूरज फिर से है मुस्काया मुस्काया कोयलिया ने गान सुनाया अब ये देखिएगा इसमें मात्राएं आपको गिननी है कि क्या एक लाइन में सोलह होती हैं क्या दूसरी लाइन में भी सोलह होती हैं तो भैया क्या होगा चौपाई होगा पक्का सूरज हमने कहा बड़ा है ऊ तो दो लेनी है दो इसमें छोटा है तो दो एक तीन तीन एक चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह सोलह अब कहोगे सर कैसे हो गया ये देखो बड़ा ओ है दो ले लिया था इसमें सर छोटा है एक ले लिया था इसमें 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 बड़ा है ए है ना बड़ा है दो ले लिया था इसमें भी बड़ा है मात्रा इसमें भी दो ले लिया इसमें छोटी मात्रा एक ले लिया इसका एक और इसका दो और इसका दो एक हो गया दो तीन हो गया चार पाँच हो गया छः हो गया सात आठ हो गया नौ दस हो गया ग्यारह हो गया बारह हो गया तेरह हो गया चौदह हो गया पंद्रह सोलह समझ में आ गया अब तो मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया यानी छोटी मात्रा में एक लेना है बड़ी मात्रा में बड़े डंडे में ए में आए या इसमें आए या इसमें आए या इसमें आए ये कैसी हैं ये सभी आपको दो लेनी दो का सिंबल कैसा होता है सर ऐसा होता है चलो सोलह इसमें मात्राएँ हो गई इसमें देखते हैं को बड़ा है दो ले लिया छोटा है एक ले लिया छोटा है एक ले लिया बड़ा है दो ले लिया डंडा है ना बड़ा है ए है ना दो ले लिया बड़ा है दो ले लिया ना छोटा है एक सु छोटा है एक ना बड़ा है दो और ये दो दो हो गया तो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह तो ये भी हम कह सकते हैं हमने कहा सोलह इसमें मात्राएं निकली सोलह इसमें मात्राएं निकली आंसर क्या हो जाएगा चौपाई हो जाएगा कैसा है सब मात्रिक छंदे कोई दिक्कत आई बात करते हैं नेक्स्ट रोला रोला कैसा है सर मात्रिक सम छंद मात्राएं कितनी है सर चौबीस मात्राएं चरण कितने सर प्रत्येक चरण में चौबीस इसमें भी चौबीस निकलनी चाहिए इसमें भी चौबीस निकलनी चाहिए गिनना आपको बताया है छोटे ऊ की मात्रा छोटा आ ये सब कोई दिक्कत मैटर नहीं करता इसमें एक मात्रा लेनी है अनुस्वार विसर्ग ये सब आपको दो मात्राएं लेनी है ठीक है चाहे ए हो छोटा चाहे बड़ा ए हो ओ हो छोटा चाहे बड़ा ओ हो दो मात्राएं लेनी है एक लाइन आपको गिन के बताते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा हमने कहा इस चरण में आपको चौबीस मात्राएं होनी चाहिए उठो उठो में क्या हो जाएगा बताओ उठो एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा बड़ी है दो मात्रा बड़ा है दो मात्रा और एक और ये छूट गया है यहाँ पर भी दो मात्रा यहाँ एक मात्रा यहाँ पर दो मात्रा यहाँ पर एक मात्रा यहाँ पर एक मात्रा छोटा है एक मात्रा छोटा है एक मात्रा ये बड़ा है दो मात्रा और ये त्यागो या में दो है और ता एक है मतलब तीन मात्रा हो जाएंगी मतलब कह सकते हो एक और दो और इसको हम कह सकते हैं दो तो हम कह सकते हैं एक दो तो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो हम कह सकते हैं चौबीस मात्राएं है। इसमें निकली इसी तरीके से चौबीस मात्राएं इसमें आप गिन सकते हो हरिगीतिका की बात करें सर नेक्स्ट है हमारा हरिगीतिका फिर चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक जहाँ से दोहा सोड़ से क्वेश्चन बनते हैं हरी गीतिका से क्वेश्चन क्या बनते हैं सर कहता है सबसे पहले कि कैसा है तो हमने कहा कि चारों गीत हरिगीत का ट्रिक बताई आपको तो आपका हो गया सममात्रिक छंद चरण कितने सर चरण में कितनी कितनी मात्रा है तो आपको कहना है अट्ठाईस तो आपको केवल अट्ठाइस रखनी है याद अब तो गिन तो लोगे पक्का ही पता है मुझे गिन लोगे कोई भी दिक्कत नहीं दो बार मैंने बता दिया आपको अब बात करते हैं मात्रिक छंद का दूसरा पार्ट है अर्धसामात्रिक यहीं से क्वेश्चन बनेगा इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है अर्ध साममात्रिक छंद क्या है अर्ध साममात्रिक में आपको याद रखना है दोहा सोरठा बरबे और उल्लाला, है ना दोहा सोरठा बरबे और उल्लाला, ये आपको याद रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से अब याद कैसे करोगे इसकी ट्रिक मेरे दिमाग में आ गई 200 रन बनाए 200 रन बनाए यानी 200 रन ठोक दिए और किससे ठोक दिए बल्ले से ठोक दिए बल्ले से ठोक दिए तो ये बताओ 200 रन रोहित शर्मा ने अगर बनाएंगे तो वो किससे बनाएंगे बल्ले से बा से और बल्ला लल्ला तो आप समझ रहे हो ना जब कहे आपसे चारों गीत हर गीत का कैसे हैं तो वो सम मात्रिक हैं दो रन बल्ले से वो हो जाएंगे अर्ध सम मात्रिक जिसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से दोहा दोहा कैसा छंद है और ऑप्शंस होंगे सम मात्रिक अर्धसम मात्रिक तो आप कैसे मारोगे तो आप मारोगे भैया ट्रिक से तो नीचे लिख ले लेना है ट्रिक में 200 रन बल्ले से कैसा है सर अर्धसम मात्रिक तो दोहा भी आपका अर्धसम्मात्रिक है सोरठा भी आपका अर्धसम मात्रिक है वरबे भी आपका अर्धस मात्रिक है और उल्लाला भी पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ दूसरा क्वेश्चन दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे चरण में होती हैं तेरह तेरह मात्राएँ दूसरे और चौथे चरण में होती हैं ग्यारह ग्यारह मात्राएँ सोरठा में ग्यारह 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 तेरह पहले और तीसरे चरण में सोरठा में ग्यारह तेरह मात्राएं ग्यारह मात्राएँ और दूसरे और चौथे चरण में सोरठा में तेरह तेरह मात्राएं मैं बताऊँगा अभी बरवे में बारह सात और उल्ला में पंद्रह तेरह अब दूसरा क्वेश्चन हो गया तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है ध्यान दीजिएगा कहता है दोहा में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो तेरह प्लस ग्यारह बराबर कितनी हो गई चौबीस और दोहा में तो भैया बराबर ही होंगे। तो आपसे कहते कुल मात्राएं तो आपको ग्यारह प्लस तेरह चौबीस ही अगर आपसे कह दे में कुल मात्राएं कितनी होती हैं तो बारह सात उन्नीस अगर आपसे कहे उल्लाला में कुल कितनी मात्राएं है होती हैं तो उल्लाला में पंद्रह प्लस तेरह पाँच तीन आठ और दो अट्ठाईस कोई दिक्कत है तो अगर कुल मात्राएं पूछे तो इतनी अगर प्रथम पद द्वितीय पद करके पूछे तो तेरह ग्यारह ग्यारह तेरह बारह सात और पंद्रह तेरह इस तरीके से मरना है अब बात करते हैं पहला पार्ट है इसमें दोहा दोहा कैसा है सर मा, मात्रिक मात्रिकर्धस छंद है यानी अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें पहले पद में यानी पहले और तीसरे पद में है तेरह तेरह मात्राएं और दूसरे और चौथे पद में है ग्यारह ग्यारह मात्राएं अब कैसे हम इसको पहचानेंगे हमने कहा था चरण की बात करें तो पहला चरण इतना होता है दूसरा चरण इतना होता है तीसरा चरण इतना होता है और चौथा चरण इतना होता है समझ गए तो पहला और तृतीय यानी ये और ये वाला जो चरण होता है इसमें तेरह तेरह मात्राएं आनी चाहिए और जो ये दूसरा और तीसरा चौथा चरण होता है इसमें कितनी कितनी मात्राएं आनी चाहिए इसमें ग्यारह ग्यारह मात्राएं आनी चाहिए यानी ये वाला जो चरण है इसमें तेरह मात्राएं ये वाले दोनों चरण हैं इसमें ग्यारह मात्राएं तो आपका क्या होगा सर दोहा हो जाएगा मेरी भववादाह हरो, आप कहोगे सर कैसे फटाफट देख लेते हैं एक दो तीन यहाँ पर यहाँ पर दो आएंगी मेरी एक ही मात्रा में दो 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 एक, एक बाधा दो दो एक इसमें भी दो इसमें भी दो धा में दो ना में दो गा में एक री में एक सो दो और ये में कितना है या है ना एक है गिनो दो दो चार पाँच छ ठीक है सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह अब देखो इस वाले चरण में कितनी हो गई सर तेरह हो गई अब इसमें गिन लो दो, दो चार दो छः सात आठ नौ दस ग्यारह अब हमने कन्फर्म बता दिया है कि इसमें अगर तेरह हो गई इसमें ग्यारह हो गई तो आगे में कितनी होंगी सर आगे में फिर तेरह होंगी और आगे में फिर ग्यारह होंगी तो कंफर्म हो गए आप कि पहले तीसरे चरण में आपकी होंगी तेरह दूसरे और चौथे चरण में आपकी होंगी ग्यारह यह क्या होता है सर दोहा होता है सोरठा सोरठा की बात करें एक या मात्रिक अर्ध छंद है उल्टा होता है बिल्कुल दोहा से पहले और तीसरे चरण में होती हैं ग्यारह ग्यारह दूसरे और चौथे चरण में होती हैं सर तेरह तेरह मात्राएं आपको गिन लेना है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप एक बार ट्राई करो गिनो वही वाला मेथड जो ऊपर बताया था लघु में कौन कौन सी गिननी है एक मात्रा गिननी है दीर्घ में कैसे कैसे गिननी है गुरु में दो मात्रा गिननी है ठीक है अब बात आती है नोट में में कि दोहा सोरठा का उल्टा होता है क्वेश्चन आपको लिख कर आ जाए कि सोरठा का उल्टा क्या होता है तो दोहा दोहा का उल्टा क्या होता है सोरठा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे विषम मात्रिक छंद में एक आपको पॉइंट बताते हैं विषम मात्रिक छंद में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कुंडलिया आता है कुंडलिया आपसे कहता है कुंडलिया आपसे क्वेश्चन में आएगा कि कुंडलिया निम्नलिखित में से किसका संयोग है यह क्वेश्चन आपसे पूछेगा और नीचे एग्जाम्पल ए बी सी डी दिया होगा तो कुंडलिया में आपको वही ऑप्शन लगाना है जिसमें दोहा प्लस रोला दिया हो दोहा प्लस रोला दिया हो ठीक है दोहा प्लस रोला दिया हो वो आपको कुंडलिया लगाना है बहुत ही बढ़िया है बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को देखो छप्पे में छप्पे में रोला और उल्लाला याद कैसे करोगे यू से उल्लाला और आर से रोला और छा से छप्पे यू आर छप्पे कैसे याद करोगे यू आर छप्पे जब एक दो बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा छप्पे बराबर क्या होता है रोला प्लस उल्लाला और कुंडलिया बराबर क्या होता है दोहा प्लस रोला होता है लास्ट में बता रहा हूं बनावट की बात एक बार फिर से बता रहा हूं कुंडलिया को विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया और

समातिक क्षण चारो हरिघी अगर आप क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर दोगे दस मिनट के अंदर में यह चैप्टर आपके मुट्ठी में सेट करने वाला हूं भैया तो आ जाते हैं मैदान में संधि को पढ़ते हैं और कोई भी आधन ई ऊधन ऐधन ए कुछ नहीं करने वाला हूं हमें कुछ नहीं पता समझ लो और संधि जिसके लिए कठिन है समझ लो बिल्कुल हलवा हो गई हम पहले पढ़ते हैं भाई संधि क्या है संधि को एक मिनट के लिए सुनो कि जिससे कोई भी क्वेश्चन अगर ऊपरी से पूछ लिया जाए तो भाई वो हम कर सके संधि दोस्तों होता है किन्ही दो वर्ण ये इंपॉर्टेंट है इस दो वर्ण को अपने अंडरलाइन कर लेना जब भी आप लिखना किन्ही दो वर्णों की आपस में मिलने से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं तो हम कह सकते हैं हमें दिमाग में केवल ये रखना है कि संधि जो होता है संधि बराबर होता है गाइज केवल दो वर्णों का मिलना ठीक है हर बहन हर ग्रहणी हर भाई का सिलेक्शन चाहता हूं इसलिए अधूरा ज्ञान नहीं लेना है अब बात आती है संधि कितने तो केवल बच्चा बच्चा कि स्वर कि संधि तो क्या है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं अब देखिए स्वर संधि जो है दोस्तों पांच प्रकार की होती है कितने प्रकार की इसी के नीचे आपको लिख लेना है पांच प्रकार की हम क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं पांचों में दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यड़ संधि और अयादि संधि तो भैया चलते हैं फुलटास है बिल्कुल अब देखो भाई हमारा ट्रिक का जलवा क्या है कि कोई भी नियम कोई भी रूल नहीं लगाना है क्वेश्चन आए क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए एक नैनो सेकेंड के अंदर अब जैसे दीर्घ संधि की बात करें जैसे आपके सामने आ जाता है यहां पर देवानंद और आपसे कहता है देवानंद में कौन सी संधि है अब बड़ा ही दिक्कत वाली बात या तो आपके ऑप्शन में होगा दीर्घ संधि या तो ऑप्शन में होगा यड़ संधि लेकिन पहचानेंगे कैसे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना हमें कोई भी आधन आ नहीं लगाना है ना तो आधन ई लगाना है हमें बस इतना देखना है कि दीर्घ मीन्स क्या होता है सर दीर्घ मीन्स होता है सर बड़ा यानी बड़ी ही चीज होगी बड़ी मात्रा याद रखना है बड़ी मात्रा बड़ा आ का डंडा या बड़ा ऊ केवल तीन चीजें याद रखनी है शब्दों के बीचों बीच में आ ई ऊ होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं कोई नया रूल नहीं जैसे ग्रीस बीच में ई आया देवानंद आ बड़ा का डंडा भानुदय ऊ का डंडा है ना ऊ का मात्रा और अधिक जानकारी के लिए थोड़ा सा और बताते हैं जिससे और क्लियर हो जाए जैसे धर्मार्थ धर्मार्थ स्वार्थी, बीच का भैया देखेंगे और देखेंगे कि क्या आ आ रहा है ई आ रहा है ऊ आ रहा है वो भी कैसा सर बड़ी बड़ा ठीक है ना बड़ी और बड़ा मात्रा होना चाहिए जैसे सर देवार्चना परीक्षार्थी सीमांत दिशांतर मुनीन्द्र बड़ी ई कपींद्र बड़ी ई गिरीश बड़ी ई और लक्ष्मी की बात करें योगेश्वर की बात करें भूषमा की बात करें भधूर्म की बात करें या फिर बधू उपकार की बात करें इसमें बड़ी ई आया इसमें भी बड़ी ई इसमें भी बड़ी ई इसमें, इसमें बड़ा आ इसमें बड़ा आ इसमें बड़ा आ और बड़ा आ भैया बड़ा आ बड़ा आ समझ रहे हो ना ये चीजें क्या हैं सर ये सभी दीर्घ संधि की बात करती हैं चाहे ग्रीस का ले लो बीज का अच्छर री की बात करेगा आ की बात करेगा भान में ऊ की बात करेगा तो हमें क्या देखना है मात्रा देखनी है और आंसर लगाना है कुछ नहीं करना है समझ रहे ना चलू आगे अब कहोगे जिंदगी में ना तो कोई क्वेश्चन दीर्घ संधि से आएगा गलत होगा और ना क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे हर क्वेश्चन होगा धुआं धुआं धुआ। बात करेंगे सर गुड़ संधि संधि की बात करेंगे गुड़ संधि में क्या होता है ट्रिक हमारी थोड़ी सी बदली है कोई नया रूल नहीं ट्रिक हमारी थोड़ी सी बदली है कहता है शब्द के बीचों बीच रहेगा बीच में ही याद रखना शब्द के बीचों बीच में या तो ए आएगा एक मात्रा ओनली एक या तो ओ आएगा केवल एक मात्रा ऊपर अब आपको कैसे देखनी है केवल ऊपर एक मात्रा देखनी है या तो ये वाली या तो ये वाली कैसे सर ट्रिक है बहुत ही जबरदस्त जैसे अगर आपसे क्वेश्चन में यह आ जाए कि सहोदर सहोदर में कौन सी संधि है अब आपके पास ऑप्शन होंगे दीर्घ संधि लगाऊं या सर यड़ संधि लगाऊं या सर गुण संधि लगाऊं तो अभी तो मैं बता रहा हूं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हो लेकिन अब तो नहीं भूलोगे ना दीर्घ में क्या मतलब था दीर्घ में सब चीज बड़ी थी और यहां पर बड़ा थोड़ी ना है यहां पर तो सर बीच वाले की बात हो रही यानी ए ओ है ना ये भी हमसे नहीं कह रहा बड़ा ए है हमसे ये कह रहा एक मात्रा ये है और एक मात्रा ओ की है ठीक है अंतिम वर्ण में अर की मात्रा अंतिम वर्ण में आपको ऋषि की मात्रा और याद रखनी यहां पर ऋषि और लिख लेना बीच में ग़ैप हो गया है अंतिम वर्ण में क्या होगा ऋषि की मात्रा और होगी जैसे हम कोई चीज नहीं लिखते जिसमें रा उड़ा देते हैं ऊपर वाला अब देखो सुरेंद्र में कौन सा है सर बीचों बीच में ए आया तो सुरेंद्र में ऊपर की मात्रा ए सहोदर की बात करें तो सहोदर में यह वाला आया ऊपर में केवल एक मात्रा तो हमें ऊपर वाला अच्छा आप इसको काट दो नीचे वाले को ऊपर देखो एक एक मात्रा दिख रही तो एक मात्रा आया तुरंत मारा गुड संधि एक मात्रा आया तुरंत मारा, मारा गुड संधि और हमने कहा ऋषि और लिख लेना है देवर्षि में आपको री ऊपर मात्रा एक इसमें भी ऊपर मात्रा एक तो आपको केवल देखना यह है कि डंडे के ऊपर कितनी मात्राएं हैं और डंडे के ऊपर एक मात्राएं वाली सर गुण संधि होगी चलो थोड़ा सा अधिक जानकारी के लिए और ट्राई कर लेते हैं। सोमेश बीच में देखो एक मात्रा कमलेश बीच में देखो एक मात्रा रमेंद्र बीच में देखो एक मात्रा महेंद्र बीच में देखो एक मात्रा उमेश बीच में देखो एक मात्रा राकेश ऊपर देखो भैया बीच में एक मात्रा बीरोचित ओ की मात्रा मतलब है तो एक ही मात्रा परोपकार एक ही मात्रा ऊपर देखो ओ की मात्रा मतलब एक ही डंडा के ऊपर तो एक ही मात्रा है जलोर्मी ये देखो एक मात्रा ये देखो एक मात्रा महोत्सव ये देखो एक मात्रा देवर्ष में रिऋषि यानी एक मात्रा ऊपर डंडे के आप कहोगे जिसमें ऊपर डंडे में एक मात्रा वही संधि है जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एक भी नैनो सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगने वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है यड़ संधि यड़ संधि तो इतना सिंपल है कि सर आप कहोगे कि क्या बात है मजा आ गया यड़ संधि सर कह रहा है शब्दों के बीचों बीच आना है सर शब्दों के बीच में भागना कहीं नहीं है शब्दों के बीचों बीच हमने पूरी श्रृंखला आपको फ्री आप कास्ट एक भी आपका पैसा जेब से मैं नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बस एक चीज की अभिलाषा है प्यार की और आपके सेलेक्शन की सबसे पहले आपका सलेक्शन मुझे चाहिए और वो हमें ताल ठोंक के आपको देना पड़ेगा जल्दी से सलेक्शन मुझे दीजिएगा इसलिए सारी श्रृंखला ट्रिकी पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा इसलिए पूरा ये चैप्टर वगैरह एक कॉपी बना लीजिएगा जिससे कभी किताब ना उठानी पड़े ना ही कोई वीडियो उठानी पड़े बार बार उठाने से बार बार पढ़ने से वही चीजें आपका समय ज्यादा नष्ट होगा इसलिए अपना नोट्स याद रखना संधि देखो एक सेकेंड नहीं लगेगा आपको याद हो जाएगा जब भी कहे सर शब्दों के बीचों बीच में या वा वाह भी और लिख लेना रा से पहले आधा वर्ड आए अथवा बीचो बीच त्रा हो तो यड़ संधि होगी अच्छा सर इसमें कोई रूल है क्या नहीं ना तो इसको भी मार दो गोली इसको भी मार दो लेकिन लिखना है ये ट्रिक है ये लिखना है जैसे पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है जैसे अत्याचार में या आया है उसके ऊपर कह रहा है आधा वर्ड होता है अत्याचार में या के ऊपर आधा वर्ड हो बाघ के ऊपर आधा वर्ड हो रा के ऊपर आधा वर्ड हो वहां यड़ संधि होगी या के ऊपर आधा है ता या के ऊपर आधा है बा, या के ऊपर आधा है भा कन्फर्म हो गया तो संधि है। अब मेरी क्या ट्रिक एक और दूसरी ट्रिक समझ लो जो भी वर्ड आपको बीच वाला वर्ड क्या हो अपूर्ण हो अधूरा हो वो समझ लो आप यड़संधि तार ठोंक के लगा के चले आना कैसे हमने दोनों ट्रिके आपको बता दी या के ऊपर आधा वर्ड या के ऊपर आधा वर्ड यज्ञ के ऊपर आधा वर्ड वक के ऊपर आधा वर्ड और त्रा तो हमारा है ही ये ट्रिक आपकी हो गई हमने कहा कि आधा वर्ड आपको बीचों बीच में मिल जाए आप तुरंत मार देना यड़ संधि देख लो भैया त्रा आपको त्रा कहाँ आधा होता है? तो पूरा है अरे भैया ये त्रा को ताधन रा नहीं लिखते हैं ये भी तो ता आधा है आधा रा है तो ये भी क्या है सर पित्रादेश है समझ रहे ना एक और लेते हैं मात्रादेश, ये मा, ये बहुत आते हैं तीनों पित्रादेश मात्रादेश मात्राज्ञ या मात्राज्ञा ये आपको तीन वर्ड बहुत एग्जाम में स्वागत तो बहुत बार पूछा गया है अब देखो जिंदगी में आप स्वागत को भूल पाओगे अब आप कहोगे कि सर स्वागत तो बहुत सरल था मैं तो बहुत भूल रहा था स्वागत अरे सर इसमें तो वाह में आधा आ गया या अधूरा कोई वर्ड है ना तो वो यड़ संधि होगा समझ लो एक सेकेंड के अंतर्गत आपने उड़ा दिया अब बात करते हैं सर वृद्धि संधि की वृद्धि संधि की बात करेंगे तो दिमाग में ये रखना हमने कहा था सर दीर्घ संधि में आपकी बड़ी मात्रा होनी चाहिए चाहे आ की हो चाहे ई की हो चाहे ओ की हो हमने कहा कि भैया यड़ की बात करी तो आधा वर्ड हमने कहा सर वृद्धि की बात करी तो अब हम देखेंगे लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वृद्धि में वृद्धि में बात कर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा जो मैंने ऊपर आपको बताया था ना गुड़ में गुड़ में केवल एक मात्रा थी डंडे के ऊपर एक मात्रा थी लेकिन गुड़ से हम आ गए हैं वृद्धि पर तो ये बताओ वृद्धि का मतलब होता है बूढ़ा बूढ़ा हो चुका है तो मात्राएं बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़ेगा अब की बार ओ आएगा और अब की बार बड़ी ए आएगी यानी दो मात्राएं अब वृद्धि संधि में देखना कभी आपका गलत नहीं होगा जैसे अगर आपको महोसत दे दी जाती थी तो आपसे ये कहता था कि इसमें सर दीर्घ है ऑप्शन में वृद्धि है या ऑप्शन में यड़ है आप परेशान हो जाते थे लेकिन अब आपको क्या करना हमने कहा वृद्धि है तो बूढ़ा हो गया है तो मात्राएं ज्यादा होंगी या कम होंगी आपने कहा सर कम नहीं ज्यादा ही होगी तो आपको इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना ये छोड़ो ऊपर देखो कितनी मात्राएं निकली थी यहाँ के हमने कहा ओ लिखा था हमने कहा ओ को काट दो नीचे से ऊपर कितनी मात्राएं थी दो हमने कहा सर ए लिखा था ए ऐसे लिख लिया हमने कहा ऊपर कितनी मात्राएं थी सर दो तो हमने कहा कि सदैव काटो सदैव के ऊपर दो मात्राएं हैं भैया हो गई वृद्धि महोषि काटो हैं भैया हो गई वृद्धि एक ऊपर दो मात्राएं हो गई वृद्धि लोकसड़ा में दो मात्राएं हैं मतैक्य में दो मात्राएं हैं धनेश्वर में दो मात्राएं हैं महेश्वर में दो मात्राएं हैं रामेश्वर में दो मात्राएं हैं और बनौषधि दंत्योष्ठ में दो मात्राएं हैं अब कैसे भैया बीचों बीच में अगर दो मात्राओं की बात हो तो भैया ये क्या है सर ये क्या है ये क्या है सर ये सर क्या है ये सर वृद्धि संधि के उदाहरण हैं एक विट सेकंड में आप आंसर क्लिक कर दोगे वादा है आप आपसे हमारा ठीक है याद रखिएगा वादा करना पड़ेगा क्वेश्चंस नहीं गलत होना पड़ेगा ये भी इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए आपको भी करना पड़ेगा वादा बात करते हैं अगले पॉइंट की हो गया क्लियर सारे क्वेश्चंस को, को सारे सारे पॉइंट को आपको नोट कर लेना है अब बात करते हैं हैं हम हम और लास्ट पॉइंट सर सर कैसे सर, इसको हम देखें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि भैया संधि जो है ना ये कैसे हम देखें आयाद संधि को देखने के लिए भैया कोई बहुत ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है इसमें तो इतना सरल है कि देखते ही खन भैया आंसर मार दो हमने कहा है आपसे हमने वादा किया है कि ना तो कोई नियम पढ़ाऊंगा बिना नियम के हम चीजों को देखने वाले हैं अयादि संधि में क्या है शब्दों के बीचों बीच आनी भैया बीचों ही बीच में है या वाह हो पहले देखो यारा ला यारा वाह होता था तो उसपे कहते थे कि आधा वर्ड हो सकता है कोई भी तो वो हमारा यड़ संधि होगा लेकिन यहां तो दो ट्रिक बताऊंगा दोनों में से जो पसंद आए वो आप ले लेना अयादि संधि में अयादि में कितने अक्षर हैं अयादि में तीन अक्षर हैं यादी में तीन अक्षर अच्छा है ना और आयादी में तीन अक्षर अच्छा है तो दोस्तों आयादी संधि में हमेशा जो पूछी जाती है वो निन्यानवे परसेंट तीन अक्षर वाली ही आती है तीन अक्षर वाली समझ लो सारे तीन अक्षर वाले पहली बात क्या होते हैं सर आयादी होते हैं एक परसेंट आपका गलत आंसर हो सकता है उसके लिए मैं बता रहा हूं एक परसेंट आपका आंसर गलत हो सकता है उसके लिए मैं बता रहा हूं जैसे शब्दों के बीच में या और बा या आ जाए बीच में बा आ जाए बीच में या 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 आ जाए बीच में बा आ जाए बीच में और ले लेते हैं भैया पावन ले लेते हैं ठीक है पावक ले लेते हैं श्रवण ले लेते हैं श्रवण ले लेते हैं ये श्रवण भी पूछा गया है काफी बार भवन ले लेते हैं भवन ठीक है गायन ले लेते हैं गायन गायक हो गया गायन ले लेते हैं कैसे हैं सर ये सर आपके कैसे हैं ये सर आपके वैसे ही हैं भावुक ले लो बहुत बार पूछा गया है सर भावुक ले लो ये सर कैसे हैं भावुक हो गया गायिका हो गया नायिका हो गया नायिका साइका गायक ये सब तीन अक्षर के हैं तीन अक्षर वाले सभी आपके अयाद ही होते हैं और उनके बीच में या और बा या आ गया बा आ गया या आ गया या आ गया या आ गया या आ गया, या आ गया और बा आ गया सर कहोगे सर क्या कर रहे हैं जी सर क्वेश्चन का धुआं निकाल रहे हैं कि तत्सम और तद्भव जान तो लो फिर चलते हैं ना ट्रिक पर सिंपल सी बात है सर तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि तत्सम तद्भव में अंतर क्या है और इसकी पहली हेडिंग होगी हमारे स्क्रीन पर तत्सम क्या होते हैं तो याद रखिएगा कि तत्सम वो शब्द होते हैं कहा जाए कि तत् धन सम अर्थात शब्द का अर्थ है तत्मीन्स उसके और सम मींस समान अर्थात उसके समान किसके समान बोले बोले संस्कृत के समान जो शब्द कहलाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं आप सभी जानते हो संस्कृत में कैसे शब्द यूज होते हैं तो आप कहोगे सर शुद्ध शब्द यूज होते हैं और हम ये कहेंगे कि यानी संस्कृत आप सभी ये भी जानते हो कि दैवीय भाषा है देवों की भाषा है जननी है सभी भाषाओं की सभी भाषाओं की जननी के साथ साथ इसमें होने वाले प्रयोग शब्द शुद्ध शब्द होते हैं जैसे अग्नि वायु सूर्य पुत्र अब मतलब क्या है जैसे अगर मैं कह दूं कि अग्नि का तद्भव विकृत रूप क्या होगा तो आप कह दोगे कि आग होगा चलो ठीक है कुछ नहीं याद करना ट्रिक पर चलेंगे लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि भाई तद्भव क्या होता है जिसमें बड़े बच्चे परेशान रहते हैं कि शुद्ध कौन है अशुद्ध कौन है तो दो लाइन के बाद हम चलेंगे अपनी गजब की ट्रिक पर और कह रहा है तद्भो शब्द कौन से होते तद धन भव यानी तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से निकले हुए हैं हम आसानी से कह सकते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत के विकृत शब्द हैं सिंपल सी बात समझिएगा विकृत शब्द हैं अगर याद ना रहे तो तद्भव को अपन उद्भव भी कह सकते हैं तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से उद्भव हुए हैं यानी बने हुए हैं जिनका स्वरूप वास्तविक रूप से कुछ बदल गया है वही दोस्तों तद्भव कहलाते हैं यानी जैसे अगर बात करें शब्द आग एक तद्भव होगा और शुद्ध शब्द अग्नि था तो अग्नि शब्द से बदलकर हम आम बोलचाल चाल में हम लोग क्या कहने लगे आग कहने लगे कर्पूर शुद्ध शब्द संस्कृत का था यानी तत्सम था इसको हमने बदलकर कपूर कहने लगे यानी सिंपल सी भाषा क्या दिख रही है तद्भव शब्द जो होता है वो अशुद्ध होता है और तत्सम होता है लगभग कह सकते हैं शुद्ध शब्द होता है सिंपल सी बात समझ गए सिंपल सी देसी भाषा में समझ गए होंगे यानी विकृत शब्द तद्भव कहलाता है अब चलेंगे एक नैनो सेकेंड में आंसर देखेंगे कि कैसे लगा सकते हो सबसे पहले हम चार पॉइंट पांच पॉइंट पर डिस्कस करेंगे और आंसर चुटकी में खत्म करेंगे ठीक है याद रखिएगा तो तत्सम तद्भव के भैया जी पॉइंट क्या है ट्रिक क्या है एक शब्द मैंने नहीं बोला था मैंने कहा एक वर्ण की भैया ट्रिक है छोटा अक्षर अच्छा आप पहचान लो केवल वही ट्रिक है और कोई यहाँ पर अक्षर पहचानने की जरूरत नहीं है लास्ट में अपन पांच क्वेश्चन भी लगा लेंगे काहे दिक्कत की है कौन सी दिक्कत है भैया जी तो यहां पर देखिएगा तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक क्या है तो ये पांच नहीं बल्कि छह सात होंगी छह सात वर्ण ही है केवल उनको केवल आपको लिख लेना है जैसे तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्दों का प्रयोग होता है केवल अभी आपको देखना है अभी मैं आपको यहां पर प्रयोग करके दिखा दूंगा और आप कहोगे सर कोई भी सौ परसेंट में सौ परसेंट आपका आंसर लगेगा अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम शब्दों में सरा का प्रयोग होता है जो आप सरा की बात नहीं करते हो संयुक्त व्यंजन की बात करते हो तो वहां पर अगर हम बात करें सरा का प्रयोग होता है और शब्दों की बात करें तद्भव में आपका सा है यानी अगर क्वेश्चन में अगर कहे निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है तो हमेशा याद रखना है तत्सम में हमेशा श्रा होता है और तद्भव में हमेशा सा होता है तीसरी ट्रिक यह है कि तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है ऐसे वाले सा का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में सीटी वाले सा का प्रयोग होता है तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं अभी मैं जब प्रयोग करूंगा तो आपकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह जाएंगी अब हम बात करते हैं चौथी अपनी जबरदस्त जब गोल्डन ट्रिक की बात करें कि तत्सम शब्दों में हमेशा खटकोण वाले सा का प्रयोग होता है यानी तीन प्रकार के सा मैंने बताया कि एक सा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है इस सा का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है और इस सा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है ठीक है री का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है और तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है यानी हम कह सकते हैं तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है और ये वाला री होता है ये दोस्तों इसमें होता है अभी खुद मैं करूंगा प्रयोग तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है जबकि तद्भव शब्दों में वा का प्रयोग होता है यानी ये वा वट है और ये है आपका बादल वाला ये बादल ही वाला है या बरगद वाला है तो ये आपको सात गोल्डन ट्रिक है एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा मजा आ जाएगा अब चलता हूं मजेदार की चीजों पर आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा दिया आपने समझिएगा तो आपने ले ली होगी यहां पर स्क्रीन शॉट आप बस इतना याद रखना है याद कुछ नहीं रखना वहां पर भी मैं लिखा हुआ आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें ठीक है हाँ जी तो देखिएगा सबसे पहले अगर हम बात करें हैं कि अगर भैया जी भूल जाते हैं तत्सम और तद्भव पहचानने की ट्रिक भूल जाते हैं हमने अभी सात गोल्डन वर्ड आपको बताए हैं तो इसमें अब वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है छा की बात करें तो छा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है यही तो मैंने अभी आपको बताया कि क्षत्रिय वाले छा की बात करें तो हमेशा आपको प्रयोग तत्सम में करना है जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको निम्नलिखित में से आपका तत्सम बताना है तो हमेशा ऐसा ऑप्शन देना ए बी सी डी में से जिसमें अगर छा छत्रीय मिले वो आंख बंद करके लगा देना जैसे छत्री छत्रीय लक्ष्य नक्षत्र ये कहीं भी आपको छा मिल जाए चाहे स्टार्टिंग में मिल जाए चाहे आपको कहीं भी मिल जाए तो आपको छा वर्ड ढूंढना है तत्सम लगा देना है दूसरे में और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जैसे हमेशा मैंने ऊपर अभी दूसरे वाले गोल्डन ट्रिक में बताया था कि हमेशा सा का प्रयोग जो होता है वो होता है तत्सम में और तदबों का प्रयोग होता है सा सीटी वाला यही तो बताकर अभी आए हैं आपको नीचे तो कैसे प्रयोग करेंगे आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे आते हैं जैसे जैसे श्यामल शब्द अगर पूछा जाए आपसे तो तत्सम होगा क्योंकि सा है आपका ऐसा जैसे ससुर में आपका स्वसुर ऐसे ही तो लिखा जाता है वो आपको सरा नहीं है स्वा ही बना है ये वाला सा बना है वहां पर आधा ठीक है तो वो भी तत्सम में है जैसे साख की बात करें तो साख हमेशा होता है दोस्तों ऐसा वाला सा होता है ये भी आपका क्या होता है तत्सम होता है और सुख की बात करें सुख मने होता है सुआ यानी हम तोता कह सकते हैं तो हमेशा सा वाला ऐसा होता है जिसका मतलब होता है तत्सम अब कहोगे क्वेश्चन में अगर ये आ जाए कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है तो उसमें आप हंड्रेड परसेंट आंख बंद करके लगा देना कि भैया जी सा वाला ऐसा ही है और अगर आपसे पूछे कि तदबो शब्द है तो आपको कहोगे कि, कि सर ने तो बताया था कि ऐसा अगर सा आएगा तो वो तदबो होगा यानी ये वाला हमें तदबो लगा देना है अगर क्वेश्चन में आए कि भैया जी ससुर का यहां पर तदबो बता दीजिएगा तो ससुर का यहां पर क्या हो जाएगा अगर ऐसा सा है तो बदल कर दोस्तों ऐसा सा हो जाएगा क्योंकि यहां पर तत्सम ऐसा था और बदल कर हो गया तदबो ऐसा ठीक है तो यानी श्यामल का हो जाता है सामला और ससुर का हो जाता है ऐसा सा हो जाता है इधर सा अलग है इधर सा अलग हो गया सुख का इधर सा अलग है इधर सा अलग होकर सुहा हो गया सिंपल सी बात है मजा आएगा दोस्तों और क्वेश्चन ट्रिक नंबर थ्री देखिएगा मजा आएगा एकदम से एक लाइन की भी ट्रिक नहीं है वर्ण की बात कर रहा हूं तत्सम में मैंने अभी नीचे आपको गोल्डन वर्ड की ट्रिक में बताया था कि हमने कहा था वाह एक है और एक वाह है एक वर्गद है एक है वट है हमने आपसे कहा था कि अभी आपसे कहा कि शब्द का हमेशा प्रयोग वट वाले का तत्सम में होगा और बा वाले का यानी बकरी वाले का हमेशा तद्भव में होगा कैसे कि जब आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से तत्सम कौन सा है तो हमेशा आपको बा वाले वाह वट वाले शब्द वाले में कैसे लगा देना है वही आपका तत्सम होगा वही शुद्ध शब्द शब्द होगा वही संस्कृत वाला शब्द होगा कैसे कि वणिक का क्या होता है तो वणिक में बनिया हो जाता है यानी वा वट से आप बा बाकरी बन गया वर्षा का वाह वट से आपका वरसात तो हो गया वर यात्रा से वर यात्रा का वरात तो हो गया यानी वाह वट से आपका बा बकरी बन गया विवाह का वाह वट था तो यहां पर ब्याह होकर बा बकरी बन गया और विद्युत में वाह वट था तो यहां बिजली होकर वाह वट बरगद बकरी बन गया सिंपल सी बात है यार आप समझ रहे ना सारे वर्ल्ड में आप ये देख रहे हो ट्रिक में क्या है कि वट है और तदवो में आते आते वो क्या हो गया बकरी बन गया यानी वाह हो गया भैया पेट फटा वाला बकरी तो पेट फटा वाला बकरी जो होता है वो कहीं ना कहीं तदवो होगा और जो शुद्ध शब्द की बात करे वो तत्सम होगा यानी बकरी की बात नहीं होगी यहां पर और यहां पर बकरी होगी तो विकृत शब्द होगा तदवो होगा यार इससे सिंपल मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है ब्रह्मांड में और याद रखना मेरे भाई सबसे बेस्ट है अच्छी ट्रिक है और केवल हम बात करेंगे भी क्वेश्चन की तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा जबरदस्त तो मज़ा आ रहा हो ना एक बार ठोक के सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप हमारा परिवार हैं यहाँ पर कभी भी पैड कोर्सेज एक भी डिमांड नहीं कर खरी जाती है पैसे की याद रखिएगा यू आर ग्रेट यू आर यूनिक कभी भी अपने से तुलना मत करना किसी को अगर अपने से आपने तुलना कर दी कि तुमसे बेटर कोई और है तो समझ लीजिए तुम मर चुके हो उस दिन से क्योंकि तुमसे बेटर कोई है ही नहीं सलाह याद रखिएगा तुम में जो है यार वो किसी में नहीं है तुम समझ ही नहीं रहे हो अपने अंदर की जो क्या पावर है हर बंदे को भगवान ने अलग बनाया है और ट्रिक की बात करें फोर की बात करें दोस्तों तो यहां पर ट्रिक नंबर फोर है गोल्डन ट्रिक है कह रहा है री शब्द का प्रयोग हमेशा तत्सम में ही होता है जैसे श्रृंगार का होता है श्रृंगार अगर क्वेश्चन में आए कि भैया तत्सम निम्नलिखित में से बताओ कौन सा हो या निम्नलिखित में से श्रृंगार का तत्सम क्या होगा तो श्रृंगार तो भैया तदबो तत्सम है ही इसका तदबो क्या हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा और अगर आपसे कहते श्रृंगार का जो है तत्सम क्या होगा तो आपको पता ही है पहले से कि री है हमारा तत्सम हो जाता है तो री का हो जाएगा श्रृंगार सिंपल सी बात है बस श्रृंगार लिखना आपको ऐसे है एक ही बनता है यही याद रखिएगा और यहां पर पूछ रहा है घृत का भैया क्या होता है घी हो जाता है हमेशा आपको री बता रहा है ये री लगता है ना ये री नीचे वाला यही तो नीचे लगा है सभी में री यानी आपको ये गोल्डन ट्रिक याद रखनी है कि तत्सम में हमेशा री लगेगी और तद्भव में हमेशा री नहीं लगेगी क्लियर तो मृतिका का हो जाएगा मिही हो जाएगा और घृत का हो जाएगा घी हो जाएगा अब बात करते हैं लास्ट की बात करें तो भैया जी ये बताएगा कि पांचवा जो है हमारा ट्रिक है कि विसर्ग वाले शब्द हमेशा चाहे जो आपको मिल जाए विसर्ग लगी हो जिसमें जैसे सुखाहा तो विसर्ग लगी है तो समझ लेना कोई भी वर्ड मिल जाए तो विसर्ग लगी है वो शुद्ध शब्द होता है तत्सम होता है संस्कृत का सीधा निकला शब्द होता है याद रख लेना अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक ठोक देना और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो अब हम चलते हैं पांच क्वेश्चन देख लेते हैं वीडियो खत्म करते हैं ठीक है इससे पहले समाज की वीडियो संधि की वीडियो हमने कहा था यड संधि दीर्घ संधि नीचे आपको लिंक मिल जाएगी और हमने आपसे कहा था कि लाखों बच्चों बच्चे देख चुके उसको एक सेकेंड नहीं नैनो सेकंड में पहचान लेते संधि को को एक डंडा एक देखकर पहचान लेते हैं और कम से कम एक नैनो सेकंड में तो पांच क्वेश्चन कर दोगे सेकंड की तो बात छोड़ो यार देखते ही आंसर लगाओ फिलहाल अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की श्रृंखला में तो चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में केवल हमने पांच क्वेश्चन लिए हैं जरा ध्यान दीजिएगा और बाद बाकी अपना कोई प्रैक्टिस सेट लगा लेना नहीं तो हम पचास क्वेश्चन अलग अलग से हर चैप्टर के करा देंगे अगर आप नीचे बोलोगे बात कर रहे हैं संबंधित प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि भैया जी निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है तद्भव का मतलब होता है तत्सम शब्द का विकृत रूप यानी तद्भव का मतलब होता है थोड़ा सा अशुद्ध शब्द एक देसी भाषा में कहा जाए तद्भव का मतलब होता है जो विकृत शब्द है यानी देखे तो सुख आप कहोगे कि सर इसमें से हम तद्भव कैसे पहचाने तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी कि आप वाह वट जो है हमेशा तत्सम में यूज करते थे जबकि वा बकरी तद्भव में यूज करते थे तो यहां पर देखो वाह वट है यानी ये तत्सम में होगा तो ये नहीं होगा आप हमेशा सा सीटी वाला ये करते थे तत्सम तत्सम में कर तद्भव में करते थे और ये वाला करते थे आप तत्सम में करते थे तो ये तत्सम का है तो यानी ये भी तत्सम का है तो ये भी नहीं होगा हमसे तो पूछा है तद्भव ना आप हमेशा कपूर करते थे तदबों में लेकिन कर्पूर तो करते नहीं थे तो ये नहीं होगा आपको याद है क्या आपने वक्री वाले को हमेशा वर्षा को बरसात कर दिया था तो वक्री वाले को हमेशा आपने तदबों में यूज किया था तो यही तो हो जाएगा आंसर जो शब्द सीधे संस्कृत से प्रयोग में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उन्हें दोस्तों कहते हैं तत्सम कहते हैं यानी सिंपल सी बात है कतई लगाना ही नहीं और जो शब्द संस्कृत से उद्भव हुए हैं यानी उद्भव का मतलब तद्भव उद्भव का मतलब तद्भव ऐसे याद कर लो उद्भव तद्भव बोले उद्भव तो तद्भव तो यानी कहीं ना कहीं संस्कृत के विकृत रूप है वो तद्भव कहलाए अब बात करते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है अब तत्सम के लिए आपको सभी याद रखने हैं कि हमेशा आपका वाह वट होता था हमेशा आपका सा ऐसा वाला होता था तत्सम में हमेशा आपका क्या होता था हमेशा आपका छत्रिय होता था है ना और हमेशा आपका क्या होता था आप ये वाला भी कह देते थे कभी कभी तो कहीं ना कहीं इसमें देखो ये वा बकरी वाला है गलत हो गया कर्पूर है कर्पूर होना चाहिए था गलत हो गया बंदर है बकरी वाला है गलत यही तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सुख के साथ चला जाएगा भैया जी तत्सम हो जाएगा है ना तो तत्सम पूछा था एक और लेते हैं अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है आपकी पूछता है नहीं है ध्यान दीजिएगा

और एक सा ये वाला तो ये सा वाला देखो यहां पर तत्सम लगाया था तो ये आंसर था और यहां पर नहीं है तो भैया सांबला हो जाएगा क्योंकि यहां पर ऐसे वाले सभी जो है तदबो होते हैं तो आंसर क्या चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा अब बताओ कोई दिक्कत है एक नैनो सेकेंड कर... संज्ञा सर्वनाम और विशेषण अब्य से क्वेश्चन बहुत बनते हैं तो पांच मिनट के अंदर ये वाला पार्ट पांच से दस नंबर का होता है खत्म कर लेते हैं संज्ञा किसे कहा जाता है कितने भेद होते हैं उससे पहले जानने से पहले हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष्य और अब्बे को हम जान लेते हैं संज्ञा किसी व्यक्ति स्थान वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है इंग्लिश में अगर बोले तो नाउ निज़ा नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है हमारा आपका किसी देश का नाम हो सकता है इंडिया अमेरिका जापान किसी पर्वत का नाम हो सकता है माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा किसी भी नदी का नाम हो सकता है मतलब पर्टिकुलर नेम हो या किसी जाति का बोध कराए कहीं भी कुछ भी हो स्थान का नेम हो तो वो क्या होता है संज्ञा कहलाता है सर्वनाम क्या होता है फर्क क्या होता है कि शब्द सर्वनाम कहलाते जिन्हें संज्ञा के स्थान पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट इतना पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं यानी प्लेस ऑफ नाउन प्लेस ऑफ नाउन का मतलब है जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं वो कौन से हैं सर्वनाम है जैसे पिताजी ने राजू से कहा कि तुम अपनी कमीज क्यों नहीं पहनते तो पिताजी ने राजू से कहा राजू के लिए एक शब्द यूज हो रहा है तुम तुम तुम्हारा मैं आप तुम जितने भी वर्ड होते हैं ना जैसे हमारे लिए क्या शब्द यूज हो सकते हैं जैसे मैं हो सकता है अगर आप मुझे बोलोगे तो तुम बोलोगे या आप मुझे बोलोगे तो आप बोलोगे है ना आप अपना तुम तुम्हारा मैं उसे हम इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं अगर किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं तो वो सर्वनाम होते हैं ठीक है ना यहां तुम सर्वनाम है क्योंकि इसका प्रयोग राजू के लिए किया गया है राजू नाउन है नाउन की जगह पर अगर कोई चीज आएगी तो वो सर्वनाम होगा ठीक है ना जैसे रमेश अच्छा लड़का है वह ईमानदार भी है तो जो वह आया है ना यह है वह है क्या है ये सर्वनाम है किसके लिए आया रमेश के लिए विशेषण देखेगा एडजेक्टिव संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले अभी संज्ञा की जगह अगर आता है कोई भी तो वो सर्वनाम आता है संज्ञा सर्वनाम की दोनों की अगर विशेषता बताता है तो वो विशेषण कहलाता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता अगर बताता है तो वो विशेषण कहलाता है विशेषण द्वारा जिस संज्ञा सर्वनाम की की विशेषता प्रकट जाती है उसे विशेष एग्जाम में यानी विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें क्या कहते हैं विशेष कहा जाता है पीला कपड़ा तो कपड़ा कैसा है पीला है मोटा लड़का लड़का कैसा है मोटा है पांच पंच तो पंच कितने हैं तो मैं यह कह सकता हूं कि जब भी आपसे जैसे कहा कि वह है काला है तो इसकी विशेषता क्या है इसकी विशेषता है कि यह सर्वनाम है यह काला है वह है काला है रामू काल रामू जो है गोरा है गोरा है तो रामू की विशेषता क्या है कि वह गोरा है तो यह विशेषण हो गया यह नाउन हो गया तो नाउन की विशेषता सर्वनाम यानी संज्ञा की विशेषता और सर्वनाम की विशेषता तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले ही क्या कहलाते हैं एडजेक्टिव या विशेषण कहलाते हैं ठीक है ना क्रिया क्या है क्रिया मैंने आपको पढ़ा ही चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता देते हैं जो शब्द किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहा जाता है जैसे नरेश पत्र लिखता है वर्षा हो रही है इन वाक्यों में लिखता है जो आया है ये क्रिया है और वर्षा हो रही है ये क्रिया है ठीक है ना चलिए अब और लास्ट देख लेते हैं फिर हम संज्ञा के जो पार्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं जहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब्बे को अगर देखा जाए कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता यानी अपने स्वरूप को जो बदलते नहीं हैं जो जैसे के बैसे हमेशा यूज होते रहें चाहे उनमें कोई भी वचन बदल दो कोई भी लिंग लगा दो कोई भी कारक कर दो कोई भी काल बदल दो तो कुछ भी परिवर्तन ना हो अव्यय कहलाते हैं हाय आह धीरे और यथा एवं क्योंकि ये सभी क्या है इनमें कुछ भी आप परिवर्तन कर दो चाहे वो वचन कर दो चाहे एक बचन कर दो चाहे दुई बचन कर दो चाहे कारक लगा दो कुछ भी लगा दो ये अपने शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे यानी जहां का तहां ही रहेंगे तो वो अव्यय कहलाते हैं हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो हिंदी में संज्ञा के तीन भेद प्रमुख माने जाते हैं वैसे तो पांच होते हैं लेकिन तीन भेद प्रमुख माने जाते हैं जहां है। से क्वेश्चन बनता है आपसे एक क्वेश्चन कह देगा कि बताओ कि पुस्तक में कौन सी संज्ञा है तो आप कैसे बताओगे आप में कह देगा ये बताओ भारत में कौन सी संज्ञा है आपसे कह देगा गंगा में कौन सी संज्ञा है आपसे कहते नदी में कौन सी संज्ञा है तो समझिए जिस संज्ञा के द्वारा एक प्रकार की अनेक वस्तुएं अगर पृथ्वी पर फिर बहुत सारी अगर वस्तुएं हैं तो वो जाति का बोध कराएंगी अगर दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं अगर उनका एक ग्रुप बनता है उनमें एक जाति बन जाती है जैसे लोहार की कोई जाति होती है ठीक है ना ब्राह्मण की कोई जाति होती है इस तरीके से अगर मैं कह दू कि लड़का लड़का की भी एक जाति होती है तो लड़का दुनिया के जितने लड़के नदी दुनिया की कितनी भी नदियां लेकिन अगर मैं तो कह दूं कि गंगा तो गंगा नदी फिर हो जाएगी व्यक्तिवाचक में इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दुनिया में बहुत सारी चीजें भाई गंगा तो एक है तो वो व्यक्तिवाचक जो एक है वो व्यक्तिवाचक या किसी का नाम है वो व्यक्तिवाचक लेकिन लड़का है तो वो जातिवाचक लड़की है जातिवाचक पुस्तक है जातिवाचक लेकिन अगर मैं कह दूं कि गोदान या गवन पुस्तक प्रेमचंद्र की जो है तो वो हो जाएगी एकमात्र है दूसरी नहीं है तो दोस्तों वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक मनुष्य बहुत सारे मनुष्य मैं कह दूं लड़का बहुत सारे लड़का मैं कह दूं नगर बहुत सारे नगर लेकिन किसी नगर का नाम लेकर कह दूं तो वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा किसी तरीके से व्यक्तिवाचक देखिए जिस संज्ञा के द्वारा एक ही स्थान व्यक्ति या पदार्थ का ज्ञान हो जैसे नारायण जबलपुर सूरसागर जो यूनिक वस्तु है या आपका नाम दुनिया में कितने भी आपके नाम के अगर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं नेम अगर है वो वो व्यक्तिवाचक जाएगा भाववाचक जान लीजिए क्वेश्चन में कई बार पूछ दिया जाता है कि दुख कैसा है दुख कौन सी संज्ञा है गरीबी कौन सी है ईमानदारी कौन सी है गुण दशा स्वभाव आदि का ज्ञान कराने वाली संज्ञा भाववाचक कहलाती है जैसे मधुरता यौवन सज्जनता भागदौड़ ये क्या है ये आपकी एबस्ट्रेक्ट नाउन है एबस्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है इनका केवल भाव ही आप देख सकते हो इन्हें देख नहीं सकते आप ईमानदारी को देख नहीं सकते केवल महसूस कर सकते हो दुख को देख नहीं सकते महसूस कर सकते हो है ना तो ये चीजें हैं जातिवाचक से अगर भाववाचक बनाई जाए तो शिशु सिसु से शिशुता बन जाता है जानवर से जानवरपन अपना से अपनापन दुबला से दुबलापन मधुर से मधुरता ये क्या है ये भाववाचक है चलना से चाल लिखना से लिखावट मेरी बात समझ रहा तो ये क्या है ये दोस्तों भाववाचक है एक बार स्क्रीन ले लिया जाए क्वेश्चन तो नहीं बनता है लेकिन हमें सब कुछ पढ़ाना है अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट पर सर्वनाम सर्वनाम की बात करेंगे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो सर्वनाम के भेद होते हैं छह प्रकार के ये क्वेश्चन पूछा गया है पुरुषवाचक निश्चय अनिश्चयवाचक अनिश्चय संबंधवाचक प्रश्नवाचक और निजवाचक जिसमें तीन आपको यानी एक ही आपको पढ़ना है जो यहां से पूछा जाता है कभी कभी कह देता है ये बताओ कि मैं कौन सा है सर्वनाम हम कौन सा है अपना कौन सा है ये चीजें पूछ ली जाती हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट सर्वनाम क्या होते हैं मैंने आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं तो छह प्रकार देता हूं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं इनके कितने भेद होते हैं तीन भेद होते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए किया जाता है वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और यह तीन प्रकार का होता है यह भी तीन प्रकार का होता है अब यह तीन प्रकार से ही क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन में क्या दे देगा आपको कह देगा कि मुझे बताओ और हम बताओ या मैं हम मैं हम ज्यादा पूछा जाता है यहां पर वह है और यह पूछा जाता है और यहां से तुम पूछा जाता कहता है कि तुम कौन सा सर्वनाम है तो तुम दोस्तों मध्यम पुरुष है नोट कर लो और मैं और हम इतने ही नोट करो जहां पर गोला लगा रहा हूं उत्तम पुरुष है और वह और यह कैसे है अन्य पुरुष है ठीक है ना यह चीज आपको याद रखनी है एक बार स्क्रीन ले लिया जाए यह और वह अन्य पुरुष मारिए तुम मध्यम पुरुष और मैं और हम उत्तम पुरुष बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है